हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें सिंगल शॉट डे 8 रे पहुंच गए एंड विल बी स्टार्टिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी दी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ 12th। आउ पिले ए वीडियो टा टिके बड़ होबार अछि। करंट इलेक्ट्रिसिटी मु दुईटा पार्ट रे नै छि, पोटेंशियोमीटर आउ तमरो जो मीटर ब्रिज अछि आउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकंड पार्ट रे नै छि। तो सेकंड पार्ट टा टिके छोटो अछि और याद रे हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी रो सब जक इंपोर्टेंट जिंस गडा कवर करा, बहुत ट्रिक्स सब तातरे दिया हिछि, तो जिंस गडा को भलो कि मार्क करियो। सेकंड पॉइंट पिले एटा हमरो लास्ट चांस पिले, सेप्टेंबर 13 जदि एग्जाम होचे त हम पई लास्ट चांस। तो दि तीनटा जिंस मु भी तमटरो एक्सपेक्ट करछि जे मु खाली एटा बते देले हबन, तो मु ता सहित पिले सफिशिएंट प्रैक्टिस करा पडो, कारण मु 2 घंटा भितरे जदि पूरा चैप्टरटा एंड करछि त माने जदि मुआडु एफर्ट रहिछि एफर्ट त तमडु भी रहबो, आ 2 घंटा रे चैप्टर एंड करछि माने बहुत किछि मु करे परबिनि, मु केवल सेति कि जिंस करेबी जति कि एग्जाम डिमांड करिवो, नीट एग्जाम डिमांड करिवो। नेक्स्ट पॉइंट हमर हला कोन पिले, एटा गोटे थ्योरी क्लास नु है, एठी मु तमको बतेबी नि जे गोटे कंडक्टर भितर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मानकर फ्लो केमते, कारण एटा एग्जाम रे पचारीबो नि, किंतु जेतले थ्योरी क्लास हमें नु तो तादरे बहु जिंस डिस्क्राइब करा जे, तो याद रे हम केवल सेति जिंस देखी छे जेति जिंस हमर दरकार होछ। ठीक, क्वेश्चन ऑफ पैटर्न गडा को बहुत भलो कि मार्क करियो, कारण एगडा सब जको तमे जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गडा को सब तमे करिवो जेतले पिले एपीएमटी होतला कि जेबटरु नीट हेबा स्टार्ट हला, तो तुम देखियो पिले ए पैटर्न वाइज ही से माने क्वेश्चन डिमांड कर चाहिए। सो वंस कांसेप्ट जान सेला परे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूरा माने इट शुड बी एट योर टिप ऑफ द टंग, पूरा एते प्रैक्टिस हेतिबा दरकार, आउ तुमको एक्स्ट्रा बॉयरु भी बा तुमको आगुरु तुमरे जो भी इंस्टीट्यूट रे पढुतबो तुमको जहां भी दिया हेतिबो तो ताकू नै कि तुमको प्रैक्टिस करा पडो, देन ओनली दिस चैप्टर विल बी स्ट्रांग। ठीक ना, आउ नेक्स्ट पॉइंट हमर होउची कोन ना पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कहीं इंपोर्टेंट रहता है, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी तो क्वेश्चन आसो, किंतु याद रे जो सर्किट सॉल्विंग रो सब टेक्निक देव सो कहती ना सब मु देखे ऑनलाइन रे सब बतांति निंजा टेक्निक कोन टेक्निक सब किछि टेक्निक न था, पहले सब जिंसर गोटे बेसिक रूल ही था, आ मु ताकू जते इजी हे परे सेगडा बतै छी। जनरली हमें किरचॉफ्स लॉ जोटा पढू ताकू जदि यूज करबा जिंसर लेंथी हिजो, तो तापे मु तुम बहुत इंपोर्टेंट केटा ट्रिक आउ टेक्निक सब सिखै छी, एकरा को टिके ग्रास करबो ठीक से आउ मेथड गोडा को ठीक से यूज करबो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी सब इंपोर्टेंट कथ है, या पर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 12th रे जति की पार्ट अछि, वेदर इट इज कैपेसिटर और इट इज इंडक्टर और इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट और इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इट इज सेमीकंडक्टर आल्सो। सेमीकंडक्टर भी पिले पीएन जंक्शन डायोड रे रेजिस्टर मार के तुमको क्वेश्चन पचार दबो, सब जाक टेक्निक पिले एटु ही बाहर था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, तो तुम तक जिते यूटिलाइज कर पारो। आ पिले जदि तुमको लागू छि तुम याद रु किछि बेनिफिटेड हो जो, तले पिले निहाती तुम संग मान के संगे शेयर करो, आ जदि सतरे तुम किछि बेनिफिटेड हेछो यू हैव टू लाइक इट, एंड जो माने नुआ आसीबे तो तांको सब्सक्राइब भी करयाबो पड़िबो, आ सब्सक्राइब न करले तुम बिल्कुल छाड़ी भी नै, कारण इंपोर्टेंट जिंस बतौ छि माने एटा तमरो काम ही रहयो। ठीक अछि, सो लेट आउ करियानी, तो स्टार्ट करियो करंट इलेक्ट्रिसिटी रो पार्ट 1। ओके, सो फर्स्ट जिनस मु बतै छी याद रे जे एक्चुअली करंट जिनसटा कोन हेता, तो प्लीज सी कहू छी कोन करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बहुत किछि अछि तो टिके आइडिया खाली दे दू छी तुमको। सो लेट से हम पकरे पिले कोनोसी गोटे क्रॉस सेक्शन अछि, लेट से दिस वन इज अ कंडक्टर, एटा पिले गोटे कोनोसी कंडक्टर हेगला, दिस कंडक्टर कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आ जदि कोनोसी गोटे कंडक्टर रे पिले मु गोटे क्रॉस सेक्शन नै गले, ठीक खाली चार्ज पास करले हबनि, पिले चार्ज गोडा को इफेक्टिवली गोटे एरिया को क्रॉस करिवार अछि। ठीक, तले भाबो सम चार्जेस आर इफेक्टिवली क्रॉसिंग इट, याकु पार हेले, देन ओनली आई कैन से दैट देयर इज करंट फ्लो थ्रू दिस एरिया। ठीक, तले पिले जदी ए जगह रे पिले गोटे ऑब्जर्वर छिडा हिचि आ ऑब्जर्वर से एरिया टाकु देखु छि, तले गोटे पर्टिकुलर टाइम रे किछ अमाउंट रो चार्ज पास करबो इफेक्टिवली याडु साडु को पास करबो, तो गोटे पर्टिकुलर टाइम रे किछ अमाउंट रो चार्ज पास करबो, तो करंट बताए जे केते चार्ज पास कला केते टाइम रे, दैट इज योर करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। बहुत इजी जिंस मु या भितर पसिया पिन चाहूनी, बेसिक जिंस गडा को डायरेक्ट हमको देखे रहछ क्वेश्चन कोन कोन पढिया रहछ। ओके, या भितर पले छोटा छोटा जिंस केटा मन रखित, लेट्स से हम पकरे इक्वल अमाउंट रो याडे पले पॉजिटिव चार्ज अछि दीटा, ठीक आउ दीटा नेगेटिव चार्ज भी अछि, दीटा पॉजिटिव चार्ज अछि दीटा नेगेटिव चार्ज अछि, आउ समस्त कोन कले ना एरिया को क्रॉस कले,
एका संगे धर से टी टाइम एरिया क्रस कले तुमको पचारा करेन्ट रैल्यू के देख पे दिटा इक्वाल अमाउंट पॉजिट चार्ज जा दिटा नेगेट चार्ज आड़क जाइंट मैंने पे पॉजिट चार्ज आड़क जाइंटे जी पजिट चार्ज एपटूट को पॉजिट चार्ज एपट को भी आसे तुमको जो पचारा करेन्ट फ्लो रैल्यूटा केसगला जीरो कारण पे इफेक्टली क्रस करते चार्ज पास कर मायने रखे बट यू सी जदि तुमको पिले इफेक्टिव एरिया एटा दे देला आ तुमको कहला पिले दीटा क्यू अमाउंट रो चार्ज एपटू एपट को क्रॉस करचंती इन द मेन टाइम दीटा माइनस क्यू अमाउंट रो चार्ज एपटू पिले एपट को क्रॉस करचंती व्हेदर देयर विल बी करंट यस देयर विल बी करंट कारण पिले दीटा पॉजिटिव एमती जाइचंती आ दीटा नेगेटिव एमती जाइचंती माने पॉजिटिव दीटा एमती जाइचंती तले होल 4 क्यू अमाउंट रो चार्ज टी टाइम रे जदि पास कला तले तुमको जदि पचला करंट रो वैल्यू केते तले आंसर हमर आज जो 4 क्यू बाय टी लेट्स से दिस इज एन इफेक्टिव एरिया कोनसे गोटे इफेक्टिव एरिया एमती अछि आ गोटे चार्ज अछि पिले पॉजिटिव चार्ज सेना एमती गला आ पुनी फेरि आसला सेना एमती गला आ पुनी फेरि आसला ठीक त तमको पचला चार्ज करंट केते हला त करंट रो वैल्यू जीरो हो कारण मु कहथली इफेक्टिवली एरिया को आर पार हेबा दरकार एडि से गला पुनी फेरि कि पळे आसला त पिले नेट करंट रो वैल्यू जीरो हो जो बहुत सिंपल आइडिया जोडा पिले तमरो पढ़ाई ही थी तो जो पे आम करेन्टर कैलकुलेशन को जाओ करेन्टर कैलकुलेशन पे दि प्रकार पचार पार आउ जमी आम जिन गुडा पे काइनेमेटिक्स करते एक्जाक्ट सेम जिन करेन्ट भी आसो जो आम पे वेलोसिटी देखी थे वेलोसिटी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स जब आम गोटे इंटरवल वेलोसिटी को डिफाइन करते एवरेज वेलोसिटी होता है एंड वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एट ए पर्टिकुलर टाइम से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है जो वेलोसिटी बोली ही कहता हूं सिमिलरली करेन्ट इज ऑल्सो बेसिकली ऑफ टू टाइप्स गोटे पे इंटरवल डिफाइन होता है फ्रॉम 2 to 5 seconds तले ताकु पिले एवरेज करंट बोली कोआ जा और एवरेज करंट रो वैल्यू इता नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट टाइम आउट पिले इंस्टेंटेनियस करंट इता द थिंग व्हिच इज इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज करंट आमे जोटा को करंट कोउचे सेटा एक्चुअली पिले इंस्टेंटेनियस करंट इता आ जो इंस्टेंटेनियस करंट रो वैल्यू इता सेटा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डीटी इता तो ऑब्वियसली फार्मूला रो जणा पडछि जे कैलकुलस रिलेटेड क्वेश्चन हेई पारिबो तले पिले जदी हमकु चार्ज जणा थिबो तले पिले चार्ज रो डेरिवेटिव मार देले करंट मिलि जबो अदरवाइज जदी हमकु करंट जणा आछे तले पिले आमे कह परबा जे आईडीटी रो जो इंटीग्रेशन हबो सेटा पिले तमरो क्यू होइदो आ जदि पिले डेरिवेटिव आ इंटीग्रेशन दीटा को जिंस आछ चार्ज जणा थिले दिस इज हाउ यू फाइंड करंट आ जदि पिले हम करंट जणा थिबो दिस इज हाउ यू फाइंड चार्ज क्लियर आ जदि पिले डेरिवेटिव अछि जदि पिले डेरिवेटिव अछि त माने पिले स्लोप अछि सो आई कैन से दैट स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू करंट सबुद्रु क्वेश्चन बनाय परियो आ जदि पिले इंटीग्रेशन अछि इंटीग्रेशन इंडिकेट्स एरिया सो आई कैन से दैट एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू नेट चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ओके फार्मूला हम पको आसी गला व्हेन करंट इज जीरो करंट चेंजेस डायरेक्शन याद रु पिले क्वेश्चन बनाओ ठीक देखो पिले इतले काइनेमेटिक्स रो क्वेश्चन बनाइते s = t² + t² - 3t + 5 फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन गोटे पार्टिकल मूव करते डायरेक्शन चेंज करे ना पे वेलोसिटी जीरो हवा दरकार सेमती पे करंट रो डायरेक्शन जो चेंज हो तो पे करंट रो वैल्यू जीरो करंट रो डायरेक्शन चेंज हो जो कि बहुत भल क्वेश्चन होता है जो पॉइंट मन रखी थोड़ा व्हेन करंट इज जीरो करंट चेंजेस डायरेक्शन एग्जांपल अच्छी स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स करंट एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स नेट चार्ज फ्लो टॉपिक वन करंट के करंट के फ्लो करे एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट रो वैल्यू केते हिता स्लोप कोन मिलबो डेरिवेटिव कोन दबो एरिया कोन दबो इंटीग्रेशन कोन दबो ता बिषय में हम बुझी गेलो तो अब नेक्स्ट काम होला या रिलेटेड टॉपिक 1 रिलेटेड क्वेश्चन कोन आइ परबो देखियो ओके क्वेश्चन लेवल लो हमें कहि परियो किंतु स्टिल याद रे क्वेश्चन एमती अछि जोटा कि तुमको फसे परियो क्वेश्चन दला इफ चार्ज फ्लो एट एनी टाइम q = t³ e⁻⁴t फाइंड द टाइम व्हेन करंट चेंजेस डायरेक्शन आई सेड प्रीवियसली करंट पिले निजो डायरेक्शन सेतबेले चेंज करिवो जेतबेले करंट रो वैल्यूटा जीरो होबो क्लियर सो चार्ज रो वैल्यू देछि t³ e⁻⁴t व्हाट डस दिस इंडिकेट दिस इज चार्ज फ्लो डिपेंडिंग अपॉन टाइम तो आगो त हम करंट फ्लो मार्क करे तापर करंट को जीरो करे और तमे मार्क करो एटी पिले दीटा फंक्शन मल्टीप्लाई होछि तो जनरली पिले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्वेश्चन दिए बोली मु एक्सपोनेंशियलिटी कंसीडर करछि अदरवाइज अलजेब्रिक फंक्शन भी दे पर जोटा बेसिक तो सेही रहबो करंट मार्क करो करंट को जीरो करो जनरली एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन देता तो सेते मु एही फॉर्मेट रे क्वेश्चन द बनेले क्लियर सो पिले जदि हम करंट रो वैल्यू टाइप कैलकुलेट करबा सो करंट यू इनटू वी फंक्शन अछि तले आको हम लिख परा टी क्यू e⁻⁴t रो डेरिवेटिव आसी गला पिले -4 इनटू e⁻⁴t तो एटा पिले u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v आसी गला प्लस v तो v जगह मु लिखि देले e⁻⁴t इनटू डेरिवेटिव ऑफ u जोटा कि tq रो डेरिवेटिव आसी गला तो एटा आसी गला पिले 3t² सो व्हाट इज दिस दिस इज योर करंट एट एनी टाइम सो क्वेश्चन पछि फाइंड द टाइम व्हेन करंट चेंजेस डायरेक्शन
सो यू सिंपली मेक इट जीरो तले आपको जो जीरो कर दो आपले तले हम पाको आसी गला 3 into e to the power minus 40 into t square is equal to it as a put aside को पड़े ला so this becomes tq into 4 into e to the power minus 40 so e to the power minus 40 e to the power minus 40 cancel out हेगला तो tq cancel out हो गया t बाकी रहेला तले t value टा आसी गला पहले तमरो 3-4 seconds this is the time when current will become zero that means this is the time when current will change its direction bahut important kotha je sada mark kara au mark kariba jensa yaad re kon achi pile mark karo t ro power kete thila na 3 e to the power minus 40 thila constant ta kete achi na 4 achi thik tal pile dekho 3 by 4 answer bar laita ko mu kahe ki select koli question hisab re generally tame mane boy mana kar pile exponential jensa hi deithibo jete bele ei question pacharthibo tal pile tame constant jo gada thibo taro डिवाइड कर देकी मैग्नीट्यूड नहीं जाओ सिंपल कथा टी रो पावर देखी देव ई रो पावर जो कोफिशिएंट नहीं जीव तर मैग्नीट्यूड नहीं जीव और सिंपली डिवाइड कर देव तुमको आंसर मिल गला ठीक अच्छे वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिबा जिंस गडा को तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देई छे इफ करंट आई इज इक्वल टू 4 माइनस 2t कैलकुलेट एवरेज करंट इफ करंट आई इज इक्वल टू 4 माइनस 2t कैलकुलेट एवरेज करंट अगर तो पहले एवरेज करंट रो फार्मूला में देखिबा जस्ट मु तुमको बे बतेली जे एवरेज करंट रो फार्मूला एता पहले नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट टाइम ओके नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट टाइम अब पहले नेट चार्ज रो वैल्यू टा केते हिता नेट चार्ज रो वैल्यू हिता पहले आईडीटी रो इंटीग्रेशन आईडीटी रो इंटीग्रेशन और नेट टाइम रो वैल्यू टा केते हिता डीटी इंटीग्रेशन तो एटी पिला फसी जा कारण पिला देखिबो तो भाई किछि नै आराम से मु कर देबि किंतु स्टिल मु क्वेश्चन सिलेक्ट कोत पई करछि एई टाइप रो क्वेश्चन नेट रो बहुत फेवरेट हिता पहले आईडीटी रो इंटीग्रेशन और डीटी रो इंटीग्रेशन जितला हमें करा पहले टाइम रो लिमिट दरकार हो तमे देखो टाइम रो लिमिट नहीं से पचाची 4 माइनस 2t टाइम रे चार्ज केते फ्लो करियो कारण चार्ज केते फ्लो कले ही हमें एवरेज करंट ता कैलकुलेट कर परियो तो तापे आगो हमकू जाने पड़ो जे केते टाइम पई चार्ज फ्लो हला तमे पिला एतिक पर्यंत तो पळे आसीओ तापर फस जियो कारण तापर से तो इंटीग्रेशन करबो तको एवरेज करंट नेट चार्ज रो पिलो वैल्यू था कि तुम तो इंटीग्रेशन करबो लिमिट पुट करबो ने नेट चार्ज भी तुमको गोटे फंक्शन हिसाब रे पळासिबो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गोटे फंक्शन हिसाब नेट चार्ज इट्स अ कांस्टेंट इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड इट कांट बी अ फंक्शन ठीक ना कि तुम जतो एटी वैल्यू पुट करो तुमको पिलो फंक्शन पळासिबो आ तुम पछि बता दे तो हमो स्टेप कोन कर रहे छ ना सी हमो पछि छि नेट चार्ज केते फ्लो तमने करंट दिने बंद हे छ आ जेबे भी पिले काइनेमेटिक्स रो क्वेश्चन हे तो करंट रो क्वेश्चन हे छ कोनसी फंक्शन रो क्वेश्चन हे थौ जदि पिले माइनस देथिबो ना देयर इज अ क्वेश्चन माइनस देछि माने किछ एपर सपोर्ट से करिवो तो तमु जेटा संभाले रह छ तले एति गुरु तो हमें पाठ क्लियर हे गेले जे जदि आई रो वैल्यू 4 माइनस 2t हला आई रो वैल्यू टा को जदि हमें 0 कर दो तले हमें कहबा 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 0 तले t रो वैल्यू टा पिले 2 सेकंड आसीला तमने याद रे हमें क्लियर हेले करंट फ्लो 2 सेकंड रे बंद हे जाय छ तमने चार्ज भी 2 सेकंड जाय फ्लो करतो ताले एबे आउ डिफिकल्ट जिंस किछ नै एबे हम आराम से पुट करबा आंसर बा ताले पले जोटी आई लिखा है छि ता जगह मु लिख देले 4 माइनस 2t dt रो इंटीग्रेशन मारले और लिमिट पुट करले पले 0 रु 2 कारण 2 सेकंड पई फ्लो होई छि डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जेतले पुट करा सेटा तो पले 2 सेकंड एमती भी आसीबो एबे बाकी कैलकुलेशन हम कर परे तो यार इंटीग्रेशन नो वैल्यू जेतले हम पुट करबा एटा जो 40 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 so this becomes t square au 0 to 2 marli out divided by 2 kar deli tale value je tole put karyo this becomes 8 minus 4 so this becomes 4 divided by 2 so average current flow is 2 ampere au tame jodi limit put no kar than to tumko ei style re hi jinsa mili than ta answer mili than ta 2t minus t square by 2 jota ki pile value re bare bata tamaro function na bacho so a question important achi mark karyo if charge flow same style of question outre pachachi if charge flow is q is equal to 80 minus bt square where a and b are constant find the value of average current same jins average current jodi amku pachar che puni same jins outre kara che tale pile average current ra value hai gala net charge flow q net divided by t net average current ra eta value hai ta lago ta amku bar kare che net charge flow kete hala to tumko net charge flow pile eta net charge flow nahi एटा चार्ज फ्लो एट एनी टाइम दिच आ पिल माइनस साइन अछि त माने चार्ज फ्लो दिने बंद होबार अछि तले तमो काम सेटा आगो त पिल आई वैल्यू टा बार कर दियो आगो पिल तमे आई रो वैल्यू टा बार कर दो कारण जोटा क्यू नेट हबो सेटा पिल आई डीटी रो इंटीग्रेशन भी हबो आ जोटा टी नेट हबो सेटा पिल डीटी रो इंटीग्रेशन हबो ठीक आ हमहु पिल लिमिट दरकार अछि त केमथि पुट करियो ना जोटा एटा गुटे स्टेप रु स्टार्ट हेतला एटा आउट एक्स्ट्रा स्टेप आसी गेल तले पिल जदि क्यू रो वैल्यू या दिच तले मते बता आई रो वैल्यू टा केते हो आई रो वैल्यू आसीबो ए माइनस 2 बीटी क्लियर अ जत नेट चार्ज फ्लो पचा छि त माने करंट फ्लो निश्चित बंद हेतबो सो मेक इट इक्वल टू 0 करंट 0 माने सेही दिन जाही चार्ज फ्लो हबो
ताले a is equal to 2 bt ताले तमको पचला t रो वैल्यूटा केते आसीबो तो t रो वैल्यूटा आसीबो a by 2 b ता माने एतिक टाइम पई करंट फ्लो करछु एतिक श्योर हेगला में बाकी तो खाली लिमिट पुट करे आंसर बार जो हमरो ठीक ताले एवरेज करंट रो वैल्यू हमको दला पिले i dt रो इंटीग्रेशन तो i हम पकरे क्लियर होची बर्तन ताले हमें पुट करे a माइनस नल तमे पिले डायरेक्ट t रे ही पुट कर दे पर आउ इंटीग्रेशन भी करया दरकार नै तो ठीक जिंसटा मार्क करो तुमको इंटीग्रेशन भी करा दरकार कारण जदि हमें क्लियर हेगले जे एतिक टाइम जाय चार्ज फ्लो करी छे और चार्ज रो वैल्यू ता हमको देई छे और टी जीरो बले तो चार्ज भी जीरो थिला ताले टी जगह जदि एटा पुट कर देबा ताले हमको नेट चार्ज मिल जइबो तमे चाहले इंटीग्रेशन भी कर पर इट्स अप टू यू हैला इंटीग्रेशन करले गोटे स्टेप एक्स्ट्रा पड़े आसे ताले पर नेट चार्ज रो वैल्यू ता याद हो क्लियर हेगला बर्तन सो आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज बिकम्स एबे टी जगह रे ए बाय 2 बी पुट कर दियो तले टी जगह जदी एटा ए बाय 2 बी पुट करली तले एटा तो पिले आसी गला ए स्क्वायर बाय 2 बी माइनस बी जगह रे बी रहला आ जोटे पिले टी स्क्वायर अछि ता जगह रे वर्तमान मु लिख परबी ए स्क्वायर बाय 4 बी स्क्वायर तले पिले टी बी बी भी कैंसिल हेगला तो ए स्क्वायर बाय 2 बी माइनस ए स्क्वायर बाय 4 बी तले पिले नेट चार्ज रो वैल्यू टा बारी गला ए स्क्वायर बाय 4 बी डिवाइडेड बाय नेट टाइम रो वैल्यू पिले ए बाय 2 बी बार सर छि हमको पचातला एवरेज करंट रो वैल्यू टा बाहर करो तले एवरेज करंट रो वैल्यू अपन नेट चार्ज फ्लो व्हिच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 बी डिवाइडेड बाय नेट टाइम आ जो टाइम अछि ता जगह मु डिवाइड कर देबी ए बाय 2 बी ठीक तो पिले बी बी कैंसिल आउट हे गेला तो ए ए बी कैंसिल आउट हे गेला तले हम आंसर बाहरला नेट करंट रो वैल्यू टा बाहर छो तमरो ए बाय 2 एवरेज करंट रो वैल्यू टा बाहर गेला हमरो ए बाय 2 एंपियर चेक कर देबो तमे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन को जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जोटा पचारला सेटा पिले ग्राफ रूप पचार छे और क्वेश्चन कोन पचार छे वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आज शोन फाइंड एवरेज करंट तो बहुत सिंपल अछि पिले तो एवरेज करंट पिले नेट चार्ज हेते नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट टाइम और हमको कोन दिछि वेरिएशन ऑफ करंट माने एटा को करंट है एटा इंस्टेंटेनियस करंट है एट एनी टाइम हाउ करंट इज चेंजिंग ग्राफ दे दिछि इंस्टेंटेनियस करंट दे दिछि और हमको एवरेज करंट रो वैल्यू पचार तो पिले एठी जो जिंसटा हमें गोटे एटा आउतरे पिले एसी रे भी दरकार कारण एसी रे पिले हमें एवरेज वैल्यू खाली बाहर करे नै हमें आरएमएस वैल्यू भी बाहर करे तो एसी पटे एसी रे देखियो तो स्टेप तो पिले एया ही चलियो तो एवरेज करंट रो वैल्यू एता पिले नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम हम तुम को कहिले पिले करंट वर्सेस टाइम ग्राफ रो जो एरिया टा अछि सेटा पिले नेट चार्ज दबो तुम तो बहुत सिंपल हे गेला बर्तन तो केवल हमको एरिया कैलकुलेट करया रहछ टाइम तो हमको देखाउ छ तले एरिया कैलकुलेट करबा टू फाइंड नेट चार्ज फ्लो ठीक तले पिले जदी हमें यदि हमें पहले ए एरिया टा कैलकुलेट करबा सो दिस बिकम्स हाफ इनटू बेस बेस जगह पहले 10 लिख देले और जो हाइट अछि ता जगह पे पहले 10 लिख देले सो दिस बिकम्स 100 बाय 2 एटा सेला पहले 50 हमको ए एरिया टा भी कैलकुलेट कर रहे छि एरिया तो पहले पॉजिटिव आसीबो किंतु हमें नेगेटिव पुट करके करियो सो दिस बिकम्स माइनस हाफ जो पहले बेस लिखाय छि ता जगह लिख देले पहले 5 और जो हाइट लिखाय छि ता जगह लिख देले 5 सो 50 माइनस 25 बाय 2 so this becomes 100 minus 25 by 2 so this becomes 75 divided by 2 this is the value of the net charge flow and the question is find average current so average current ra value ta asibo net charge flow which is already I have calculated that is 75 by 2 divided by net time taken now net time taken ra value ta kete asibo now 15 divided by 5 by 2 so average current ra value ta asigala 2.5 ampere which was quite easy bas tumko sei jinse oda karar ache question number 3 re tike par support ache to tumhe mark kar do एटा भी क्वेश्चन इजी आसीला पिला तो फर्स्ट ऑफ पिला में नेट चार्ज रो वैल्यूटा बाहर कर दबा तो नेट चार्ज रो वैल्यूटा आज जो पिला यार एरियाटा जोटा की जो पिला हाफ इनटू 8 इनटू 6 दिस इज योर नेट चार्ज एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट सो दिस बिकम्स 2 कर देले 4 दिस बिकम्स 24 डिवाइडेड बाय नेट टाइम इज योर 8 सेकंड सो द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट बिकम्स 3 एंपियर ओके विल गो टू दिस क्वेश्चन दिस इज अ प्ले सेमी सर्कल ना तो तुम कह दो सर पाई आर स्क्वायर पके दियो तो के कहो ना सर सेमी सर्कल छ पाई आर स्क्वायर बाय 2 पके दियो एटा पर क्वेश्चन पिला कंफ्यूज होंदे एटा पर क्वेश्चन पिले जेबे भी सेमी सर्कल वाला ग्राफ देखियो एरिया क्वेश्चन पचारला थर्मोडायनामिक्स रे पचारे मॉडर्न फिजिक्स रे भी पचारे तो सेत बले टिके क्वेश्चन सहित मार्क करियो तो पिले सेत बले सर्कल रो एरिया हमें आ पाई आर स्क्वायर न कहके हमें सर्कल रो एरिया कहता पाई आर एक्स इनटू आर वाई यार कारण कोनो एबे बतया पे मो पकरे टाइम नै बस भाभी दियो एलिप्स रो एरिया केमति कैलकुलेट करा जाए बस एलिप्स रो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को समान कर देले जेटा सर्कल हो जाए तो अबे सेटा हम पखरे दरकार नै आ जदी पिले एटा सर्कल रो एरिया हला जदी सेमी सर्कल रो एरिया पचार थांदा त ऑब्वियसली एटा पिले पाई बाय 2 इनटू एक्स एक्सिस रो रेडियस इनटू वाई एक्सिस रो रेडियस हे थांदा एबे तमे बहुत इजीली कर परियो तल पिले मार्क करो यार एक्स एक्सिस रे जो रेडियस अछि सेटा पिले टी नॉट आसी गेला वाई एक्सिस रे जो रेडियस अछि सेटा पिले आई नॉट आसी गेला
तुमको जो पचार पे आवरेज करंट रैल्यू टाइम बाहर कर टोटल एरिया टाक बाहर करदे जो पे पाए बाय टू इनटू रेडियस इन वाई एक्सिस आई नॉट कर देले हमें ठीक तो एटा से गला पहिले तमरा नेट चार्ज फ्लो आ नेट चार्ज फ्लो रे जदी हमें नेट टाइम टू टी नॉट टा डिवाइड कर दबा तले हम को पहिले एवरेज करंट रो वैल्यू मिल जइबो टी नॉट कैंसिल हो गला तले पहिले हमर आंसर बारी गला पाई आई नॉट बाय 4 एंपियर व्हिच इज द वैल्यू ऑफ योर एवरेज करंट तो बहुत इंपोर्टेंट कथा कहले एटा ए ग्राफ टा क्वेश्चन बाकी वाला तो कैलकुलेशन है पर एटा भी कैलकुलेशन है जीवो किंतु टिके ट्विस्ट था याद रहा ठीक सो एटा पिले तुम्हारा टॉपिक 1 रो क्वेश्चन है गला आ उठी क्वेश्चन दो जी जोटा के पिले टिके फेमस स्टाइल रो हेता फेमस इन द सेंस कोनो क्वेश्चन कह छि चार्ज क्यू इज रोटेटिंग इन रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस एटा बहुत इंपोर्टेंट हेता काहे कि जदि पिले गोटे चार्ज वाला क्वेश्चन ना एनसीईआरटी रो बहुत फेवरेट हेता तो पिले जदि गोटे चार्ज रोटेट कर छि देन आल्सो करंट इज डेवलप्ड आ जदि पिले करंट डेवलप हला तले पिले मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो तले ए क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड रे पचारिबो ए चार्ज क्यू इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट इट्स सेंटर एटा गोटे क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट हेगला बोर थ्योरी रे भी पिले क्वेश्चन पचारि परबो तमु कह परबो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स रोटेटिंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ एच प्लस एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस टू तो पिले तमे सेठी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन गुरला तो करंट रो रेशियो टा से तुमको मांगे दो तो सेठी भी दरकार हो तनु ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हेता आकु निहाति सीरियसली नबो A charge q is rotating in radius r with constant speed v. First, we will see why there is a flow of current. See, jadi pile a path upare mu gote cross section consider karibi. Now let's say charge is rotating like this. To pile charge jete bele rotate korchi na, se to jauchi. Aku na feri aschi ki, bilkul. Tamane se effectively gote area ku kon korchi na cross korchi. Aur jodi effectively gote area ku se cross korchi, then there is current due to rotation of the charge. ठीक? तो हमें वो पचाला से करंट का वैल्यू टा कहता हूँ। तो हमें जान चाहिए पहले करंट का वैल्यू आ सकेगा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तब पहले जितने से एठी थिला, जितने से ए जगह रे थिला, जस्ट से एरिया एपोट है। पूरे आउटर एरिया क्रॉस करे आपने, ताकु पहले टू पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करे आप पड़ेगा। और टू पाई आर डिस्टेंस रे से पहले वी स्पीड रे कवर करछि और स्पीड कांस्टेंट होछि और सर्कुलर मोशन हमें सीखि छि जदि पहले स्पीड कांस्टेंट थिबो ताले पहले स्पीड रो वैल्यू हेता टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ताले जोटा टाइम आसीगला सेटा पहले 2 पाई आर बाय वी आसीगला ता माने चार्ज टा गुटे राउंड मारी कि माने थरे क्रॉस करि कि आउतरे क्रॉस कला बेलकु टाइम केते नै थिबो ना 2 पाई आर बाय वी सो टाइम टेकन टू क्रॉस द एरिया इज 2 पाई आर बाय वी सीरियसली नबो आ तो करंट रो वैल्यू ता क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम आउट टाइम रो वैल्यू टा हमरा आसीगला केते ना 2 पाई आर बाय वी सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आ जतो पहिले बोर थ्योरी को रेडियस रो वैल्यू हमकू जणा था 0.53 एम स्क्वायर बाय जति वेलोसिटी रो भी वैल्यू जणा था पुट कर देले तमको तमरा आंसर मिलि जो फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग बले बले जेहेतु पिले इट इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ना यार जो मोशन टा हेता सेटा पिले यूनिफॉर्म टाइप रो हेता और जदि पिले मोशन यूनिफॉर्म टाइप रो हला देन इंस्टेड ऑफ स्पीड इट मे गिव एंगुलर स्पीड वी नो देकि पिले ओमेगा दे दो ताल भी टेंशन नहीं तो पिले वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हेता है ओमेगा रो वैल्यू वी बाय आर हेगला तले जोटी वी बाय आर अछि ता मु ओमेगा भी लिखि परबि त करंट रो वैल्यू टा आसी गला क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई रिमेंबर बहुत छोटिया जिनस हेता बट यादरु क्वेश्चन पढ़े आउ पिला फसी के आसन दिस पे मोटा को एग्जांपल हिसाब रे नै छ तो एटा थले पिला हमरो टॉपिक 1 करंट केते हेता करंट रो फार्मूला कोन हेता एवरेज करंट केमती कैलकुलेट करा जाय एरिया रो केमती कैलकुलेट करा जाय कैलकुलस केमती पका जाय ठीक ना गोटे चार्ज रो सिंगल चार्ज रोटेट जदि करथु तले करंट केते डेवलप हेता तो टॉपिक 1 यातला टॉपिक 2 विल गो टू द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी सी तो नेक्स्ट टॉपिक जोटा छे विल कंसीडर द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोन हेते ना सिकला पिले बहुत किछि बते होबो पिले ड्रिफ्ट वेलोसिटी विषय रे से बहुत किछि क्वेश्चन पाइन होए ठीक तो सिकला एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हला देखो जदि पिले आई विल कंसीडर अ कंडक्टर एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल जदि सेल संगरे कनेक्टेड है कि नहीं कौन चार्ज माने यार कौन पिले कंडक्टर कोच माने यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स अछंती कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने मूव करछंती यस किंतु जदी तांकर मोशन टा होउची एवरेज वेलोसिटी टा पिले जीरो होइता से माने पर कारण से मानकर मोशन टा पिले रैंडम होइता से माने जानती जानती पुनी फेर जानती तल पिले मोशन अछि किंतु नेट डिस्प्लेसमेंट जेतु जीरो होइता ना पिले एवरेज वेलोसिटी जीरो होइ जाय सो चार्ज मानकर मोशन अछि यस एवरेज वेलोसिटी केते होइता ना जीरो होइता क्लियर
तो सेतपई करंट रो किजी फ्लो इन होता कारण चार्ज मानकर मोशन एज इट इज वेरी रैंडम ब्राउनियन तो से माने एरिया को जानती भी पुनी फेरी भी आसों ठीक ना सो नेट करंट रो वैल्यू जीरो होता जोटा कि मु आगरु डिस्कशन करतले किंतु जदी हमें पिले गोटे सेल लगे दोचे गोटे बैटरी हमें लगे दोचे तो बैटरी रो काम कोनो बैटरी निजो रो पोटेंशियल डिफरेंस तार पॉजिटिव और नेगेटिव भीतर जो पोटेंशियल डिफरेंस थाए से सेटा कंडक्टर ऊपर अप्लाई कर दे सो कंडक्टर रो एपोटेंटा वर्तमान पिले पॉजिटिव पोटेंशियल लेगले टा नेगेटिव पोटेंशियल लेगले इलेक्ट्रोस्टैटिक रे मु तुम बतेतली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल सो जदि पिले टा पॉजिटिव आउट टा नेगेटिव पोटेंशियल लेगला तो तमे मार्क करो इलेक्ट्रिक फील्ड याडू को जनरेट हेगला तो जत पिले इलेक्ट्रिक फील्ड याडू को जनरेट हेगला ताले जो इलेक्ट्रॉन मानकर मोशन दिला ड्यू टू थर्मल एजिटेशन रैंडम दिला एबे तांकर से रैंडम मोशन रहबो एनसीआरटी लैंग्वेज ठीक से मार्क करबो सिकल तांकर रैंडम मोशन एबे भी एग्जिस्ट करे बट देयर विल बी अनदर एडिशनल फोर्स रैंडम मोशन को पे इतला ड्यू टू थर्मल एजिटेशन हीट जोगो से माने एपर सपोर्ट हो थांदे एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउट एक्सटर्नल धक्का तांको ऊपर पुनी आउट बाजिबो जोटा कि पिले तांकर मोशन टाकु स्ट्रीमलाइन करे दो स्ट्रीमलाइन माने नो जे सीधा जिवे या बिषय रूम बतेबी सेकंड पॉइंट रूम निहाति बतेबी तो जो मोशन टाइम से गोटे नेट डिस्प्लेसमेंट रही माने अगर एमती फेरी आसते तो कौन जो जेहतु धक्काटा सड़क बाजि चार जीव आमती पलैसने एरिया को सी जो जाइना आगुरी जाऊला से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जिन बढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन जिन कमी सो देयर विल बी अन इफेक्टिव क्रॉसिंग ऑफ द एरिया तो इफेक्टिवली जेहतु जिन क्रॉस कला तेणु पे करंट डेवलप कौन नेट डिस्प्लेसमेंट रेस तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट रहा एवरेज वेलोसिटी रहा यस दैट इज नोन एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेल को कनेक्ट कर सारा कंडक्टर रे चार्ज मानकर जो एवरेज वेलोसिटी आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आजा सेल कनेक्ट न होते भी से मोशन होता है एवरेज वेलोसिटी के जीरो होता है या छड़ा आहुरी बहुत जिन अच्छे दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम पार्ट ऑफलाइन रे बहुत जिन गुड़ा बताए आउ तुम पे जो मैंने भी जूनियर अच्छा माने तुम मान भाई भी जो मैंने भी अच्छा तो से पे ऑनलाइन क्लास गुड़ाक प्रोवाइड कर जिन गुड़ाक बहुत डिटेल में तो से निहाती रेकमेंड कर वे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट वे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट मटेरियल ऑल्सो तो से निहाती रेकमेंड कर कारण पे सेप्टेम्बर 13 तुम्हें मैंने वेट कर पार से जो वेट करेंगे पर वर्ष पुणी फेलियर सामना करने को किसी ना गोटे मस दुई मस समस्त पढ़े देखिए क्रैश कोर्स बहुत किसी करेंगे ना दिस इज ए फैक्ट आई एम सेइंग क्रैश कोर्स से हेल्प करो जो मैंने अलरेडी जिन गुड़ा जा सारी तो तुम मन जो जूनियर मैंने अच्छा मेक श्योर टू रेकमेंड देम टू गो फॉर टॉर्क ऑनलाइन आप ठीक तो आप डाउनलोड कले सब जाक वीडियो लाइव क्लासेस सब जाक आम प्रोवाइड कर मेंशन करिवो ओके तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिनसटा आसीगला आउट इन सम मार्क कर दो पहले पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस थ्योरी पचार देला जे बैटरी लगेला पर कारण जनरली पिला माने जतले पढंती सर माने तंगु बतांती जे चार्ज गोडा सब एम्प्टी मूव करचंदी की एपटे मूव करचन सेम होय नै पिला चार्ज द मोशन ऑफ द चार्जेस आर नॉट स्ट्रेट लाइन एनसीटी फॉलो करो द मोशन ऑफ द चार्जेस आर पैराबोलिक इन नेचर मार्क करो जिनसटा जदि पिले थर्मल एजिटेशन हैला टिके आईडिया बते दउची जदि पिले थर्मल एजिटेशन हैला तले पिले मन कर ए पाथ तंगु डील करचो थर्मल एजिटेशन तो आज भी थी तेणु तार पाथ एमती आई कि पे बैटरी सांगे लगे इलेक्ट्रिक फील्ड सड़ को आउ गए धक्काटे भी मारदेव पे जो पाथ एमती आउला ना पे सड़क धक्का मार जो पाथ एमती तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट कथ चार्ज मानकर पाथ कंडक्टर भितर बैटरी लग सर इज नॉट स्ट्रेट लाइन द पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर ओके नेक्स्ट जिन जो देखा पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला प्लस टू लेवल समस्त डिराइव भी कर तो हाँ ये आउ गए पॉइंट मन की था पे जब पे इलेक्ट्रिक फील्ड एमती आसला तो नेगेटिव चार्ज गुड़ाक सड़क को मूव करती आउ नेगेटिव चार्ज मान फ्लो जो जो करेंट होता है इलेक्ट्रोनिक करेंट कहुए मुंडो डायरेक्ट काट दिए कारण आम डील करना इलेक्ट्रोन मान मोशन लेफ्ट को जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान मोशन राइट को जो पे फिजिक्स किसी डिफाइन कराई दैट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव चार्जेस ये जो करेंटा फ्लो कर मैंने करेंट ता भितर फ्लो कर फ्लो तो इलेक्ट्रोन्स मानक आम कैलकुलेशन पॉजिटिव चार्ज मान फ्लो नहीं कर से जो करंट अच्छे कन्वेंशनल करंट कहुए मुझे तुम फसा पीन चाहूनी इलेक्ट्रोनिक जिन मुंडर पूरा काढ़ दियो खेल कन्वेंशनल करंट रही ओके जिन जान सारा तो ड्रिफ्ट जिन जान सारा आम डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला को जीवा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला है ईवी बाय एमएल इनटू टाउ ईवी बाय एमएल इनटू टाउ ई हला पिले इलेक्ट्रॉन नो चार्ज एम हला पिले इलेक्ट्रॉन नो मास वी है ए दीटा को एंड भितर रो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर रो दीटा एंड भितर रो पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर रो दीटा एंड भितर जोडा पोटेंशियल डिफरेंस हेतो बैटरी ईएमएफ भी सेट आइता क्लियर
एल हला जेतकी लेंथ उपरे पोटेंशियल डिफरेंस अछि तो पिले एटा जदी लेंथ हेल एतकी एंड भीतर पोटेंशियल डिफरेंस अछि दैट इज एल एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम कोन हेतै ना एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. गोटे इलेक्ट्रॉन जेतो पिले गोटे कंडक्टर भीतर मूव करथाय ना से पिले निजो निजो संगरे बाडे होतांते आ से माने सॉलिड जे हेतु अछि ता भीतर लैटिस थाय तो पिले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ इलेक्ट्रॉन लैटिस भीतर कोलिजन चलता जोटा पिले रेजिस्टेंस को आजा आगु गले मु तुम बतेबी. तो गोटे कोलिजन नेक्स्ट कोलिजन भीतर जो टाइम टा मिले ऑन एन एवरेज से टाइम रो जो वैल्यू टा थाय सेटा को पिले रिलैक्सेशन टाइम बोली को आजा. इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम ऑलरेडी पढ़ के आछे जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू हला पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ. ताले पिले पोटेंशियल डिफरेंस टा को हम वी नो छे ए जिंसडा मार्क करो. करंट चैप्टर परठरु वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस हेता. इलेक्ट्रोस्टैटिक रे वी पोटेंशियल हेता डेल्टा वी टा पोटेंशियल डिफरेंस हेता किंतु करंट रे आउ कैपेसिटर रे मैग्नेटिक इफेक्ट जो पाठकटा कछि तादर पिले वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस हेता कारण आउ पोटेंशियल केबे मायने रखिबोनी सब पोटेंशियल डिफरेंस मायने रखिबो. सो वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल रिमेंबर सिंबल रे भी पिला कंफ्यूज हे जांदे. आउ पिले इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू हबो पिले पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ताले जोटी वी बाय एल लिखाइ छि ता जगर मु इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ लिखि दे छि. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो आउट ऑफ फार्मूला सिगला वी बाय एल जगर मु लिखि परबी ई बाय एम इनटू टाउ. This is another formula of your drift velocity. Okay. तो पहले drift velocity का क्या ऊपर depend करे. एटा बहुत important को थोड़ा मंदे की सुनिए पहले. Drift velocity जोटा है ही था है ना. It depends upon shape. बहुत छोटे-छोटे theory question है पहला confused होंगे. जोड़ा के पहले NCERT mention कर ची किंतु पहला पढ़े नहीं. Drift velocity depends upon shape. देखो कहीं दे. पहले जदी एटा पहले वोटा conductor नहीं ली. तो पहले एटा conductor टा पहले uniform हो जाओ. Conductor uniform हो ची माने या भीतर जो electric field आती हो सेटा भी पहले uniform थी. तमने पॉइंट 1 रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू जाइतबो पॉइंट 2 रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू से आइतबो. आ इलेक्ट्रिक फील्ड जोगु ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी अराइज करछि कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ही धक्काटा मारिबो जो त कि पिले वेलोसिटी डेवलप हो. आ जदि पिले इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू सेम अछि तले ए जगह रे ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो वैल्यू ए जगह रो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो वैल्यू संगे समान हो. बट इफ द शेप इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म जदि हला तले पिले जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो शेपटा अछि सेटा पिले एम्प्टी स्टाइल रहितबो. आ हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढ़ी के आछि जो जगह इलेक्ट्रिक लाइंस रो कंसंट्रेशन बेसी था सेटी इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्ट्रेंथ बेसी था. सो एट पॉइंट 1 द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2. और इलेक्ट्रिक फील्ड रो जदि स्ट्रेंथ बेसी हला ताले पिले ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो वैल्यू एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 2. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. ए कथाटा को सीरियसली नबो आउ आगु को एमिता जिंस बारंबार में देखिबा. ओके नेक्स्ट आसीला रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेंपरेचर. और रिलैक्सेशन टाइम ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिपेंड करे. कथा सुनिबो रिलैक्सेशन टाइम मटेरियल आउ टेंपरेचर ऊपर डिपेंड करे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम ऊपर डिपेंड करे. देन आई कैन से दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन शेप. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर. बट योर रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेंपरेचर. माने कोन अलग अलग जदि मटेरियल हेगला तले पले इलेक्ट्रॉन मानकर जो कंसंट्रेशन अछि केटा जगह इलेक्ट्रॉन मानकर कंसंट्रेशन बहुत बेसी था आउ कोट केटा जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टा कम था. तले पले इलेक्ट्रॉन मानकर कंसंट्रेशन जदि बेसी हेगला तो तमे मार्क रे टी कोन लिखा छि इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई देन योर रिलैक्सेशन टाइम इज लो. ऑब्वियस कथा इलेक्ट्रॉन्स मानकर कंसंट्रेशन जदि बेसी हेगला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई तले तो पले जाउ जाउ बाडे हिजो तले बहुत कम टाइम मिलिवो तमरो कोलिजन पे तमे पॉइंट मन रखितबो इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई देन रिलैक्सेशन टाइम इज लो. सिमिलरली इफ टेंपरेचर इज हाई देन आल्सो रिलैक्सेशन टाइम इज लो कारण जितो टेंपरेचर बढ़ी जीवो ताको रैंडमनेस बढ़ी जीवो बेसी स्पीड रे मूव करबा स्टार्ट करिवे ताले गोटे जगह आउट जगह कोलिजन पे जदी बेसी स्पीड रे गले ताले से बहुत कम टाइम रे सेटा अचीव करियो. सो हायर द टेंपरेचर लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. हायर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर इज द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. ठीक तो पिले ए जो चार्ज मानकर ड्रिफ्टिंग हेता है तो पिले आगो तो तुम्हें क्लियर थिबा दरकार ड्रिफ्टिंग माने कोन. बहुत इजी भाषा यूज करा जाई परथांदा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन बा चार्जेस आर मूविंग बट एक्चुअली इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस आर ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग माने खसीबा. तो तुम्हें बिल्कुल भावनी जे एटा एमतिया पिले गोटे बहुत फांका रास्ता अछि आउ इलेक्ट्रॉन माने बहुत आराम से या भीतर मूव करी करी एमति पळोचें. बिल्कुल नहीं पिले इलेक्ट्रॉन माने जतो या भीतर पिले मूव करू थांदी अंकर मोशन डा बहुत रैंडम हेते भाई कोनो से गोटे चार्ज गला आ एठी बाढे गला पिले एठी बाढे गला से तकु याडू को पठे देला से एठी याडू को पठे देला ये पुंटे लिखी तकु याडू को पठे देला त माने गोटे पर्टिकुलर टाइम रे ना ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो खाली एति केते मूव करथुबे बहुत जाउथुबे टिके जेमति के बाबा एटा पिले गोटे स्टेयरकेस अछि फटाफट बुझ जाओ बाबा पिले एटा गोटे स्टेयरकेस अछि आ स्टेयरकेस ऊपर मोटा बॉल पके देली तले पिले बॉल तो जंप बहुत करियो
किंतु पिले मते पचला डिस्प्लेसमेंट केतला डिस्प्लेसमेंट तो पिले केवल इनिशियल रु फाइनल हो डिस्प्लेसमेंट तो एति केला मु सीढ़ी ऊपर देखि मु तो कहि भाई एति बाट ही जाई छी किंतु से डेइतिबो बहुत ताले आकु पिले ड्रिफ्टिंग कोआ जा जितने पिले मोशन बहुत है किंतु नेट डिस्प्लेसमेंट कम था ताकु पिले ड्रिफ्टिंग कोआ जा जोटा कि पिले कंडक्टर भीतर हो कंडक्टर भीतर चार्ज गोडा को पिले बहुत रैंडमली मूव करन किंतु बहुत स्मॉल बाट आगु जाउता ताकु ड्रिफ्टिंग बोली कोआ जा आ ए ड्रिफ्टिंग जोगु ही कंडक्टर भीतर करंट ऑफ फ्लो करता है ड्रिफ्टिंग जोगु ही कंडक्टर भीतर करंट ऑफ फ्लो करता है तला में निहाती देखिबा दरकार जे ए कंडक्टर भीतर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आउ कंडक्टर तेरे तो करंट भीतर रिलेशन कोन बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन डा करंट आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी बहुत इंपोर्टेंट कथा एटा एन टा एटी जोटा था एटा पले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नो था बारंबार कहली एटा पले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बारंबार कहली क्वेश्चन याद रु हुए मु भी देई छे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम दिस इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमें कोई परवा आई इज इक्वल टू एन ए वी डी दिस इज द रिलेशनशिप तो हम समझते प्लस 2 लेवल आकु पिले डिराइव भी कर तो एबे डेरिवेशन पई हमकु पकरे टाइम नै लास्ट शॉट दउ छ हमें आ जदी हमें ए फार्मूला भी मन रखिना भाबु छ डॉक्टर हे जबा तले एटा पिले बिल्कुल हे परवान तनो पिले एटा पिले प्लस 2 लेवल रे हमें पढ़ के आस्ताउ एबे से गडा को हमकु डिराइव करियार नै n is equal to number of electrons per unit volume eta pile capital n likha hai smaller number number of electrons per unit volume as the value put kara ja pile drift velocity ra value ta bahut kam hai tha 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 4 meter per second e jetole charge gora ko move karant na pile tankara drift velocity ta bahut kam hai tha karan displacement bahut kam hai tha in the range of 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 4 meter per second kebe drift velocity tumko pachya chha tum value ya tru adhika aschi then again check it koti niyati bhul thiyo karan eta tar range of drift velocity hai tha ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन करंट आउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भीतर रिलेशन कौन बहुत छोटा लेवल क्वेश्चन या भीतर होता है तो हमें से क्वेश्चन गुडा को संगे संग मार्क करिबा तो क्वेश्चन कौन दला हमको ए क्वेश्चन जो होता है पिले गोटे तो क्वेश्चन मु देजी पिले जोटा की बहुत डायरेक्ट अछ तो इट इज सेइंग दैट ए कंडक्टिंग वायर कैरीज करंट 1 एंपियर करंट रो वैल्यू दे देला व्हिच हैज 2 * 10 टू द पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब तो पहले क्वेश्चन का लेवल इजी होची किंतु पिला जते बले क्वेश्चन को अप्रोच करे से टिके डाटा पुट कला बले फसे जाए तो क्वेश्चन का लेवल लो रे ही जीवो बट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड तो ए टाइप रो क्वेश्चन कैलकुलेशन मांगी दबो तुम टाइम वेस्ट कर दबो जगी करया रोची इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर कोटा सेंटीमीटर कोटा मिलीमीटर सब एमती करे के देची क्वेश्चन पचाची फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी सो दिस इज वेरी इजी करंट देची ड्रिफ्ट वेलोसिटी पचाची तो हमें आगो तांको भीतर रिलेशनशिप ता देखि देबा सो द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज I is equal to n a v d ताले जो दिया हमको v d का वैल्यू पहचान ची ताले तारा वैल्यू आज जो I is equal to n a v d is equal to I by n a e करंट का वैल्यू टा हमको दे दी ची पहले 1 एम्पीयर सो I can easily put it over here 1 एम्पीयर n अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम जो रखी पहले दिया ची बस सेंटीमीटर क्यूब रे दिया ची तो हमको ताको मीटर क्यूब कर रहे तो वैल्यू कितने दे दी तुमको 2 × 10⁻²² पर सेंटीमीटर क्यूब तले जदि ताकू पिले मीटर क्यूब को कन्वर्ट करियो सो दिस बिकम्स 10⁻⁶ एना सीला आ जो एरिया टा देई छि हमकू तो एरिया रो वैल्यू टा दे दे छि पिले 1 मिलीमीटर स्क्वायर तले याकू हमें पुने आउतरे पुट कर देबा ठीक है हमें खाली चेक करबा 2 × 10⁻²² फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब तले एटा पिले 10⁻⁶ ठीक है मार्क करो कारण 2 × 10⁻²² डिवाइडेड बाय 10⁻²² रो क्यूब तो 10⁻+6 आ जीवो इनटू एरिया जोटा देछि पिले सेटा 1 मिलीमीटर स्क्वायर देछि तो 1 मिलीमीटर को आगो तो तमे पिले मीटर को कन्वर्ट कर दियो ठीक तले एटा पिले 10⁻³ रो स्क्वायर एटा पिले 10⁻⁶ आसी गेलो हमकू इलेक्ट्रॉन चार्ज देछि तो इलेक्ट्रॉन चार्ज आसी गेलो 1.6 × 10⁻¹⁹ बाकी तमे जिन सब को संभाली परबो 10⁻⁶ आउ 10⁻+6 कैंसिल आउट हो गेला वैल्यू पुट करले ऑटोमेटिकली तुमको आंसर मिल जइबो जोटा कि तमो काम विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मु टिकट ट्विस्ट देच तो नेक्स्ट पॉइंट जोटा मु बता पे जाउ छी बस एठी से टिकट तुमको ट्विस्ट मारिबो आ तुम जदी ठीक से मार्क करबो से कहू छी ए वायर करे कैरीज करंट 1.8 एम्पीयर रो करंट फ्लैप पास करता भीतर ई फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर एटा टिकट चेक करियो बेले बेले तुमको नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ दे दो तो हमें कन्वर्ट केमती करियो मु तुम बतो छी तो मार्क करो एटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम देथला एटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर लेंथ देथा बेले बेले तो हम क्वेश्चन पचला कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी तले पिले फार्मूला त हम पकरे से ही आसी तो वीडी रो जोटा वैल्यू अछि कोन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पचा छी जोटा के हम लिखि दा पिले आई डिवाइडेड बाय एन ए ई ठीक
तो मार्क करिबा जिंस वाला बले i डिवाइडेड बाय n जतबे लखुचे एटा गला बले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम आ जोटा बले वॉल्यूम लिखा है जे तकु एरिया इनटू लेंथ लिखि के पुनी a इनटू e भी लिख परियो आ एरिया बे कैंसिल आउट हो गेला एबे तमे कर दबो तले बले एक्चुअल फार्मूला बो i डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ एठी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ लिखि देले इनटू द चार्ज एबे तमे बहुत इजीली कर पर आंसर बाहर जो हमरो तो करंट रो वैल्यू टा हमको दे दी छी पहले 1.8 एंपियर सो हियर यू कैन पुट 1.8 एंपियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ रो वैल्यू दे दी छी पहले 2 * 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर तकु टिके चेक करया रछी पर सेंटीमीटर दे छी 2 * 10 टू द पावर 22 तले पहले 2 * 10 टू द पावर 22 * 10 टू द पावर 2 कारण एटा पर सेंटीमीटर तमको दे दी छी तो डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2 मीटर लिखि देले जोटा के ऊपर पड़े के 10 टू द पावर 2 हेगल इनटू चार्ज और चार्ज रो वैल्यू टा हमें जान छे पहले 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 नाउ यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाकी खाली कैलकुलेशन तमरो जहां टाइम वेस्ट हो तो कैलकुलेशन तमे जा भीले करबा को तो पड़ी इजीली काटिया पे चेष्टा करियो आराम से कट जो ओके तो एटा थिला पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी हेता है करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिलेशन पचरो यार थ्योरी गोडा को बहुत फेमस हेता है थ्योरी गोडा को मुंडर रखि देबो ओके विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट टॉपिक 3 टॉपिक 3 रे हमें टॉपिक 2 रे जो जो जिंस गडा को पढ़ी के आसले ताकु खाली एठी मु यूज करे अपन चेष्टा करछि तो याकु टिके मार्क करिवो ठीक से तो केटा प्रिंटिंग रे एपर सपोर्ट अछि मु ताकु बते दउ छी तो तमा को जिंसटा मार्क कर हैला को हमें सेटु पढ़ी के आसले पिले वीडी रो वैल्यू हेतला पिले ईवी बाय एमएल टाउ अ करंट आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिलेशन हेतला आई इज इक्वल टू एनआई वीडी सो सिंपली यू पुट इट ओवर हियर तले आई कैन से दैट जोटा कि मोटी डायरेक्टली लिखि छी तमको डायरेक्टली फार्मूला ही मन रखियर अछि ठीक तले पहिले करंट रो वैल्यू टा हमरा आसी गेला पहिले i इज इक्वल टू n a e v d आ जोटी v d लिखाय छी ता जगह रे मु लिखि देली e v बाय m l इनटू टाउ तले पहिले हम पको फार्मूला आसी गेला तो जतले आको हम टिके पुट करबा आ टिके रीअरेंज करबा तले एटा जो पहिले n a e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l n a e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l इनटू टाउ इनटू v जोटा तमा अगर थुआय छी तले पहिले v रो वैल्यू टा वर्तमान केते आसी गेला सो v बिकम्स i इनटू ml by n a e square tau v is equal to i into ml by n a e square tau ठीक है जी कहता रहता तो mass of charge constant length of the conductor number of electrons per volume area of the conductor electron of charge और relaxation time सब जगह पिले constant नहीं था आधी तो तंको जगह रे जो दिल पिले constant रो value हमें put कर दबा r तल हम को पिले कुटे बहुत famous formula मिले v is equal to i r जोटा के पिले ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म बोली को आ जा बहुत सीरियसली नबो एटा ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म हिता ए लॉ टा हमकु कोन बतौ छी जतले रजिस्टर पढेबी सेटी मु तमकु एक्सप्लेन करिवे ओके आगो तो फार्मूला मन रख सेकंड जिंस मन रख यार कोन चिन्ह मु या बदल रे आर जिंस टा पुट कोली रेजिस्टेंस जिंस टा पुट कोली तले पिले रेजिस्टेंस रो फार्मूला कोन आजिवो रेजिस्टेंस रो फार्मूला आजिवो एमएल बाय एनए स्क्वायर टाउ से फार्मूला भी तुमको मन करे छि रट्टा मारियार अछि ठीक याकु जदी टिके रीअरेंज करबी तले एटा जो पिले एम बाय एन स्क्वायर टाउ इनटू एल बाय ए ठीक जोडा कि सेटी लिखा है छि तले पिले एगडा को भी कांस्टेंट हे गेला तो ये भी कांस्टेंट यार स्पेशलिटी कोन आइता पिले एटा पिले कंडक्टर रो डायमेंशन अछि आ एगडा सब जको पिले इलेक्ट्रॉन नो प्रॉपर्टी आ जोटा इलेक्ट्रॉन नो प्रॉपर्टी सेटा मटेरियल नो प्रॉपर्टी सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन किंतु ए जो जिंसटा अछि जेहेतु इट इज अ कांस्टेंट सो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट डाउन रो एल बाय ए तनु नेक्स्ट फार्मूला हमकु मिलि गेला आर इज इक्वल टू एटा पिले रो अछि रो एल बाय ए जोटी रो टा को पिले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी बोले कोआ जाय जोटा कि पिले मटेरियल नो प्रॉपर्टी हेता डायमेंशन ऊपर डिपेंड करे ने रिमेंबर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन और भी बहुत जिंस ऊपर डिपेंड करे बट दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल कॉपर रो वायर नहीं छी मोटा कॉपर पतला कॉपर लंबा कॉपर जा भी करो कॉपर माने रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहइबो मोटा पतला हेले पिले रेजिस्टेंस चेंज हिजबो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल तो एटा निहाती मन रखिबो तो या बदल रे जेतु रो नियाय छी तनु पिले रेजिस्टिविटी रो फार्मूला हेता एम बाय एन स्क्वायर टाउ रेजिस्टिविटी रो फार्मूला हेता एम बाय एन स्क्वायर टाउ एम बाय एटा रेजिस्टिविटी एम बाय एन स्क्वायर टाउ और रेजिस्टिविटी रो रेसिप्रोकल टाकु पिले कंडक्टिविटी बोली कोआ जाय जो कंडक्टिविटी रो फार्मूला हमरा आसी गला एन स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम ठीक
ठीक तो ये सब फॉर्मूला तुमको मन रखे रही आ करंट डेंसिटी विषय में कि बतेनि स्टिल आम गोटे फॉर्मूला मिली जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई कौन ये जिनसा करंट डेंसिटी आगे जी से बतेवी ए जिनसा कहे ओम्स ल इन वेक्टर फॉर्म कहा जाए ओम्स ल इन वेक्टर फॉर्म v is equal to ir is the ohms law in scalar form clear so next jinso amku jota check karar achi that is the concept of resistance mona dekhi dekhibo ja ja kuji sunibo tapare next slide ra ame baki jinso bi dekhibo pile basically what is resistance tamku jone question pacharibo je bhai resistance ro meaning ta kono simple bhasha re panno dokani language re resistance mane pile where ठीक ना आम घर सब विभिन्न इलेक्ट्रिकल काम तार यूज करचे से तारटा को ही पिले रेजिस्टर बोली कहा जाए आ तार प्रॉपर्टी टा को रेजिस्टेंस कहा जाए तो तुमको सर तार प्रॉपर्टी कौन ना वायर टा जेहेतु पिले सॉलिड है या भीतर पिले तुम लैटिस रे सब था लैटिस स्ट्रक्चर था तो जो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक मूव करवा स्टार्ट करती इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मान सहित कॉलिजन हुए इलेक्ट्रॉन मान लैटिस सहित कॉलिजन हुए दैट कॉलिजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर ठीक ना अब से कोलिजन को ही हमें रेजिस्टेंस बोली कोई तो वेरी इंपोर्टेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मींस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स विद लैटिस आओ हम पाठ रे रेजिस्टर कहले तुम बुझिबो गुटे वायर ते तार ते जार रेजिस्टेंस टाको हमें आर बोली कोचे दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस वायर तार माने रेजिस्टर बुझिबो हम तल कोनोसी गोटे वायर रो जो रेजिस्टेंस टा अछि एटा कहा ऊपर डिपेंड करे दीटा तो हमें कथावार्ता हे जाइतले इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन केमति डिपेंड करे क्वेश्चन एग्जांपल रे बतेज इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल बिकॉज़ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल याद रे किछि क्वेश्चन हुएन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन कनेक्शन पिले गोटे प्रॉपर गोटे कंडक्टर को पिले गोटे स्टाइल रे कनेक्ट कराओ रेजिस्टेंस रो वैल्यू जाबो आउट स्टाइल रे कनेक्ट कर देले रेजिस्टेंस रो वैल्यू चेंज हो जो चेंज हो एग्जांपल ता पे अछि आउ नेक्स्ट जिनस जोटा कि सब बेसी इंपोर्टेंट रहता है रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर याद रु बहुत फेमस क्वेश्चन में बड़ा बड़ा ट्रिक बतेबी यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन हम तो फास्ट मन रखी पे रेजिस्टेंस को जिन डिपेंड करे इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल इट डिपेंड्स अपॉन कनेक्शन इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इट्स राइट टाइम जो तुमको बतेबी जे ओम्स लॉ टा एक्चुअली कौन होता है तो सी कहला जे इफ आई विल कंसीडर अ वायर तो पिले वायर माने बहुत पिला माने एटा को रजिस्टर बांधते बिल्कुल नहीं ए वायर ता ही रजिस्टर ए वायर ता ही रजिस्टर तो ताबिल कोन मु एमती 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 देखेबी दैट्स नॉट पॉसिबल सो इंस्टेड ऑफ वायर दिस इज द सिंबल ऑफ द रजिस्टर व्हिच इंडिकेट्स दैट दिस प्योरली थिंग इज अ होल रजिस्टर क्लियर नेक्स्ट पॉइंट जदी पिले एटा रजिस्टर हैला ओम्स लॉ सेज दैट बहुत पिला को मुंडरे थाए जे रजिस्टर अपोज करंट दिस टोटली ए रॉन्ग कांसेप्ट तमे देखो जेतले पिला हमहु को पढा जाए तो आमको कहला पे सोर्स रु जी करंट बाहर से करंट आसवा भी दरकार किपटे आम कौन रेजिस्टर अपोजिट करंट भाई जदि गोटे जिनस को अपोजिशन मिलूँ ना वैल्यूटा तार कमी किंतु आमको ये कहला जी करंट पशिला से करंट बाहर भी गल सो फास्ट थिंग यू रिमेम्बर दैट रेजिस्टर डजंट अपोज करंट रेजिस्टर अपोजेस एनर्जी जितकी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा से कम पे एनर्जी को लेकिन ही था करंट वरेन्ट को लेकिन ही ना रेजिस्टर अपोजेस एनर्जी मान जदि पिले आम पाखे गोटे वायर अच्छे से वायर भितर देखी जो चार्ज गुड़ा को मूव करती ड्यू टू कॉलिजन से माने जितकी एनर्जी नहीं कि वायर भितर पसंती ड्यू टू कॉलिजन से एनर्जी रे से न था कौ एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी से माने धरिकी आसता बाहर बेलू कमी जाए तेल रेजिस्टर अपोजेस एनर्जी कौ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो जब पिले पोटेंशियल एनर्जी को अपोज कला पिले पोटेंशियल अपोज हो पोटेंशियल अपोज है माने इनपुट रे पोटेंशियल रो वैल्यू जहां थी आउटपुट रे पोटेंशियल रो वैल्यू से नाले पोटेंशियल जब करंट एमती फ्लो कला एटी पिले पोटेंशियल जहां थी पोटेंशियल से नाले पोटेंशियल रो गोटे डिफरेंस पोटेंशियल गोटे ड्रॉप तैयारी हम तो से पोटेंशियल रो ड्रॉप केते दैट इज सेड बाय ओम्स लॉ जो गोटे एंड रु आउट एंड को गला बेलू को पोटेंशियल डिफरेंस केते ना द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जोटा कि से प्रूफ करले एबे तमे ओम को नियम मते लागु छ बुझी पातु इफ देयर इज अ करंट देन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस और इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देन देयर इज अ करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला v = ir
सिंपल दिस इज योर ओम्स लॉ जोटा कि हमें आगु आगु बहुत यूज कर तो गोटे जिन किर्चॉफ साइन कन्वेंशन पे एबे मन रखी देता जे करंट जत बले पिले फ्लो करची ना जो डायरेक्शन ने फ्लो करची से डायरेक्शन रे पोटेंशियल टा डिक्रीज करिच एटा इनिशियल एटा फाइनल पोटेंशियल टा डिक्रीज करिच ठीक तो एटा को मु काई एते स्ट्रेस देली किर्चॉफ को साइन कन्वेंशन हम सेटा देखियो ओके सो एबे रजिस्टर जो जो जिंस गडा को ऊपर डिपेंड करला तो ताकु ने की क्वेश्चन कोन हेता ता भितर फर्स्ट जिंस जोटा सबटु बेसी इंपोर्टेंट हेता तो सेटा को मु बतौ छी पिले दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेंपरेचर तो फर्स्ट जिनस मन रखी था जो रेजिस्टेंस डिपेंड करिवो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा सो व्हाट इज आर नॉट आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट टेंपरेचर थीटा नॉट माने तुम कह परिवो दिस इज टेंपरेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेटा को मु थीटा नॉट बोल लिखी छी जोटा कि हम रेफरेंस टेंपरेचर नबा जोटा कि जनरली डाटा रे दबोने एठी ही पिला फसे फसेला वाला क्वेश्चन तुम पई अछि रेडी है कि तो ठीक है वेट कराओ सो आर नॉट आई ता पिले रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेंपरेचर और आरटी आई ता पिले रेजिस्टेंस एट टी टेंपरेचर ठीक और डेल्टा थीटा आई ता पिले चेंज इन टेंपरेचर तो तुम्हें मार्क करो बेले बेले केटा बरे हमती भी लेके आर इज इक्वल टू आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा टी तो अल्फा टी माने कोनो ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे टेंपरेचर टा को रेफरेंस नहीं की बाकी टेंपरेचर डिफरेंस टा को टी लिखा है तो सेठी पिला ट्रैप ही था तो से पे मु डेल्टा थीटा लिख ली डेल्टा थीटा इज योर चेंज इन टेंपरेचर हैला विथ रेस्पेक्ट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट 0 केल्विन ता भीतर पिले गोटे टर्म अछि पिले अल्फा तो अल्फा टू को कुआ जा पिले तमरो गोटे आमे हीट रे भी पढ़ी तो अल्फा डेल्टा थीटा तो अल्फा टू को पिले कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुआ जाए तो को बिल्कुल भी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भाबी बनी दिस इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर मन रखी था एटा यार भी यूनिट जोटा आइता सेटा पिले डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ही है तो तापे बहुत मुंडा कले आपने ए सब जिंस गडा को बहुत इंपोर्टेंट कथा लिखा है जाको ठीक ठीक से बुझो जदि कोनोसी गोटे रेजिस्टर रो पिले अल्फा रो वैल्यू पॉजिटिव आसी गला मुंडा रे रखिबो एटा जार अल्फा रो वैल्यू पॉजिटिव हेतो तार मीनिंग डा बुझिबो विथ इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर देयर इज इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस जदि तार टेंपरेचर बढ़िला तले पिले तार रेजिस्टेंस भी बढ़िबा स्टार्ट करियो आउ अल्फा रो वैल्यू जोटा की कहा केस रहिता एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा जोटा की कहा केस रहिता ना पिले कंडक्टर केस रहिता है ठीक केटा सब्सटेंस एमती अछंती जो मानकर अल्फा रो वैल्यू नेगेटिव हेता त माने जदी से मानकर टेंपरेचर इंक्रीमेंट हैला तले से मानकर रेजिस्टेंस कमी जीवो रेजिस्टेंस कमी गेले बेसिक करंट फ्लो करिबा स्टार्ट करियो सो अल्फा रो वैल्यू नेगेटिव को मानकर हेता बहुत इंपोर्टेंट कथा आगु गोडे गोडे दरकार हबो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर केस रे जदी तमे पिले टेंपरेचर बढेबो ताले पिले रेजिस्टेंस कमी जीवो करंट फ्लो बढी जीवो बहुत इंपोर्टेंट कथा केटा सब्सटेंस एम्प्टी थांती जो मानकर अल्फा रो वैल्यू 0 होइता है अल्फा रो वैल्यू 0 माने ताकर जो रेजिस्टेंस ता थिबो सेटा पिले टेंपरेचर ऊपर बिल्कुल डिपेंड ही करिवन तमे टेंपरेचर बढेले भी ताकर रेजिस्टेंस चेंज होमनी तमे टेंपरेचर कमेले भी ताकर रेजिस्टेंस चेंज होमनी कोटी यूज होइता पिले जतो हम एक्सपेरिमेंट को जीवा ना पिले पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज तो तादो उठे वायर यूज करा हुए सब बोले मीटर मीटर ब्रिज वायर तकु ना दिया जे पोटेंशियोमीटर वायर तकु ना दिया जे से जो वायर गडा को एक्सपेरिमेंट पर्पस रे यूज हो जे त माने टिके भी जदि एरर रहला पिले कैलकुलेशन एरर आछो तले सेठी जदि पिले हीट अनुसार जदि रेजिस्टेंस चेंज हे थांत तले पिले कैलकुलेशन एरर आछो सो इन दैट केस वी टेक दोज वायर्स which are independent of the resistance of which are independent of temperature se pai e jo jinso kada ko eta supile experiment purpose re use eta sata knowledge like mona rakhibo eta tumu direct question pachare why manganese wire is used in potentiometer ebe tru koi duchi mon rakhibo because in that case the value of thermal coefficient becomes zero for which with change of temperature there is no change of resistance kon koili substance na manganese आउट ऑफ बी सब्सटेंस हेता पहिले कांस्टेंटन कांस्टेंटन बहुत इंपोर्टेंट कथा एटा हैला तो कंडक्टर मानक केस रे किंतु जदी तमे टेंपरेचर इंक्रीज करिवो ताले रेजिस्टेंस बढिवो करंट फ्लो कमिवो किंतु माने नाही जे आमे खाली कंडक्टर पढिवो सेमीकंडक्टर को जतबे जीवा विद द इंक्रीमेंट ऑफ टेंपरेचर देयर इज डिक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आउ केटा सब्सटेंस मानकर अल्फा 0 ही हेता the resistance is independent of the temperature au eta gote bahut important kotha yaku hi nahi ki mu mo problem ro technique banebi je how resistance depends upon temperature clear cut to resistance ro pile jodi ame bracket khol daba tale pile eta hi jibo r is equal to r not
प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो क्वेश्चन पचाला रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऊपर केमती डिपेंड करे, तो मैं मार्क कर रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर दीटा कर पावर 1 अछि, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही हो। अब इटा तो पले कांस्टेंट है, तो तुम्हें मार्क करो y = mx + c फॉर्मेट रे अछि, स्लोप भी पले पॉजिटिव अछि माने एंगल एक्यूट हो, स्ट्रेट लाइन हो, एंगल एक्यूट हो, आउ y इंटरसेप्ट ता पॉजिटिव हो, जोटा कि सेठी करा हिछि, तो तुम्हें मार्क करो y इंटरसेप्ट ता पॉजिटिव अछि, आउ एडाला तुम्हारो स्लोप तुम्हारो पॉजिटिव अछि, तुम सेटा एक्यूट एंगल बनेला। सो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेंपरेचर, मार्क करबा जिंस। This is 0 degree centigrade. This is 0 Kelvin. माने minus 273 degree centigrade. तो तम्मे जब तबले 0 degree centigrade को था कोहू चाह, तो जब तबले body रो गुटे resistance था, जो टके हमें टी R not बोले कोहू चाह. But resistance becomes 0 at minus 273 degree centigrade or 0 Kelvin. तो तम्मे 0 degree centigrade रे resistance 0 है ही नोता है. Resistance किची था है. तापटरु तमे जते टेंपरेचर बढेबो रेजिस्टेंस ता लिनियरली बढी थाए, किंतु यापर टेंपरेचर कमले रेजिस्टेंस कमे आ गोटे पॉइंट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू जीरो होई जाय। ए जिंसटा हमकु बहुत हेल्पफुल हबो, से पे मु 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहली बा रेफरेंस टेंपरेचर बोली कहली, आकु नै कि क्वेश्चन केमति बना होए आगु आगु बताउ छी, किंतु आउर भी टिके फंडा हमकु जानिबार अछि। ओके, सो नेक्स्ट कांसेप्ट देखो, दैट इज ओम्स लॉ को नै कि जो पॉइंट आछ, हमको कहा गला पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पिलांग को पढ़ा जाए। ता माने जदी गोटे वायर, वायर माने रेजिस्टर रो दीटा एंड भितरे पोटेंशियल डिफरेंस टा को हमें इंक्रीज करबा, देन द वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज। पिले दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस फार्मूला इज नॉट यूनिवर्सल। बारंबार कहले जोटी नाही सेठी पके परियोन, बारंबार कहले this is only applied in case of conductors, au ketta substance thanti jo manakar pile potential difference bhi tha and current is also there, but they don't obey v is equal to ir, jo manakar potential difference thibo current thibo au se mane v is equal to ir manu thibe se manu conductor kua jae ba ohmic substance boli kua jae, certain substances are there, potential difference is there, current is there, but they don't obey V is equal to IR. Those are known as non-ohmic substance, jemti ki ame semiconductor dekhiba. Jodi pile tumhe semiconductor patho 12th ra mona thibo ki tumhe padhi bhi thibo, tadre pile IV curve gada sabu e style rahita. They are not straight line like this. Conductor manam case re VI jo graph ta aita seta pile straight line na aita, kintu pile V thibo aw I thibo straight line hobo, semti kichi mane nai, teda meda bhi hei paribo. जोथरु किसे क्वेश्चन बनेबो केमती बनेबो मु बतौछि, किंतु आगो एजेंसटा मन रखि था बिले पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, करंट इज देयर, देन दे विल ओबे V = IR, देयर इज नो गारंटी, दे आर ओबेड बाय ओमिक सब्सटेंसेस ओनली, अदरवाइज ग्राफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व एनीथिंग। ओके, तो जितो पिल हमकु ग्राफ दबो पिले हमें कहूचे VI ग्राफ, किंतु 99% क्वेश्चन पिले IV ग्राफ देइथा, तो तमे आगो मन रखि था, जदि पिले तमकु गोटे VI ग्राफ देला, इफ द ग्राफ इज VI तल पिले स्लोप टा v / i हि जो, आ जोटा स्लोप होबो सेटा रेजिस्टेंस हि जो, तल पिले जदी vi ग्राफ देला जोटा की बहुत कम देइथाय, तल पिले तार स्लोप रो वैल्यू टा जो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम केस रे iv ग्राफ देइथाय, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, मैक्सिमम केस रे iv ग्राफ देइथाय, आ इंपोर्टेंट कथाला यार जो स्लोप अछि सेटा पिले तमको 1 / r दबो, ता माने जदी स्लोप रो वैल्यू इंक्रीज करिवो रेजिस्टेंस डिक्रीज करिवो, सो जतले तमे डील करचो फर्स्ट यू चेक वेदर यू आर डीलिंग विद वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ। ओके, नाउ वी विल गो टू सर्टेन कांसेप्ट इज लाइक दिस, ता माने एटा पिले कंडक्टर हितबो, कोन कंडक्टर मानन केस रे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तेनो जो ग्राफ ता हितबो आईवी ग्राफ भी एमते आई परे, वीआई ग्राफ भी एमते आई परे, खाली तंकर स्लोप अलगा अलगा हिते, क्लियर अछ। एबे देखो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन ने, तो सिकला एटा पिले गोटे वायर अछि, एटा आउट वायर अछि, now where one subtends an angle theta 1, then where two subtends an angle theta 2, mark karo am pakre ti dita wire ach, dita algal ka wire to algal ka resistance hei bhi paribo, kichu asuvidha nai, tale tu iv graph dichi, ta mane yar jo slope ta achi pile seta 1 / resistance hei thibo, so clear cut 1 ro slope ta 2 ro slope tharu beshi achi, tale pile 1 ro jo resistance ta thibo seta 2 ro resistance tharu kom hei thibo, barambar koli pile eta gotte wire ro figure nuhe, एटा दीटा वायर रो आईवी ग्राफ देइछ, बट एठी जतल हमें आसीबा आईवी ग्राफ पिले कर्व अछ, एटा गोटे वायर पोटेंशियल अलग अलग ला पिले करंट अलग अलग होछ,
ସେଠି ଦୁଇଟା ୱାୟାର କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲେ ସ୍ଲୋପ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ଭ ହେଇଥିବ ନା ବୋଲେ ସ୍ଲୋପ୍ଟା ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ତମକୁ ସିଏ ପଚାରିବ ଗୋଟେ ୱାୟାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଟେନ୍ସିଆଲରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି ହେବ କଥା ବୁଝିପାରିଲ କଥା କହିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନଉ ନା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ୱିଲ୍ ଭ୍ୟାରି କରେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଭ୍ୟାରି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏଟା କିଏ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମୁଁ ବତାଉଛି ଏଠି ପିଲେ ଗୋଟେର ବି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କରେଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏବେ ଦେଖ ସେ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ଗୋଟେ ୱାୟାରରେ ଏ ଦିଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ କରିବ ମାର୍କ କର ପିଲେ ଇଏ ଯେତିକି ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟଟା ଯେତିକି ଆଙ୍ଗେଲ ବନେଇବ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ତ ସେତିକି ବନଉନି ଆଉ ଏଟା ପିଲେ ସ୍ମାଇଲିଂ କର୍ଭ ଅଛି ଆଗରୁ ଭିତରେ କହିସାରିଥିଲି ପିଲେ କୌଣସି ଗ୍ରାଫ ଯଦି ପିଲେ ସ୍ମାଇଲିଂ ହସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ ନା ତା ସ୍ଲୋପ ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ କରେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଯଦି କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ କ୍ରାଇଂ କର୍ଭ ଥିବ ତା ସ୍ଲୋପ ସବୁବେଳେ ଡିକ୍ରିଜ କରେ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲିଂ କର୍ଭ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଆମେ ସ୍ମାଇଲିଂ କର୍ଭ ନେଇଛେ ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ କହିବା ସ୍ଲୋପଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଆଉ ଆଇଭି କର୍ଭ ଅଛି ସ୍ଲୋପ ଯଦି ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଲେ କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସୋ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ତମେ ତ ଏମିତି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟାର ଆଙ୍ଗେଲ ୟା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଆସିବ ସ୍ଲୋପ୍ ବେଶୀ ଆସିବ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ପିଲେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଏମିତିଆ ଦେଇଦେଲା ତାମାନେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରେଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏଠି ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍କର ଏଇଟା ତ ପିଲେ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି କ୍ରାଇମ୍ କର୍ଭଟା ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ କର୍ଭର ସ୍ଲୋପ ସବୁବେଳେ ଡିକ୍ରିଜ କରେ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଏଠି ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ଲୋପ ଡିକ୍ରିଜ କରିଯାଇଥିବ ଇଏ ଯେତିକି ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବନେଇବ ଇଏ ତାଠୁ କମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବନେଇବ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସୋ ଇଫ୍ ସ୍ଲୋପ ୱିଲ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଆର୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଥିଓରି ପଚାରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ତ ନିଜେ ନିଜେ ପୁଟ୍ କର ବାସ୍ ତମକୁ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ୱେଦର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଇଭି କର୍ଭ ଅର୍ ଭିଆଇ କର୍ଭ ଭିଆଇ କର୍ଭର ସ୍ଲୋପ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ଆଇଭି କର୍ଭର ସ୍ଲୋପଟା ୱାନ୍ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ଓକେ କେତେଟା କେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତ କେସ୍ ଗୁଡାକ ତମେ ଟିକେ ଭଲ କି ମାର୍କ କରିବ କେସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଟେଟ୍ରୋଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିଥାଉ ନା ପିଲେ ତାର ଆଇଭି କର୍ଭଟା ଏମିତି ଥାଏ ବହୁତ 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 ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଇଏ ବତାଉଛି ତମେ ମାର୍କ କର ତ ପିଲେ ଏଠି ଭାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମର ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଆଙ୍ଗେଲ ଆକ୍ୟୁଟ ଅଛି ଆଇଭି ଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ତ ସ୍ଲୋପ ପଜିଟିଭ ଆସିବ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ପଜିଟିଭ ଆସିବ ଚାଲ ଏଇଟା ଡିକ୍ରିଜ କରିବ ସେଟା ପର କଥା ଏବେ ମାର୍କ କର ଏଠି ପିଲେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଠି ସ୍ଲୋପ କେତେ ଆସିଗଲା ସ୍ଲୋପ ତ ଭାଇ ଜିରୋ ଆସିଗଲା ଆଉ ଆଇଭି ଗ୍ରାଫର ସ୍ଲୋପ ପିଲେ ତମର ହେଇଥାଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଆର୍ ହେଇଥାଏ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତ ତମେ ମାର୍କ କର ଏଠି ପିଲେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭାଇ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ତ ଅଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ହଁ ଭାଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଅଛି ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ୟାର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବାହାରିଯିବ ପିଲେ ୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଯିବ ପିଲେ ଇନଫାନାଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍ ତାହେଲେ ଆଇର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆସିଗଲା ଭି ବାଇ ଆର୍ ଆଇର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଭି ବାଇ ଆର୍ ଆସିଲା ବହୁତ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଇନଫାନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା କରେଣ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଭି ଗ୍ରାଫ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ତ ୟାକୁ ଦେଖିକି ବିଲକୁଲ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରିବନି ପିଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ଯୋଉଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପିଲେ କରେଣ୍ଟ ଜିରୋ ହେଇନି ବିକଜ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନନ୍ ଓମିକ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଓମ୍ସ ଲ ଟେଟ୍ରୋଡ୍ ଭାଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ ଡାଉଡ୍ କେସ୍ରେ ଏମିତିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପିଲେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କେସ୍ରେ ପିଲେ ଆଇଭି ଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତିଆ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟାକି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମୁଁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଇଭି ଗ୍ରାଫଟା ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆଇଭି ଗ୍ରାଫ ପିଲେ କର୍ଭ ହେଇପାରିବ ଆଉ କର୍ଭ ହେଲେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପାସିଂ ଥ୍ରୁ ଅରିଜିନ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କରେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ବଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଙ୍ଗ୍ ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ୟାଦୃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଗୁ ଆଗୁ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଫଣ୍ଡା ବତେଇଦେଲି ଡାଇମେନ୍ସନ ଉପରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତା ନେଇକି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓକେ ଓକେ ତ ଏବେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ଅଛି ତ ଏଇଟା ପିଲେ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଅଛି ଯେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ ଉପରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସୋ ସେ କହୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହାଭିଂ ରେଜିଷ୍ଟିଭିଟି ରୋ ଏ ମେଟେରିଆଲର ରେଜିଷ୍ଟିଭିଟିଟା ରୋ ଅଛି ଫର୍ ସୋନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ତିନିଟା କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଆଉ ଥ୍ରୀ ଠିକ୍ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଯାଇଛି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଯାଇଛି ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଫର୍ ଦ ଥ୍ରୀ କମ୍ବିନେସନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ତା ପାଇଁ ନା ଆଗ ପିଲେ ତମକୁ କରେଣ୍ଟର ଫ୍ଲୋ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଟା କେମିତି ହୁଏ ତମକୁ ଆଗ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିବାର ଅଛି ଲେଟ୍ ସେ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ ପିଲେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ତମର ଲାଗିବ ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପିଲେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଏରିଆରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ତାପରେ ଏରିଆରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏତିକି ଲେଂଥ ମୁଭ୍ କରିକି ତାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ମିନିଂଟା ମୋର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ
मनकर पिले ए जो कनेक्शन टा में नोचे तले जो करंट टा फ्लो करिवो सेटा पिले एटा हेतबो कोटा हेतबो आगो मुंडो रे मन रखो कनेक्शन को परपेंडिकुलर एरिया टा नबो तो कनेक्शन हमर एमती थिला तार परपेंडिकुलर एरिया टा नबो आ जो लेंथ नबो सेटा कनेक्शन डायरेक्शन ने नबो लेंथ तो सेति के कवर कला आउट एग्जांपल नबो को कनेक्शन एमती आछ कनेक्शन एमती आछ तले पिले करंट आसी जीवो तार परपेंडिकुलर एरिया में से एति की एरिया रे खळेई जीवो तापरे धीरे 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 एतिकी लेंथ कवर कला परे से बाहर के पड़े क्लियर बा कनेक्शन जदि एम्प्टी थिवो कनेक्शन जदि एम्प्टी थिवो तले पिले करंट आसीबो आगो एतिकी एरिया रे से डिस्ट्रीब्यूट हबो परपेंडिकुलर एरिया तापरे एतिकी लेंथ कवर कर सला परे एपटे बाहर के से पड़े दिस इज हाउ करंट फ्लोस जदि आमे एटा जानिले तले आमु से क्वेश्चन पचारिबो जे सब कनेक्शन पे ता माने इफ कनेक्शन मटेरियल तो से आही अछि कि जदि आमे कनेक्शन चेंज कर दोचे तले सेही कंडक्टर टा अलग-अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करबो सो R रो वैल्यू टा में जानचे पिले R रो वैल्यू टा में जानचे रो L by A एरिया इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट एंड लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सो एटा पिले कनेक्शन 1 अछि आउ डाटा रे हमहु देइ छि कोन ना जो सब्सटेंस टा निया हि छि तार लेंथ हेगला पिले L एंड इट्स ब्रेथ इज B एंड इट्स हाइट इज H आज ही बहुत जिंस हम सिखु छि एक वीडियो रे तो बहुत भलो के मार्क करियो तल पिले फॉर कनेक्शन 1 आई कैन से दैट द रेजिस्टेंस वैल्यू इज रो जगह तो पिले रो लिखि देले और कनेक्शन डायरेक्शन ने लेंथ केते कवर करबो ता जगह रे पिले एल लिखि देले डिवाइडेड बाय जो एरिया टा अछि ता जगह रे हम लिखि देले बी इनटू एच एटाला कनेक्शन 1 पे रेजिस्टेंस और जदो कनेक्शन 2 हम देखिबा तो तमे सेपटो साइड रु देखो कि एपटो साइड रु भी देखि परबो तो जदि करंट एम्ती गला परपेंडिकुलर एरिया एटा हेला जोटा कि पिले एल एच हे गला आउ लेंथ जोटा नबा सेटा करंट डायरेक्शन ने नबा जोटा पिले बी हे गला तल पिले रेजिस्टेंस रो वैल्यू आसी गला रो एल जगह रे हम लिखि देबा बी डिवाइडेड बाय जोटा एरिया अछि ता जगह रे लिखि देबा एल एच प्रॉब्लम सॉल्व हो गेला आ हमकु थर्ड टाइप रो कनेक्शन पई पचार छि रेजिस्टेंस रो वैल्यू टा केतबो तो थर्ड टाइप पई हमरो फार्मूला आसी गला रो आ जोटा एल आसीबो ता जगह रे पिला हम एच लिखि देले डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया जोटा अछि सेटा पिले तमरो आसी गला लेंथ इनटू ब्रेथ रेजिस्टेंस रो वैल्यू कैलकुलेट हो गेला जे कि क्लियर कट बते देला जे रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन कनेक्शन यदि कनेक्शन चेंज करबा गोटे सब्सटेंस भी अलग-अलग रेजिस्टेंस देही पारिबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल मार्क करो यादरु ए फेमस क्वेश्चन टाइ था जार फिगर टा मु तुमको बते दउ छी तो सिकु छी पिले एटा हम पाखरे गोटे सब्सटेंस अछि मार्क करो दिस वन इज अ सब्सटेंस यार डायमेंशन हमको मेंशन कर दै छी भाभी दियो सो इट्स लेंथ इज एल its breadth is b and its height is h and let's say this substance is placed on a table yako ame pile gote table upar rakhiche the table is like this yako ame pile gote table upar rakhiche clear so this one is your table aw amaku koiche jo connection ta yara diaiche the connection is like this emta connection hai chi mane ya across re battery lag paryo emta amu gote connection deiche clear to amaku question pacharla If rho is equal to kx, that is important. Rho is equal to kx, k तो पहले constant है गला, इटा पहले x direction है गला तमरो। तब मने x रो value change हले, rho change ही जाऊँ ची। Specific resistance change ही जाऊँ, specific resistance material लो property है। तब मने x रो value change हले, इम्तिहान भी question पचारे पर बहुत important है इता। x रो value change हले, rho रो value जो दी change हला, तले a substance रो resistance रो value के तहवो calculate करो। क्लियर केमति करया तो माने एटा को पिले गोटे लोफ ऑफ ब्रेड भाबी दे ब्रेड पैकेट आसे ठीक ता भीतर गोटे ब्रेड को कंसीडर करो भाबो आई विल कंसीडर ए ब्रेड लाइक दिस एमत्या नै गले भाई केमत्या नै गले एटा को ओरिजिन भाबिली एठू एक्स डिस्टेंस छाडी देली आ जो लोफ जो ब्रेड टा मु कंसीडर करची तारो वर्थटा डीएक्स है तो लाइक दिस ए ब्रेड टा को काढ़ी दियो जदि आमे तार रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देले बाकी इंटीग्रेशन ने पूरा रेजिस्टेंस बात जो सिंपल कथा तले यारो व्यू टा जदि तमे देखिबो एटा तो पले एमती की थिबो ठीक एटा को भाबी दियो तमे बरको तले पले तार रेजिस्टेंस टा स्मॉल पार्ट रो रेजिस्टेंस टा को पले डीआर लिखि देले आर इज इक्वल टू रो ए जो पोर्शन टा अछि एटा तो पले एक्स डिस्टेंस रे अछि आ एक्स डिस्टेंस रे रो रो वैल्यू तो केएक्स होबो तले रो जगह रे मु लिखि देली केएक्स रो करंट डायरेक्शन ने लेंथ केते कवर करियो खाली या कथा बाबू करंट डायरेक्शन ने लेंथ केते कवर करियो डीएक्स रो एल डिवाइडेड बाय एरिया करंट एमिति गला तर परपेंडिकुलर एरिया तो पिले एटा हिथु
जोटा कि पिला मुके ते लिखि पारिबि b into h तो एटा आला से पतला जो ब्रेड टा अछि तार रेजिस्टेंस टा तले पूरा लोफर रेजिस्टेंस केते आसो ना सिंपली आ को इंटीग्रेट करिवो कांस्टेंट गडा को बाहर को नेगला परे k by bh आज कांस्टेंट बाहर को पळे आसला x dx रो इंटीग्रेशन मारिवो आ x तो पिले 0 रु स्टार्ट कि l रे सरिबार अछि कारण ता लेंथ l मेंशन करतिलु सो इट विल गो फ्रॉम 0 टू l x dx रो इंटीग्रेशन x2 / 2 होइता जोटा कि पिले l2 / 2 होइ जिवो तले हमको पचातिला रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते आंसर आसीबो k l2 डिवाइडेड बाय 2 bh प्रॉब्लम सॉल्व्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके लेवल वाला क्वेश्चन नेट पाइंग पूरा फिट अछि पढ़ी भी पारिबो ओके विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस रो केटा बहुत छोटिया टाइप रो क्वेश्चन हेता जोटि पिला टिके कंफ्यूजन हुए अगुरु एमटा स्टाइल रो क्वेश्चन पढ़ी भी सारछि तमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पारिबो एबे सेमटा दु तीनटा स्टाइल रो क्वेश्चन करू छी टेक्निक जोगडा कहू छी सेगडा मन रखियो देखो ए सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी मेड इनटू अ कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस इट्स लेंथ एंड डायमीटर शुड बी ऑप्शन वन हमकू चेक करया रछ गोटे कॉपर दीच बोले कॉपर दीच तो को तमे जेमती भी ट्विस्ट कर कि जहां भी तमे कर परियो तो पहले कॉपर तो कॉपर ही थिवो ना तले पहले तार रेजिस्टिविटी रो वैल्यू टा कांस्टेंट आछो तले हमें लिखबा r इज इक्वल टू रो l बाय a आ हमकु मिनिमम रेजिस्टेंस दिस ता लेंथ ऑफ डायमीटर पचा छ तो लेंथ ऑफ डायमीटर फॉर्मेट रे फार्मूला टा लिख देबा तले पहले जोटा रो l बाय a सेटा भी तो रो l बाय पाई r स्क्वायर कारण जो कॉपर टा थिवो तार जो क्रॉस सेक्शन रे तो पहले सर्कुलर थिवो पाई r स्क्वायर आ जोटा पाई r स्क्वायर हेथिवो हमकु तो d रे पचा छ डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर और आर तो पहले डी बाय टू होता है तले आपको लिख पड़ेगा पहले पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर बाकी सब कांस्टेंट दे दियो तले डायरेक्ट हमें लिख पड़ेगा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय डी स्क्वायर ता माने जार एल बाय डी स्क्वायर रो वैल्यू मिनिमम हेतिबो तार रेजिस्टेंस भी मिनिमम हेतिबो कारण से मिनिमम रेजिस्टेंस मांगे छी चेक कर दियो फटाफट तले या केस रे डायरेक्ट पहले एल बाय डी स्क्वायर हे गेला या काम सरी गेला तले या केस रे लिखिबा 2l बाय l जगह तो 2l लिखि देली बाय d स्क्वायर लिखि देली ताको तो ये तो भाई डबल हो गेला वैल्यू तावरी बढी गेला या केस रे हमें जे देखिबा तले l जगह रे लिखि देली पिले l बाय 2 आ जोठी पिले d स्क्वायर होछि ता जगह रे मु लिखि देली 4 d स्क्वायर तले एटा गेला l बाय 8 d स्क्वायर आ जदी एटा लिखिबी l बाय d स्क्वायर जदी पकेबी तले एटा आसी गेला पिले l जगह रे 2l आ d स्क्वायर जगह रे लिखि देली d स्क्वायर बाय 4 तले वैल्यू आसी गला हमरो 8l बाय d स्क्वायर तो जोथरु क्लियर कट जमि डबल ही गला तार 4 टाइम्स ही नै तो वैल्यू बढू छी या केस रे वैल्यू टा कमी छी सो आंसर इज ऑप्शन सी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन आ नेक्स्ट क्वेश्चन हमकु कहला एकटा बहुत फेमस हे था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज r व्हेन इट स्ट्रेच टू n टाइम्स जाने कि मु शेयर कर छी बले बले तमकु दबो वायर अछि भाई लेंथ 2 टाइम्स कर देली 3 टाइम्स कर देली मु n टाइम्स नै होले बले बले पिले लेंथ को कम भी कर दबो हाफ लेंथ हे गला 1/3 लेंथ हे गला ठीक तापर तुम पचरो न्यू रेजिस्टेंस केतला डायरेक्ट फार्मूला मन रखो n स्क्वायर है तुम पचरो काहे कि बतेबा तो कथा न स्टील बतो छ पिले तमे कोनसी गुटे वायर को ना जतो पिले स्ट्रेच कर दबो तो कोनसी गुटे पिला कंफ्यूज हे पारे जे सर स्ट्रेच करले मटेरियल तो शेयर होइला लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया तो तमुक से कहला लेंथ का 2 टाइम्स हेला तो पिला भाबिला तले रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हे जबो रॉन्ग कारण तमे जतो पिले वायर रो लेंथ बढेबो ना पिले एरिया टा भी तार कमी जीवो लेंथ चेंज हेले एरिया भी चेंज हो तो सर तले करिबो कोन ना पले गोटे कांसेप्ट सबले मुंड रखितबो जे वॉल्यूम कांस्टेंट रहइबो वॉल्यूम कांस्टेंट रहइबो तले बाकी फॉर्मेट पके दियो तले मटेरियल तो कांस्टेंट थिला ऊपर पिले एरिया गोटे लेंथ मल्टीप्लाई कर देली तले सेटा पले l स्क्वायर हे गेला तले एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम आसी गेला आ वॉल्यूम कांस्टेंट था रो भी कांस्टेंट था r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर पाठ खतम यदि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर हेला लेंथ n टाइम्स बढे देली तले प्ले n स्क्वायर आ जीवो एटा तले सेत पई मु कहितली न्यू रेजिस्टेंस रो वैल्यू हबो n स्क्वायर इनटू ओल्ड रेजिस्टेंस आ तमे तो सेति की चालाक थिबो मनक तमु जण कहला लेंथ ताकु 2 टाइम्स कमई देल तले प्ले एरिया बढी जीवो तले से दिन एटा जो अछि r ओ बा r कहू छी तमकु तो एटा 1/2 कर दबो आ कोन तो n स्क्वायर माने 1/2 कर देले एटा r / 4 हे जो जो अभिसर बतबिन चाहुने तेनु n स्क्वायर माने तमे बोथ स्ट्रेचिंग आउ कंप्रेशन भी बुझिबा दरकार लेंथ 2 टाइम्स हे गला 4 आ रह जो लेंथ हाफ हे गला लेंथ टाकु पेंती चिपि देली लेंथ टा हाफ हे गला तले पले r / 4 हे जो बुझि पतो एटा गोटे टाइप रो क्वेश्चन हे गला नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन जतल हमकु पचाला त नेक्स्ट टाइप रे से पचाछि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ड्यू टू कंप्रेशन इट्स रेडियस अर्थर को लेंथ विषय पचाला एबे रेडियस विषय पचाला यार फंडा उत्तर बते दोछि डायरेक्ट तमे मन रखि तो रेडियस जमती वेरी करिवो पिले डायमीटर भी समथि से जान छुल कब डायमीटर बिकम सेम टाइम्स तो से हिसाब रे तमे तमर सजाडिबो देखो जिनसोडा कोन हला पिले कांसेप्ट तो एबे भी से ही अछि जे वॉल्यूम कांस्टेंट अछि
किंतु एथर को क्वेश्चन पिले एरिया रिलेटेड अछि तले हम गोटे काम करबा ऊपर एरिया मल्टीप्लाई कर देबा तले एरिया मल्टीप्लाई कर देबा लेंथ इनटू एरिया टा वॉल्यूम हे गेला आ एटा जदी एरिया मल्टीप्लाई करली तले टा पिले स्क्वायर हे गेला तनु रो तो कांस्टेंट वी तो कांस्टेंट डायरेक्ट बेजारे भर्ती कर देओ पिले रेजिस्टेंस जोटा थिबो ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ठीक आ ए निजे हे गेला पाई आर स्क्वायर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 बहुत इंपोर्टेंट कथा एटी आर पर रेडियस अछि तले टिकट सजे देखि लिखि दोछि डिवाइडेड बाय r to the power 4 and that is also inversely proportional to d to the power 4 problem solved amu se kala radius becomes n times radius body gala to play resistance kami jibo tale resistance jodi radius body gala resistance amar kami jibo tale pachor resistance kete times kami jibo n to the power 4 times kami jibo radius tamara oho radius ethra body chi ha resistance n times kami jibo tamane aga apeka r by n to the power 4 he jibo तो कंप्रेशन न करी पिले एक्सटेंड कर था आ कोई था पिले एरिया टा तमरो एन टाइम्स कमी गला तो जदि कमी गला एन टू द पावर 4 टाइम्स रेजिस्टेंस बॉडी जीवो जदि बॉडी गला एन टू द पावर 4 टाइम्स रेजिस्टेंस कमी जीवो से जिंसटा तमको करया रछ बेले बेले क्वेश्चन ऑफ पैटर्न एमते भी देबो मतलब जे जिंसटा बुझी थिबो बारंबार रिवाइंड फॉरवर्ड मारी के सुनिबो कोनटा कहली हैला मन कर फॉर एग्जांपल रेडियस 2 टाइम्स हे गला रेडियस बॉडी गला तले पिले एबे रेजिस्टेंस रो वैल्यू जोटा जो बॉडी गला ना 2 टू द पावर 4 कर दो 2 टाइम्स बॉडी गला तले पिले रेजिस्टेंस रो वैल्यू r / 16 हे जो रेडियस 2 टाइम्स कमी गला तले पिले 2 टू द पावर 4 कर दो तले वैल्यू आसी गला 16 r हे जो और लेंथ भी सही हिसाब रे तमे जीव देखो आमे जतले पिले लेंथ कथा कहिथिले लेंथ भी लैंग्वेज टिके यूज कर दो छी तले पिले आमे लेंथ कथा यूज करे तमु जना कहला लेंथ 2 टाइम्स बॉडी गला तले पिले रेजिस्टेंस 4 आ रही जो लेंथ 2 टाइम्स कमी गला तले पिले रेजिस्टेंस r / 4 हो जो ए कथाटा को मुंडे रखितबो आ उटे एटा बहुत इंपोर्टेंट वैरायटी रो क्वेश्चन नै था बेले बेले पिला याद रे भी फसी जा किंतु फसी जा किछ नै 3 कॉपर वायर्स हैव लेंथ रेशियो 1:3:5 एंड मास रेशियो 1:1:2 फाइंड रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस आकु केमती संभला सेही फार्मूला को स्टिक करो ठीक हमहु तो पिला फार्मूला मिलितला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो बारंबार कोछि बहुत पिला रो टा को डेंसिटी भी भाबी दियोंती टोटली एरर अछि तले पिले ऊपर तले जदि मु लेंथ मल्टीप्लाई कर देबी तले एटा हिजो पिले अच्छा क्वेश्चन एटी कार रेशियो अछि लेंथ रेशियो अछि ओके ऊपर जदि लेंथ मल्टीप्लाई कर देबी एल स्क्वायर आसी गेला आ एटा पिले वॉल्यूम आ जइबो आ जोटा पिले वॉल्यूम अछि चलो वॉल्यूम लिखि देल जोटा पिले वॉल्यूम अछि आमे जानछे डेंसिटी हला मास बाय वॉल्यूम तले जोटा वॉल्यूम अछि सेटा गेला पिले मास बाय डेंसिटी टाकु एतर को डी वॉल लिखि दे किंतु 3 कॉपर वायर्स कहि छि आ कॉपर वायर्स कहला पिले डेंसिटी भी कांस्टेंट हे गेला आ तमरो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हेगला तले या जोथरु का हमें क्लियर कट कहि परबा जे हमर जो रेजिस्टेंस जिंसटा अछि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम बाकी तो तमे बहुत चालक छ आराम से आंसर बाहर कर परबो तले फर्स्ट आ पई एल स्क्वायर 1 मास बी 1:2 एल स्क्वायर 9 बाय मास 1 एल स्क्वायर 25 बाय एम 2 आसीला तले यार जदि हम रेशियोटा नै जीवा तले म आंसर आसीबो 2:18:25 एटा भी पिले गोटे वैरायटी रो क्वेश्चन नै ता जोटा की बहुत इंपोर्टेंट हेता जिन सगडा को मार्क करो ठीक से एबे जो क्वेश्चन ता देखियो पिला एटा को तो पिले मु वेरी इंपोर्टेंट ही कहबी ए सब स्टाइल रो क्वेश्चन पिले पिला को कहे कहे की फसाए ताको ठीक ठीक से मार्क करबो जिन सट सिको छि वीआई ग्राफ तो फर्स्ट जिन से तो मुंडे रखो एटा पिले वीआई ग्राफ ग्राफ दे छी तुम वीआई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट टेंपरेचर T1 एंड T2 आर अनसोन T1 और T2 टेंपरेचर पे वीआई ग्राफ तुमको दे दे छे क्वेश्चन पचे छे T2 - T1 इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट जिन सो मार्क करो यार जो स्लोप अछि सेटा या अपेक्षा तो बेसी अछि बिल त माने गोटे जिन से त हम श्योर हो गेले R2 इज ग्रेटर देन R1 फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग जोटा रेजिस्टेंस हेता सेटा पिले वीआई ग्राफ रो स्लोप हेता तमने फर्स्ट केस रे हम कहबी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जानि छुन कि से वर्टिकल संगे थीटा देती तले एटा पिले 90 माइनस थीटा हेगला तले जोटा पिले R2 हेगला सेटा पिले कोट थीटा हेगला क्लियर आ जोटा पिले R1 हेगला R1 तो पिले यार रेजिस्टेंस ता जोटा कि मु पिले tan थीटा बोली लिख पारे एबे क्वेश्चन पचार छी T2 - T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा पिले रेजिस्टेंस ता पिले संगे संग बतेतिल टेंपरेचर संगे डायरेक्टली रिलेटेड था कंडक्टर केस रे हम डील करछे तो टेंपरेचर जदी बढीबो ताले रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करबा स्टार्ट करबो
ताले आमे कहबा जोटा पिले t2 माइनस t1 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिले r2 माइनस r1 बहुत सिंपल फंडा आउ r2 माइनस r1 जोटा हेई था सेटा तो पिले तमरो cot थीटा माइनस tan थीटा हेतो सो t2 माइनस t1 इज प्रोपोर्शनल टू cot थीटा माइनस tan थीटा जोटा की ऑप्शन है नहीं तो cot थीटा माइनस tan थीटा जोटा अछि एबे टिके तमरो बेसिक मैथ्स पखो जानिचो जदि भलो न जानिचो जदि आउ किछ करबि होबनि बस खाली मन रख ताले cot थीटा जोटा अछि दैट कैन बी रिटन एज पिले cos थीटा बाय sin थीटा माइनस tan थीटा जोटा अछि सेटा आसीगला पिले तमरो sin थीटा cos थीटा ओके सो आई कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिनोमिनेटर आसीगला पिले तमरो sin थीटा cos थीटा आउ न्यूमरेटर आज जो पिले तमरो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ठीक तो पिले जोटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तो पिले cos 2 थीटा आउ ऊपर जदी 2 आउ तळे जदी 2 मल्टीप्लाई कर दिले 2 sin थीटा cos थीटा तो पिले sin 2 थीटा हे गला आउ बाकी 2 संगर त हमर किछ रिलेशन नै कोन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर चर्च आउ जोटा cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा सेटा त पिले cot 2 थीटा हे जीवो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे त एटा मुंड रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन जोत पई कि मु तुम बतेथिले जे मु तुम ट्रिक भी बतेबे तो जिनसोटा बहुत भलो कि मार्क करबो से देई छी कोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम फाइंड द टेंपरेचर एट व्हिच रेजिस्टेंस इज 25 ओम पिला जतले क्वेश्चन डा देखे से संगे संग बाबे मो पकरे बढ़िया फार्मूला आछे मु पके देबो आंसर बाछो ताको जतले फार्मूला आगो डाटा में देखि देबो तो हमकु देई छी जे जतले पिले 20 डिग्री सेंटीग्रेड थिला सेतले टेंपरेचर सॉरी रेजिस्टेंस रो वैल्यूटा केते थिला ना 20 ओम थे टेम्परेचर जेतोले पिले 500 डिग्री सेंटीग्रेड हेई गला रेजिस्टेंस रो वैल्यूटा केते आसी गला ना 60 ओम आसी गला क्वेश्चन पचारची एट व्हाट टेम्परेचर केते टेम्परेचर रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू 25 ओम पिला कोन भाबिला एटा को जनरली पिले लेंथी क्वेश्चन हिसाब रे निया जाय एग्जाम रे पढे ओ पिला कोई कोई की ट्रैप हुए 5 मिनट टाइम वेस्ट करे तापर भी गारंटी नै आंसर बारी बना नै किंतु पिला आगो एटा अटेम्प्ट कर दिए तो पिला भाबे मो पकरे आरटी इज इक्वल टू आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आछ इंटरेस्टिंगली एटी आर नॉट देइनी त ए फार्मूला सेतबेले पकेबो जतले तमकु 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे रेजिस्टेंस देइतिबो जदी एटी देइनी और तमे पकेबा स्टार्ट करलो तो तमे देखो केमिति फसेबो भाबो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे रेजिस्टेंस रो वैल्यूटा मु आर नॉट लिखि देबे ओके तले फर्स्ट या पई पिला पुट करला तले से कहबो जे रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड जोटा कि मठी लिखि दो छी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमकु 20 ओम दे छी तो पिला लिखिला 20 इज इक्वल टू आर नॉट तो देइनी तनु आर नॉट लिखिला 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा मारला तो डेल्टा थीटा जगह हमको मिल गला 1 प्लस 20 अल्फा दीटा अननोन आसी गला ओके तापर से 60 डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड पई भाबे जोटी की रेजिस्टेंस केते आसी गला 60 ओम तले से पुट करला 60 आउ आर नॉट तो तको दिया ही है नी आउ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा जतले से लिखे तो से लिखे 1 प्लस 500 अल्फा ठीक एतलु से जानी जाय जे मोर क्वेश्चन सॉल्व हे बार नै तापरे एटा को से बार करया पई चेष्टा करे केते टेंपरेचर रे 25 ओम होबो तले आमे कहबो आर नॉट तो देई नै 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा त माने एटा गला 1 प्लस अल्फा थीटा एबे पिला प्रॉब्लम सॉल्व करिया स्टार्ट करियो कोन करंती जनरली से माने याद रे एटा डिवाइड करंती तादरु अल्फा पांते अल्फा गुटे जगह रे पुट करिवे तादरु आर नॉट पांदे आर नॉट तापरे टिप करबे अल्फा भी पुट करबे एटा मिलिबो 5 मिनट एम रे जीवो आ पिला फसला तो सर ताले मु तो एबे भी कहबी डोंट गो बाय दिस मेथड यू अप्लाई दिस फार्मूला इफ आर नॉट इज गिवन तो सर केमथि करबो ताले बहुत बेसिक को स्टिक करो पिला तमो पाठ होई जीवो ठीक ग्राफ मन पको मु कहिथिली जो ग्राफटा हबो सेटा एमथि हबो सेटा त अलगा जिंसो बुझैथिली पछ पछ फर्स्ट थिंग यू सी दिस इज व्हाट दिस इज हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेंपरेचर सो इफ आई विल कंसीडर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ यार स्लोप जोटा हेइ थिबो कोन पिले सेटा चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस हेइ नथिबो फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग एज इट इज अ स्ट्रेट लाइन
its slope is constant. तमने delta r by delta theta टा पिले constant है इतिहो। एबे तमे put करो half minute रे answer, देखो कंदे। तापे ये डा मरा दरकार ही नहीं, पूरा मुंडरो कर दियो, जोटा दिया ही नहीं, जोटा दरकार ही नहीं, ठीक? यहाँ पे आगो put करियो। तो first case रे, delta यहाँ पे, delta मने यहाँ को पे relation बने ली first, delta r कितना आ गला 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा तो ताकु लिखि देली थीटा माइनस 20 ठीक भूल रे भी या भीतर आउ रिलेशन बाहर करियो कारण पुनी अननोन आसीबो तबे ना तमे या भीतर रिलेशन बाहर करो कारण डेल्टा r बाय डेल्टा थीटा तो कांस्टेंट हेबार अछ तो जदी या पे पुट करबि डेल्टा r कितना आ गला पहिले 40 डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा 500 माइनस 20 So this becomes 480 solved theta variable. जबरदस्त technique बिले use करी वो जबरदस्त technique किचन होता है बिले वो pure physics को use करी सिंपली कॉली हैला नहीं सिंपली कॉली easily हैला सिंपली कॉली भी होगा lengthy होगा answer तो मिलेगा theta को गुटे concept हो ही बाज बाकी तुम्हें संभालो so this becomes 40 theta minus 800 और एटा तुम्हारा ऐसे गला बिले I think so 2400 तो मैं चेक कर दबो 50 ओके तले पिले आमे कह परबा जोटा ला पिले 40 थीटा सेटा भी आसी गला पिले तमरो 3200 तो एटा जदी कैंसिल आउट हे गला तले थीटा रो वैल्यू ता आसी गला पिले 80 डिग्री सेंटीग्रेड सो एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम वेरी इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन ताको निहाती मार करियो डिपेंडेंसी ऑन टेंपरेचर ऊपर आउट भी कांसेप्ट होछ पिले तो से कांसेप्ट ता नेक्स्ट रे दोउ छे तो याकु भी टिके ठीक से मार करियो हमको देई छि पिले इक्विवेलेंट टेंपरेचर कोएफिशिएंट पचार गुटे रेजिस्टर रा रेजिस्टेंस आर1 अछि थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा 1 अछि टेंपरेचर कोएफिशिएंट जोटा आउटर रेजिस्टेंस आर2 अछि थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा 2 अछि तले अंकर सीरीज रे थिले औ पैरेलल रे थिले इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट रो वैल्यू बार करो बहुत इजी मन रखियो जदी सीरीज रे थिबे आर अल्फा रा सम डिवाइडेड बाय आर रा सम त माने यार रो इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट रो वैल्यू होई जो r अल्फा त माने आको में लिख परिया पिले r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय नेट r जगह रे हमें r1 प्लस r2 लिख देबा जोटा कि मु सेठी लिखि कि बते दे छी अब तमे कैलकुलेशन करो अल्फा रा वैल्यू पिले पॉजिटिव भी हे परो नेगेटिव भी हे परो अगुरु मु बते सा छी तो से ता इच्छा ता डाटा दे देबो तमे पुट करबो जहा भी तुमको मिलबो जेमते के अल्फा रा वैल्यू पॉजिटिव मिलला तले बहुत भलो हला अल्फा रा वैल्यू पॉजिटिव मिलला माने टिके प्लेटी एरर कराई छी एटा अप्रूव होबो अल्फा रा वैल्यू पॉजिटिव मिलला त माने जदि टेंपरेचर बढ़िबो रेजिस्टेंस इंक्रीज करियो अल्फा रा वैल्यू जदि नेगेटिव हला ताले पिले जदि टेंपरेचर बढ़िबो रेजिस्टेंस डिक्रीज करियो बहुत बड़ो कथा न कथा एटी अछि से तुमको पचारिबो जे हाउ r1 r2 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 शुड बी रिलेटेड सो दैट विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस कोन भाई किछ टेंशन नबार नै ताले पिले सेटा सेतबेले हो जतबेले अल्फा रा वैल्यू 0 हो कारण मु कहि जदि अल्फा रा वैल्यू 0 होला टेंपरेचर चेंज करले भी रेजिस्टेंस रे फरक पड़े तले अल्फा रा वैल्यू जदि 0 होला टर्मटा जाई कि 0 हो गेला तले r1 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस r2 अल्फा 2 पूरा बॉक्स भीतर रखी दीची डायरेक्ट मन रखि देबो किछ असुविधा नै सिमिलरली जतले हमें पैरेलल को आसीबा पैरेलल ले पिले अगर जोटा अल्फा इनटू r बाय r होतला एबे अल्फा बाय r बाय 1 बाय r देखो तमा अगर थुआई छै त माने यार वैल्यू ता आजिबो अल्फा 1 बाय r1 प्लस अल्फा 2 बाय r2 डिवाइडेड बाय 1 बाय r रा सम पई आमे लिखि देले पिले 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 पॉजिटिव बेस पर नेगेटिव बेस पर जा बिसर किछ बडो कथा ने बडो कथा एटा जो दिटा को बॉक्स भीतर रखि छी सेटा फेवरेट पडिला बोलिया क्वेश्चन 4 मार्क आराम से आसीबो बिना ये रे मन रखिबो अल्फा रा वैल्यू 0 हेले ही टेंपरेचर ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करिवो ने तले आकु जदी मु 0 कर देली तले पिले एटम टा जाई कि 0 हो गेला अल्फा 1 बाय r1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 बाय r2 तो r1 बाय r2 माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा 2 हबो कि दोटी r1 बाय r2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 बाय अल्फा 1 हबो जिंस को मुंडर रखिवो पढिला बढ़िया पार्ट मुंडर रखितबो आउट कोटे जिंस थिला जोटा कि मु स्टार्टिंग रे बतेली किंतु ताको एक्सप्लेन करनो थिले एक्सप्लेन एटी करछु व्हाट इज दैट दैट इज द कांसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी व्हाई करंट डेंसिटी इज रिक्वायर्ड पिले हमकु जेतले पाठ पढाला 12th रे हमकु कहला करंट रो डायरेक्शन अछि बट एटा जेहेतु वेक्टोरियल एडिशन माननी सो इट बिकम्स अ स्केलर सो फर्स्ट जिंस ला पिले करंट स्केलर किंतु करंट फ्लो रो डायरेक्शन अछि ना त भाई किउटे रिप्रेजेंट करबा दरकार फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एटा गो बहुत इंपोर्टेंट कथा मंडकितो कोनोसी गोटे कंडक्टर जदि हमें नेले
तो पिले सेटा यूनिफॉर्म है ताऊ कि सेटा नॉन यूनिफॉर्म है ताऊ इटा बहुत इम्पोर्टेंट कथा द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल एंटर इनटू द कंडक्टर इट हैज टू कम आउट एट दैट टाइम ओनली जति गोटे पर्टिकुलर टाइम रे जति की चार्ज पसियो पिले सेति की चार्ज बाहरी भाभी दरकार कारण जति की नो बाला जति की रही गला स्टैटिक से जीवो एनर्जी स्टोर है जो ब्लास्ट है जो हमें करंट पढ़ू छे चार्ज इन फ्लो ठीक तो गोटे एटा पतला हेई थई पारे किंतु जति की चार्ज पसिबे पिले सेति की बाहरीबा को बाध्य सो इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोटा की मु नेक्स्ट स्लाइड रे आउथरे बतेबी वेदर द कंडक्टर इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म करंट एट एनी क्रॉस सेक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑलवेज रिमेन सेम ठीक एबे देखो या अगर के गोटे स्क्रीन रखी देला तो भाई करंट जति की पसछि सेति की तो बाहर छि एबे त मु पचारला स्क्रीन रखी देला पचारला भाई यूनिफॉर्म कोटा नॉन यूनिफॉर्म कोटा हमें कोई परिवार नहीं यूनिफॉर्म कंडक्टर कोटा नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर कोटा कारण यूनिफॉर्म रे भी करंट सेम नॉन यूनिफॉर्म रे भी करंट सेम या अगर स्क्रीन पड़ छी मु जाने भी केमती कोटा तो करंट स्केलर अछि किंतु ता डायरेक्शन मायने रखे करंट कांस्टेंट अछि किंतु कंडक्टर डायमेंशन मायने रखे किंतु करंट एमानक विषय रे बतायने से त हमें आउट ऑफ क्वांटिटी रो हेल्प नेले जोटो के हमें कहथौ पिले करंट डेंसिटी तो फर्स्ट जिन से मन रखी था करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितने होता है आई बाय ए करंट डेंसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है आई बाय जोटा मु कहले करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जदि पिले केटा कथा को भी बन रखियो जे इज इक्वल टू आई बाय ए इट इज अ वेक्टर करंट इज स्केलर बट एरिया इज वेक्टर कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रूम बतू जे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट रो एरिया वेक्टर है सो जे इज इक्वल टू आई बाय ए करेक्ट करंट डेंसिटी वेक्टर यस करंट स्केलर यस एरिया वेक्टर यस किंतु तमे एटा लिखिबा अलाउड नै कारण गोटे स्केलर रे गोटे वेक्टर डिवाइड हेई परिवो नै तो एटा भूल एटा ठीक किंतु आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इट इज करेक्ट कारण दीटा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट रे मल्टीप्लाई की स्केलर हेई परिवो तेन कोटा ठीक कोटा भूल देखो तमको सर ठीक अछि एटा जदि भूल गेला हम करंट डेंसिटी को एक्सप्लेन केमदी करिवो वेक्टोरियली तले से कहला जे वेक्टर रो वैल्यू हैला आई बाय ए इनटू एन कैप व्हाट इज एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपोर्टेंट कथा एटा मुंडे रे पूरा प्रिंट कर दियो आगु को डिराइव भी कर छी किबा सेते बेले देखै भी थिली करंट डेंसिटी क्वाडे थाए एन वेक्टर आई माने एटा तमरो जो यूनिट वेक्टर इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गोटे कंडक्टर भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जुआडे थाए करंट डेंसिटी रो डायरेक्शन साढ़े था मन रख आगु को प्रूव है देखो एटी प्रूव है ठीक देखो जे रो वैल्यू मु कहली आई बाय ए ठीक एक्सप्लेन भी कर दो छे जे रो वैल्यू मु कहली पिले आई बाय ए ठीक अब वर्तमान मु कहली वी इज इक्वल टू आई आर तले जोटी आई लिखा है ता जगह वी बाय आर इनटू ए लिख देले और रेजिस्टेंस रो वैल्यू टा मु जानची रो एल बाय ए इनटू ए लिख देले तो ए भी कटि गेलो जोटा 1 बाय रो जस्ट अगुरु बताई थी सेटा तो पहले सिग्मा है गला एटा सिग्मा है गला v बाय l इलेक्ट्रिक फील्ड आइता है तल ता जगह ये लिख देले तले j इज इक्वल टू सिग्मा ई तले इलेक्ट्रिक फील्ड जति वेक्टर करंट डेंसिटी भी तो वेक्टर तले j वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर प्रूफ करतिले हम कहले एटा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जोटा केटी प्रूफ हे गला जे की क्लियर कट बतेला करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज वेरी इंपोर्टेंट मुंडर रखितो ओके जोटा केटी प्रूफ हेतला स्केलरली प्रूफ करतिले तमे वेक्टरली रिप्रेजेंट भी कर पारियो सियोरोजी कथा वार्ता एबे देखो करंट डेंसिटी की पिला करंट रो वैल्यू पचारि पारियो करंट डेंसिटी जदि कांस्टेंट दिबो जे इज इक्वल आई बाय ए तले करंट रो वैल्यूटा केते आजबो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर वेक्टर दीटा को तो वेक्टोरियली दबो मु एग्जांपल देई छी ता पॉइंट टेंशन नै आउ जदि करंट डेंसिटी पिले वेरिएबल हेगला तले जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन कर दो आउ जदि इंटीग्रेशन आसी गला एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा याद रु क्वेश्चन नै परियो तले पिले जे वेक्टर वर्सेस ए वेक्टर जदि ग्राफ एमत्या हला तले या तळर जो एरियाटा थिबो इट विल गिव यू करंट करंट डेंसिटी वर्सेस एरिया ग्राफ रो एरिया बहुत इंपोर्टेंट कथा करंट डेंसिटी वर्सेस एरिया ग्राफ रो एरिया करंट ही देता ठीक एबे देखो तो याद रु पिले गोटे बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है परियो जोटा कि मु फाइनल पे रखी छी मार्क करियो देखो एटा पिले गोटे यूनिफॉर्म कंडक्टर अछि एटा पिले गोटे नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर अछि यार फंडा मन रखियो पिले यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो करंट रो वैल्यूटा सबले सेम ही दिबो दीटा को सेक्शन ठीक जेतु पिले यूनिफॉर्म त
तेणु पे इलेक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर टा यूनिफॉर्म थी ताले ई वन रो वैल्यू टा पे ई टू सांगरे सेम है अब मु कहि थली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जोटा थाए सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हेता ता माने जोटा वीडी1 सेटा भी पिले वीडी2 हेता औ एबे हमें पढ़ले जे करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डिपेंड करे तो जदी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अछि ताले डायरेक्ट मु लिख परबि जे1 इज इक्वल टू जे2 एटी तो सब सेम हे गला नॉन यूनिफॉर्म रे गेम हे जो कोटा केमति वेरी करे मुंडर रखो करंट जति पसिबो करंट तो सेति की बारबो ही बारबो तेनु आगो मन रखित आई1 तो पिले आई2 संगरे समान हे जो बट इलेक्ट्रिक फील्ड रो जो वैल्यू टा अछि आमे डायरेक्ट कहबा ई1 ग्रेटर देन ई2 एठी पाकर पाकर इलेक्ट्रिक लाइंस अछन्दे जदि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसी हला वीडी1 तले पिले धक्का भी बेसी हो वीडी1 इज ग्रेटर देन वीडी2 एंड करंट डेंसिटी वेरीज डायरेक्टली विद इलेक्ट्रिक फील्ड सो आई कैन से दैट जे1 इज ग्रेटर देन जे2 ए पॉइंट आ मुंडर रखितबो थ्योरेटिकली पचार की फसेई पारिबो ओके मैथमेटिकल क्वेश्चन ओटे देखि देबा लो लेवल लो क्वेश्चन हेता एटा किछ असुविधा नै करंट डेंसिटी थ्रू अ कंडक्टर ऑफ एरिया वेक्टर तुमको दे दी 2i कैप प्लस 3j कैप आउ j वेक्टर दे छी 3i कैप माइनस 4j कैप तो क्लियर कर जाना पड़ छी j वेक्टर टा कांस्टेंट अछि कैलकुलेट करंट आउ करंट रो वैल्यू टा में जानचे जदी कांस्टेंट थिबो तले पिले सेटा j वेक्टर डॉट a वेक्टर रहिदा सिंपली खाली डॉट प्रोडक्ट बाहर कर दियो काम सोला 2i कैप 3i कैप तो एटा पिले 6 आसी गला आउ एटा 3j कैप माइनस 4j कैप तले एटा पिले माइनस 12 आसी गला तो करंट रो वैल्यू टा पिले माइनस 6 आसी मु 6 एंपियर लिखि दो छी तो माइनस सिक्स रो डायरेक्शन पे केवल सेटा अछि ता पे टेंशन नहीं होनी तो तुम आगे आंसर थो आए छि ओके नेक्स्ट कांसेप्ट तो पहिला में नेक्स्ट कांसेप्ट देखिबा दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग बहुत इंपोर्टेंट हे थे पहिले तो जत पहिले हम गोटे सर्किट विषय रे कथा वार्ता करछो गोटे सर्किट रे कोन थिबो ए पर्यंत हम जा पलोनी सर्किट रे गोटे सेल थिबो अ वायर लागी थिबो सर्किट रे पिले रेजिस्टर रही परिबो इंडक्टर रही परिबो कैपेसिटर रही परिबो पीएन जंक्शन डायोड रखी परिबो बैटरी भी रहिबो एमीटर अटैच कर परिबो वोल्टमीटर अटैच कर परिबो गैल्वेनोमीटर अटैच कर सब जिनस को मिसे की गोटे मेस बोली हमें कहितो नेटवर्क बोली हमें कहितो ना तो क्वेश्चन अराइजेस तो हमको से क्वेश्चन पचारिबो जे सर्किट सॉल्विंग रो मीनिंग को त माने एतिक तो गोटे जिनस हमें श्योर हे गेले जति की कथा वार्ता हमें हेले जे भाई एठी आमे जो जिनस सिखिबा एटा पिला हमकू कैपेसिटर भी हेल्प करिवो कैपेसिटिव सर्किट पई आरसी सर्किट जोटा आमे कहितो आ एटा पिले इंडक्टर सर्किट माने इंडक्टिव सर्किट रे भी हमकू हेल्प करै छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे हेल्प करिवो पीएन जंक्शन डायोड माने मॉडर्न फिजिक्स रो भी क्वेश्चन नै परिवो तो एठी बहुत जिनस हमकू सिखिया रह छै आ जते पिला हमें सर्किट सॉल्विंग कथा पढ़ी थाए तो पिले मेनली हमकू दीटा ही जिनस कैलकुलेट करै पड़े फर्स्ट जिनस होला सर्किट रे करंट केते फ्लो करै छै क्वेश्चन सेटा पचारि परबो सर्किट रे करंट केते फ्लो करछ और एमीटर गैल्वेनोमीटर अटैच कर दबो पचार दबो रीडिंग केते होजी और पोटेंशियल डिफरेंस केमति कैलकुलेट करबो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देले पिले तमे कैपेसिटर रो दीटा प्लेट भितरे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देलो भाई चार्ज स्टोर केते बाहर गेलो नल गोटे वोल्टमीटर लगे दबो पचार वोल्टमीटर रो रीडिंग केते तो ओवरऑल जते हम बुले बले कथा वार्ता हबा गोटे सर्किट को सॉल्व करिया माने हला कोनसी गोटे ब्रांच रे करंट केते फ्लो करछि मेजर करबो आ कोनसी भी दीटा पॉइंट भितरे पोटेंशियल डिफरेंस केमति मेजर करा जाय ताकू देखियो तो तापे केटा पिले स्पेशल फिजिक्स रो मेथड अछि पिले जो मेथड गडा को मु तुमको एटी बतेबी बहुत इंपोर्टेंट कथा जनरली पिला मानु बताय जाय नि जनरली पिला मानु केवल किरचॉफ्स रूल बते कि छाड़ दियंदी कि ता से सिंपल जिंस को बतिया पे निंजा टेक्निक फॉर सर्किट सॉल्विंग कर दियंदी केते टेक्निक ट्रिक्स टिप्स कि ता बहुत सिंपल वे रे कहूची जिंस गडा खाली मार्क करियो हे जो देखो पिला सेटा अलग कथा कि मु किरचॉफ्स रूल कोठी यूज करबिन पिला किंतु मन रखिताओ किरचॉफ्स रूल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द सेटा निहाती जान दरकार तो किरचॉफ हमरो सर्किट को सॉल्व करया पे दीटा लॉ देथिले तो हमें केटा छोटिया क्वेश्चन सेगडा भी यूज आछो तिन कोनोसी पॉइंट हमें याद रे छाडीबन तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जोटा छ सेकला नेट करंट एट ए नोड इज ऑलवेज जीरो दैट इज नेट करंट कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू नेट करंट कमिंग आउट ऑफ द नोड कोनोसी गोटे नोड को जति करंट आसीबो सेति करंट पळेबो जानिछ प्लस 2 लेवल रे या बिषय हम किछ कहा पे चाहन किंतु जोटा इंपोर्टेंट कथा थ्योरी पे मन रखिता दिस रूल इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज गोटे नोड रे केबे रही पारे तेणु जी चार्ज आसो से जो गला ताले नेट करंट कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू नेट करंट कमिंग आउट ऑफ द नोड तापर आसीगला पिले किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से कहला कौन सी गोटे लूप भितर नेट पोटेंशियल ड्रॉप रो वैल्यू नेट पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू जीरो होता आउ ए जो प्रिंसिपल टा अछि दिस इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कथा ठीक अछि कोन कहले हला अच्छा फर्स्ट जिनस मन रखिले एगुडा सब मु कोडी यूज करबिनि किंतु किरचॉफ्स निजो वोल्टेज रूल कहला बेले
जो साइन कन्वेंशन टा कोई थिले एटा पिले निहाती जानिया दरकार अछि कारण मु मोर जो मेथड मु बतेबी तादरे एटा बहुत यूज हो स्पेशली वोल्टेज कैलकुलेट कला बले तो एटा मुंडर जदि रखि तो बहुत आराम से बुझी परियो सिकला जदि तमे गोटे लूप भीतर करंट डायरेक्शन पाई गलो सेटा तमो इच्छा कि तमे कैलकुलेशन कला बले तमे देखियो बेबेले क्वेश्चन देतियो वीएबी बेबेले क्वेश्चन देतियो वीबीए वीए माइनस वीबी भी पचारि परियो वीबी माइनस वीएबी पचारि परियो तले वीएबी जतले पचारछि वीए माइनस वीबी माने ए रु बी को तमे कैलकुलेशन करियो आ सेही क्वेश्चन जदि वीबीए पचारला तले तमे बी रु ए को कैलकुलेट करियो कैलकुलेशन टा तमो इच्छा तमे कोड भी कर परियो बट गोटे रेजिस्टर करंट कोड फ्लो करबो सेटा तमो इच्छा नै तेनु ए जो रेजिस्टर टा अछि पिले करंट याद रे फ्लो करची टुवर्ड्स राइट आमे कैलकुलेशन टुवर्ड्स राइट भी कर परियो लेट भी कर परियो तो फर्स्ट जिंस से कहि देले जदि तमोर करंट रो कैलकुले करंट डायरेक्शन रे तमोर कैलकुलेशन रो डायरेक्शन होउची तल पिले पोटेंशियल डिफरेंस टा आसीबो माइनस आयर एटा पिले गोटे बहुत बडो कथा नुए एटा त म ऑलरेडी कहि देली कारण निश्चिंत पिले यारु यारु को जाउछ माने एटा इनिशियल टा एटा फाइनल टा पॉइंट 1 करंट यार को जाउछ माने एटा हाई पोटेंशियल टा एटा लो पोटेंशियल टा तल पिले पोटेंशियल डिफरेंस कहले फाइनल माइनस इनिशियल आ एटा जेहेतु लो पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस टा निश्चिंत नेगेटिव आसीबो माइनस आया सिमिलरली करंट तो जोड जाउतला साटा जीवो किंतु तमे कैलकुलेशन अपोजिट डायरेक्शन ने कर परियो आ जदि पिले कैलकुलेशन अपोजिट डायरेक्शन ने कलो तले ए दीटा पॉइंट भितरे पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू प्लस आयर बहुत इंपोर्टेंट कथा मुंडा रखिबो इफ कैलकुलेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल ड्रॉप इज माइनस आयर इफ कैलकुलेशन इज डन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू प्लस आयर सिमिलरली जितले पिले तमे कैलकुलेशन करचो आ उटे बैटरी को फेस करलो एबे तो तमे रजिस्टर आ बैटरी को ही फेस करियो तो जितले कैलकुलेशन करचो आ उटे बैटरी को फेस करलो आ बैटरी रो पॉजिटिव एंड टा को फेस करलो रिमेंबर बैटरी रो पॉजिटिव एंड टा को फेस करले पिले पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू माइनस ही लिखिबो 10 वोल्ट दैछि माइनस 10 वोल्ट लिखिबो आ कैलकुलेशन कला बले जदि बैटरी रो नेगेटिव एंड टा को फेस करलो तले पिले प्लस ईएमएफ लिखिबो माने प्लस 10 वोल्ट लिखिबो तमे कहबो सर काई ना जितले पिले तमे बैटरी कैलकुलेशन करचो आ हाई रो लो को जाउचो तले पिले पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लो माइनस हाई से पई माइनस आसी गलो आ जितले पिले तमे लो रो हाई को जाउचो नेगेटिव फेस करला माने तमे लो रो हाई को जाउचो तले पिले पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई माइनस लो दैट्स व्हाई इट बिकम्स पॉजिटिव बहुत सिंपल कथा जदि या भीतर किछ सिक्वर अछि ए थ्योरी दिटा को मन रखितो को कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऊपर बेस के कि अछन्ति आ साइन कन्वेंशन टा नियाति मन रखियो पिले आउ थरे फाइनल कथा बरता हिजबो इफ योर कैलकुलेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स माइनस आईआर इफ कैलकुलेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन योर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स प्लस आईआर ड्यूरिंग कैलकुलेशन इफ यू फेस द लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी देन राइट इट डाउन एज प्लस सी आउ जदि पिले हाई पोटेंशियल टा तमे फेस करलो पॉजिटिव एंड टा तमे फेस करलो देन राइट इट एज माइनस सी ए जिंस तम आगर थुआइ बेसिक थिला एबे मु पाठ स्टार्ट करछु मन देखि छुनो करंट बाहर कर अपने बहुत प्रकार मेथड अच्छे ठीक ना जो सब से तुम बतौची आउ ये सर्किट क्वेश्चन पे लेवल तो बहुत हाई को जाए पर कि पे लेवल हाई भी मेथड यूज कर बस तुम कितने प्राक्ट कर पे तुम नीट लेवल क्वेश्चन देख जेनेल पे सिंगल लूप रो क्वेश्चन भाई सिंगल लूप रे भी बहुत डेंजरस क्वेश्चन हम आगे तुम देख और मैक्स टू मैक्स नीट लेवल डबल लूप रे क्वेश्चन पचार ठीक अच्छे ना तो जो मेथड गुडाक तुमको बतौर बहुत भल कि मार्क करो तो बहुत इजिली तुम सल्व करके सो नेक्स्ट स्लाइड रे फर्स्ट जिन तुमको बतैसी पे नोडल एनालिसिस नोडल एनालिसिस पे बहुत हेल्पफुल तुमको करंट वैल्यू बाहर करने जिन मन रख सिंगल लूप तो पे किसी हेडाक ही ना एग्जांपल रखी बुझापे जदि पे डबल लूप वाला क्वेश्चन आसगे जो जेनेली आसे बहुत छोटे छोटे ट्विस्ट करके तुमको पचारदेव तेज से टाइम को ब्रांच रे करंट केमती जाउची सेटा नोडल एनालिसिस तुमको बतबो आ एटा निहाती बुझिबा दरकार अछि देख नोडल एनालिसिस कहला फर्स्ट जतले तमे पिले सर्किट टा सॉल्व करछो देखो नोड केटा छ भाई नोड का कहो जे नोड हला पिले सेमता गोटे पॉइंट जोटा रु पिले दीटा रु अधिका वायर दीटा हले भी हबने मोर देन टू वायर्स आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट देन इट इज कॉल्ड अ नोड सो इट इज अ नोड इट इज अ नोड दिस वन इज नॉट अ नोड बिकॉज़ टू वायर्स आर कनेक्टेड बट दिस वन इज अ नोड बिकॉज़ थ्री extensions are there three extensions are there so it is a node and it is another node to jetle pile nodal analysis pakaja kara ja kono konosi dita node bitru konosi gote node ku tame reference node nei jao you can consider this one or you can consider some bada method batu chu mon dekhi suno you can consider this one or you can consider this one tamo icha mu eta ku reference node nei gelo what is the meaning of reference node tame tar potential ta ku pile 0 volt bhabo ame janne seta 0 volt hobo na nai आउ आरोटा जोटा थिबो ताकु किछि भी गोटे पोटेंशियल असाइन कर दियो ताले पिले एटा वी वोल्ट हे गला एटा पिले 0 वोल्ट नै गली आउ सेटा कु पिले वी वोल्ट नै गली मार्क करिवो ठीक से आउ एबे प्रॉब्लम सॉल्व करा स्टार्ट करो तो वर्तमान पिले 0 अपेक्षा वी जेतु बेसी अछि त माने एटा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल त
पहले हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को करंट फ्लो करिवो तमे ना अगर रूल पकेदो जा हबा कथा से तमो नीचे दे दबो करंट रो डायरेक्शन वरेक्शन सब बार करके दे दबो नो अटैक ठीक से खाली देखियो फर्स्ट अजम्पशन ना चलियो तापर आंसर बाहर जो तले पहले एटा 0 वोल्ट आसी गेला एटा वी वोल्ट आसी गेला तले एटा हमें अज्यूम कर देले तले पहले हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को करंट फ्लो करिवो तमे ना हमें अज्यूम करले ए ब्रांच रे करंट हाई रु लो को सॉरी करंट हाई रु लो को एमिटिया फ्लो करिवो करंट हाई पोटेंशियल रु लो पोटेंशियल को करंट हाई पोटेंशियल रु लो पोटेंशियल को एमटी फ्लो करे बोले हमें अज्यूम करले हाई पोटेंशियल रु लो पोटेंशियल को करंट आई ब्रांच रे एमिटिया फ्लो करे बोले अज्यूम करले हाई पोटेंशियल रु लो पोटेंशियल को करंट एमिटी फ्लो करिवो बोली हमें अज्यूम करला सॉरी वाला कथा एबे ना तमे किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करो किरचॉफ फर्स्ट रूल कहला कोनोसी गोटे नोड रे ना पिले नेट करंट रो वैल्यूटा सबले जीरो ही हेता तले एठु जो करंट एठी जो करंट आ एठु जो करंट आसीला सेगडा को ऐड कर देले नेट करंट रो वैल्यू जीरो आ जीवो तो ताकू कैलकुलेशन केमती करा जे देखो फर्स्ट हमें ए ब्रांच रे आसीबा जदी हमें पिले ए ब्रांच रे आसीबा ए ब्रांच रे पोटेंशियल पूरा मन दे सुनिबो ए ब्रांच रे पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू केतो पना v -10 हम अजम्पशन चलची जे याद रे करंट एमती याद रे करंट एमती याद रे करंट एमती मुटी के फास्ट को जी तमे रिवाइंड फॉरवर्ड मारी के देखियो तले ए ब्रांच रे जदी आसीबी तले पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू केते छ v -10 आ जदी पिले बैटरी न थांदा तले पिले पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू केते था ना खाली v थांदा आ जदी बैटरी आसीगला तले पिले v -10 आसीगला ए ब्रांच रो पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू v -10 आ ए ब्रांच रो रेजिस्टेंस रो वैल्यू आसीगला 1 तले पिले ए ब्रांच रे करंट रो वैल्यूटा आसीगला v -10 बा मु ताको v -10 / 1 लेके किछ असुविधा नै ए ब्रांच रे पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू केतबो एबे तो तमे कह परियो दैट बिकम्स v -30 आउ नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यूटा डिवाइड करले पले ए ब्रांच रो करंट रो वैल्यू बाहर गेल ता पट्टा बुझो आ तमे देखो एमिति आसला पले नेगेटिव टा फेस करले तले ए ब्रांच रो पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यूटा केते आ जीवो v + देछि केते पले 50 आउ से ब्रांच रो पूरा होल रेजिस्टेंस रो वैल्यूटा केते दे देछि ना 2 दे देछि तो एथि एमते गुटे करछि आगु को आउट एग्जांपल भी देछि दीटा एग्जांपल देछि आउ एकटा सब ब्रांच रा करंट आसी गला एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल तो नेट करंट रा वैल्यू कोनोसी गुटे नोड रे सबले पिले जीरो बार आछ ठीक तले पिले आकु जदी हमें सॉल्व करिवा 2 तो पिले डिनोमिनेटर आसीबो जोटा की साडू को पळे बा जीरो हो जो आकु जदी सॉल्व करिवा तले हम पकरा आसला पिले 2v -20 v -30 v +50 0 और तमे मार्क करो -20 -30 -50 +50 को कैंसिल आउट कर देला 2 3 4 4 v रो वैल्यू 0 आसी गला ता माने v रो वैल्यू 0 आसी गला ठीक एटा भी गोटे क्वेश्चन को तमको हेल्प करियो जेमति कि एमटा गोटे दे दबो अपचर एटा पॉइंट ए एटा पॉइंट बी अंको भीतर पोटेंशियल डिफरेंस कते यारो आंसर एठी ही बारी गला एटा में 0 नहीं थिले और एटा भी हमको 0 ही मिलला तले पले दीटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू केते गला ना 0 हो गला त नोडल एनालिसिस पोटेंशियल डिफरेंस बार करे रे अप टू सम एक्सटेंट हेल्प करते छाड़ो कि यार मेजर काम होइते पले करंट रो वैल्यू बार करे एबे देखो करंट रो वैल्यू केमती बार हो तो पले फर्स्ट सर्किट रे हम करंट रो वैल्यू केते भाबी थिले v -10 और v रो वैल्यू हमर केते बारला 0 त माने 0 -10 त माने ए ब्रांच रे करंट रो वैल्यू हला 10 एंपियर आ माइनस रो मीनिंग हला जे आमे करंट को भूल अज्यूम करथिले आमे भाबीतले करंट एम्प्टी फ्लो करछि त माने करंट याडू को फ्लो करतो मतलब लागु छै तमरो करंट बाहर गेला बहुत इजी टेक्निक अछि आराम से खाली पुट करै छै हम करंट रो वैल्यू मिल गेला पले एठी पुट कर देली -10 त माने मु जो डायरेक्शन रे करंट अज्यूम करली भाई गुटे ढाबा मारली बाजिला नै तले पले मु जो करंट एंटी क्लॉकवाइज भाबीतले त माने याद रे करंट पले क्लॉकवाइज फ्लो करतो आ करंट रो वैल्यूटा केते हितबो 10 एंपियर बाहर गेला ओके तमने द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जोटा के पिले मु ग्रीन ने देखो छी द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस व्हिच विल बी इक्वल टू पिले तमरो 10 एंपियर एकोटा क्लियर हे गेला एबे ए ब्रांच रो करंट बाहर करियो ए ब्रांच रो करंट तिला पिले v -30/2 0 पुट करली -30/2 तमने -15 हे गेला आ मु करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन ने भाबितली तमने करंट अपवर्ड डायरेक्शन ने फ्लो करिवो आ करंट रो वैल्यूटा केते आ जो ना पिले 15 एंपियर आछियो बाकीटा कैलकुलेशन करे तो करे तमे चेक भी कर परबो देखो पिले एपोटो साइड रु पिले 10 एंपियर आसीला एपोटो साइड रु पिले 15 एंपियर आसीला त माने एपोटो साइड रे पिले करंट ता हमें जोटा अज्यूम करथिले से डायरेक्शन ही फ्लो करबो और करंट रो वैल्यूटा केते आसीला ना 25 एंपियर अदरवाइज यू कैन पुट इट ओवर देयर वी रो वैल्यू जदी 0 आसीला पिले 50/2 तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलला त माने हमें जोटा अज्यूम करथिले करंट रो डायरेक्शन से आइगला सो दिस इज 10 दिस इज 15 दिस इज 25 तो एबे ए मेथड ता तमे निहाती लिखिवो कोनोसी गोटे नोड जदी देइतबो ताको रेफरेंस नोड बा 0 वोल्ट नै जो आरटा को वी नै जो हायरु लो को करंट रो डायरेक्शन बडा को आगो अज्यूम कर दियो तो अजम्पशन ठीक हे पारे नॉइ पारे सेटा डिपेंड करछि तुम आंसर प्लस बार छि कि माइनस बार छि
जदि किसी बैटरी ना पोटेंशियल डिफरेंस भी हम जब पॉजिटिव एंड आसला बेले पॉजिटिव एंड फेस कल वी माइनस 10 लिखो नेगेटिव एंड जमी फेस कली वी प्लस 50 लिखी थी नेट पोटेंशियल रे पोटेंशियल डिफरेंस रे से ब्रांच और रेजिस्टेंस दिबो एटी दीटा रेजिस्टेंस थांता वन आउट एटी वन थांता तले नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू 2 लिखी थांतो डिवाइड करके नेट करंट रो वैल्यू 0 कर दियो पोटेंशियल रो वैल्यू बाहर जो पोटेंशियल रो वैल्यू खाली पुट करी करी चलो करंट आउट करंट रो डायरेक्शन तुमरो मेजर है कि पलाइसो इट वाज अ वेरी इजी मेथड टू फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन पिला केते कोन रूल पके करंट बाहर करथांती बसे इट विल सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 1 मिनट टाइम ठीक अपने कहीं की नीट बोले पहुंचे जो बहुत क्रिटिकल जाला वाला एगड़ा सब किसी दिए नहीं बहुत सिंपल जिनस दे दिव किंतु पिला तादरे ट्रैप हो जाए निजे बुलबल पके कैलकुलेशन लेंथी करके तापर मन दुख करके मोर होउनी मोर हबनी ए सब जिनस करन पिले सब जिनस पे प्रॉपर रूल अछि रूल पका आंसर बारे तो हमको करंट रो वैल्यू मिल गेला पिले 10 एंपियर 15 एंपियर आउ 25 एंपियर क्लियर नेक्स्ट जिनस हम देखिबा यादरु गोटे बहुत पूरा गोटे पढला बळया क्वेश्चन सर्किट रो एटा पिले गोटे पढला बळया क्वेश्चन हैला ना तो देखो केमती क्वेश्चन से पचारियो सिंपली तीनटा सेल हमको दे दीछि 4 वोल्ट एटा प्ले उठे 6 वोल्ट दीछि उठे 2 वोल्ट दीछि रेजिस्टर सब दे दीछि से दी प्रकार क्वेश्चन पचार परे भाई ये रेजिस्टर का करंट केते फ्लो करछ आउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए ब्रांच रे करंट केते फ्लो करछ तो पिला बहुत कंफ्यूज होन दिया तरह तो याको हम सॉल्व केमती करे देखो पिले एठी पिले मु 0 नेले वी नेले भाबो रेजिस्टर नथांता 0 वी नबा दरकार कोन अछि जदि एटा 30 वोल्ट ता माने लोटा जदि 0 हेला तले पिला हाईटा ही 30 हिजो तले एमटा क्वेश्चन देले विश्वास करो पिले पिला कंफ्यूज बोंद किंतु एटा बहुत इजी मेथड रे सॉल्व होई जो ठीक केमती देखो पिले एटा लो दिजे एटा हाई दिजे 4 वोल्ट लेके आछ तो पिले तमे एटा को 0 कंसीडर करो नोड को तो एटा 0 हला माने ऑब्वियसली एटा पिले 4 वोल्ट ही तो बाकी तो प्रॉब्लम सॉल्व है तले जदि एटा को मु हाई भाबिली तले पिले याद रे करंट एमटी जाउथबो और याद रे करंट एमटी जाउथबो ठीक तले मु यहां पे इक्वेशन कर लेकि 4 नेगेटिव फेस करले तले एटा को मु लिखि देले पिले 6 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस जगह केते लिखि देले ना 6 या काम सरी गेला तले पिले ए ब्रांच रे करंट रो वैल्यू बारी गेला डायरेक्ट हमको किछ मेजर करया को पडला नि तले करंट रो वैल्यू ता केते बारी गेला ना 1 एंपियर जोटा के पिले एमटी जाउतो त करंट रो वैल्यू आसी गेला 1 एंपियर जोटा के एमटी फ्लो केते कोन मेथड सब बतांती देखो केते इजीली हिजो नेक्स्ट कथा एटा पिले हाई अछि एटा लो अछि तले पिले ए ब्रांच रे भी करंट एमटी ही जाउतो तले एटा पिले जदी 4 वोल्ट आसीला एटा पिले प्लस 6 लिखिबे कारण नेगेटिव फेस करली त 4 प्लस 6 नेट पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू केते आसीला 10 आउ नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू ता केते आसीला पिले 6 तले ए जो ब्रांच रे करंट ता पिले एमटी फ्लो करथुबो जोटा कि आज जो पिले 10/6 आई थिंक सो 10/6 तो 10/6 माने पिले 5/3 एंपियर हे गेला 5/3 एंपियर रो करंट याद रे फ्लो करथुबो so this is your 5/3 ampere and this current is your I am already bar kar sakche this current is your 1 ampere ekra to pile e branch manakar current kete jauchi sekada dhadkini bari gala eti amku v naba darkar nei pila e question pila bahut kam kintu eta gote padla bola question to tamku 0 v assume kara padu kan v ta to pura already dei ki achi tenu jodi gote branch er register nai na khali battery te thouchi ta mane pila jinso bahut easy hoi gala janni kintu pila sei tri besi trap undi bahut bhabi diu ebe dekho ए ब्रांच रे करंट रो वैल्यू आसला पिले 1 बेबले क्वेश्चन पचेरबो ए ब्रांच रे करंट केते फ्लो करछ तो तमे देखो एपटु करंट आछ पिले 1 एंपियर आ एपटु साटु करंट आछ पिले 5/3 एंपियर तबे तमे किरचॉस फर्स्ट रूल यूज कर दियो तले एपटु जदी 1 आसला एपटु जदी 5/3 आसला तो 1+5/3 ए ब्रांच रे करंट रो वैल्यू होइतो पिले 8/3 एंपियर वेरी इजी मेथड आकु भलो कि मार्क करबो आमे नेक्स्ट मेथड को जिवो मते लागछि जिंस क्लियर थिवो এটা টিকে মনে রাখি দেবা আমি 10 एंपियर 15 एंपियर আর এটা 25 एंपियर क्लियर উইল গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড নেক্সট স্লাইড পিলে হেগলা তোমার থেভেনিন থিওরম ঠিক না থেভেনিন থিওরম এটা পিলে করে কোন ইয়ে না তোমকু কোনসি বি ব্রাঞ্চ র কোনসি র‍্যান্ডম দুইটা পয়েন্ট দে দাও আগে তো আমি কাম সার দেবা পিলে এ ব্রাঞ্চ রে আমি কারেন্ট ইয়া পূর্ব কোশ্চেনটা দেখো দিয়া আছে এ ব্রাঞ্চ রে এ যে নেটওয়ার্ক আছে ইয়া তে কোথরে কত কারেন্ট ফ্লো করে আমি অলরেডি বার করি কি আসছে কারেন্ট র ভ্যালুটা আমার পিলে এপোর্ট সাইড রে পিলে 10 বার দিলা आउ याद रे करंट पिले एमती जाउतला याडू को जोटा कि हमें 15 बोली कहिथिले आउ याद रे करंट जो जाउची सेटा पिले याडू को जाइतला ओ हमें से करंट रो वैल्यू टा को 25 एंपियर बोली कहिथिले एटा हमें ऑलरेडी जानि छथि थेवेनिन थ्योरम पिले इते हेल्पफुल होइता है ना से जे कोनसी दीटा पॉइंट भितरे बहुत इजी जिंसटा जे कोनसी दीटा पॉइंट भितरे पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करे रे बहुत हेल्प करता है देखो एबे केमती हेल्प करता है कोन करता है जिंसटा हमें ताको टिके मार्क करे भाबो तमको के गोटे पॉइंट दे देला मन इच्छा रैंडम जे कोनसी दीटा पॉइंट दे परिबो से ता इच्छा तुमको गोटे पॉइंट दे देला पिले एटा ए कह देला तुमको ठीक
आउ ए जो पॉइंट आछि एटा को बी कह देला तुमको एबे क्वेश्चन तुमको पचाला फाइंड वी ए बी त माने ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस टा बाहर करो पिले ए जिंस रो सबले मन रखितो पोटेंशियल डिफरेंस कैन नेवर गो फर्दर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कांट गो फर्दर इफ यू डोंट नो करंट एंड इट्स डायरेक्शन जो पन जे करंट ऑफ करंट डायरेक्शन नो बारछि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन करी हबो नाही जदि तुम ब्रांच रे रजिस्टर पसीला ए जिंस रो मुंडर रखितो तेणु जदि तुमको थेवेनिन थ्योरम पकेर अछि तले पिले करंट बाहर करार जो जो मेथड बतेबी से मेथड सब पके कि आग करंट आउ करंट रो डायरेक्शन बाहर कर दबो जोटा कि मटी आगरु एग्जांपल नैथिली सेटा को पुट कर देली त मते करंट आउ करंट रो डायरेक्शन ऑलरेडी मिलि सछि त एबे ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस केमति बाहर कर से कहला तमे ए रु बाहर बी रे पहुचो ए रु बाहर ल लिखि दियो पिले वी ए ठीक आउ सेटा तमो इच्छा तमे को रास्ता रे आसीबो तमे पिले एमती आस परिबो तमे एमती आस परिबो तमे एमती आस परिबो तम इच्छा किंतु ए रु बाहर आरुची बी रे पहुचर छ आ जे ठीक पिला हेतिबो ही विल ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट पाथ किंतु एटी के जे शॉर्टेस्ट बोली नै कारण तमे जो रास्ता रे भी आसो गोटे रजिस्टर गोटे बैटरी तो फेस करबो सेटा तम इच्छा किंतु केटा क्वेश्चन एमती था जोटी के ए रु बी रु बाहर को गोटे ब्रांच गोटे स्टाइल रे गोला को पिले बहुत कंपोनेंट फेस करबो आउटे स्टाइल रे गोले बहुत कम कंपोनेंट फेस करबो तो सबले पिला हेतो सेना कम कंपोनेंट वाला रास्ता टा खोजिबो ठीक किंतु एटी जुआडे भी गोले रास्ता सेम ही हबार अछि तो तमे ए रु बाहर बी रे पहुचो रास्ता जहा जहा भेट जो जो जिन भेट रजिस्टर बैटरी कैपेसिटर इंडक्टर सब किरचॉफ कर जो साइन कन्वेंशन बतेइथिले पुट करिबो पहुंची गलो इज इक्वल टू बीबी लिखि दियो बी ए माइनस बीबी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन है कि पढ़ा जाए वेरी सिंपल मेथड जमती की एटी केमती करबे तो सर ए रास्ता रे जीवा देखिया कौन हो ठीक देखो कौन हो ए रु बाहरली तो ताकू पिले बी ए लिखि देले आ मुझे तो आसिली मु बैटर पॉजिटिव एंड टाकू फेस कली साइन कन्वेंशन कहला पॉजिटिव एंड फेस कला नेगेटिव लेखो आ तापर मु तो रजिस्टर को जाउची देखो करंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाउची करंट रो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस आईआर लेखो आई रो वैल्यू पिला हमर ए ब्रांच रे आ जेतु मु ऑपोजिट डायरेक्शन आउची तले प्लस आईआर लिखिबी तले जेतु प्लस आईआर लिखिबी त माने एटा को वर्तमान प्लस 10 लिखि देली इज इक्वल टू वीबी तमे देखो वी ए बी रो वैल्यू टा वर्तमान केते बारी गला ना जीरो ही बारी गला ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस केते बारी गला ना जीरो एटा त हेबार थिला पिले तमो जदि मन थिबो जदि पिले नोडल एनालिसिस पके दिल मु कह दिल ए दिटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो एबे मार्क कर ए पॉइंट जा ए पॉइंट त से अकाउंट ताको भीतर किछ एलिमेंट नाही पोटेंशियल डिफरेंस हेबार ही नै तेन ए पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस जाबो ए पॉइंट भीतर भी से आबो इंटरेस्टिंगली ए पॉइंट भीतर भी से आबो इंटरेस्टिंगली बस ठीक ना ए पॉइंट भीतर भी से ही हेबार छ कारण ए मानको भीतर किछ नाही तो सर ये रास्ते बाहर गला अलग रास्ते बाहर से कहला 100% बाहर एवं तुम एमती भी आसपार ए रु बी को फास्ट तो पे ए रु बाहर मुझे लिखीदे वी एट फर एक्जामपल बताऊँ आगे बहुत जिनस करेंगे वी ए बैटरी पे नेगेटिव एंड फेस कल तो नेगेटिव एंड फेस कल मैंने पॉजिटिव लिखी प्लस 50 वोल्ट और मुझे आसली करंट रो डायरेक्शन जाऊँ करंट रो डायरेक्शन गले माइनस आयर बोली साइन कन्वेंशन बताला तो आई रो वैल्यू तो 25 आर रो वैल्यू 2 तो माइनस आयर तो या पे माइनस 50 लिखी दे मुझे बी रे पहुंची गली तो लिखी देली तब तो बी ए माइनस बीबी रो वैल्यू के बाहर गला जीरो सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज जीरो कम फिनिश एंड यू कैन चेक इफ यू कैलकुलेट इन दिस डायरेक्शन आंसर तो से ही बाहर बहुत इंपोर्टेंट मेथड है किंतु इंपोर्टेंट मेथड टा पिले करंट आउ करंट डायरेक्शन न बाहर कले जाई परिवनी आ किरचॉफ करो जो साइन कन्वेंशन बतेली पछु जेंगे आउ थरे देखियो ए रु बी को गला बेले तमे किरचॉफ को साइन कन्वेंशन ठीक से पके जीवो तो तुमको आंसर मिल जो एटा थिला पिले सेकंड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाहर कर मेजर करियो पिले करंट ए जो सब बॉय रे देते ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एटा पिले बहुत लेंथी ही आइता मु तुमको शॉर्टेस्ट वे बतेले एटा ठीक थर्ड पॉइंट हला कोन ना याको छोड़ा आउर भी हम पकरे दीटा मेथड अछि जोटा की केटा जागा रे केटा क्वेश्चन रे हमहु बहुत इजीली आंसर बाहर कर दको जेमति की नेक्स्ट कांसेप्ट हम देखबा तो दीटा कांसेप्ट गला गोटा हम पकरे पिले करंट बाहर करे मेथड पढ़ा छला नोडल आउ पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करे मेथड पढ़ा छला थेवेनिन जदी आउ की किछ भी जानो ना तमे दीटा पके की तमर क्वेश्चन सॉल्व कर पर स्टिल आउ कांसेप्ट बतु छी जोटा की जिंस को ऑन द स्पॉट तमहु इजी कर दबो मेथड तो मु बहुत बतेबी किंतु तमहु भाबर छी जे ऑन द स्पॉट कोटा पकेबे ठीक एबे देखो जोरा पहले पूरा बेसिक है एटा पहले तुम्हारा करंट डिवाइडर रूल आउ वोल्टेज डिवाइडर रूल एटा भी बहुत हेल्प करे अगर मु तुमको कह दउछ करंट डिवाइडर रूल कोटी तुमको बेसी हेल्प करे जतले पहले तुम गोटे नेटवर्क देखुछ जोतर के पहले बहुत गुडा रेजिस्टर अछि बैटरी गोटे अछि जबरदस्त हेल्प करे तुमको जदि तुम खाली सीरीज पैरेलल विषय जानितो सीरीज पैरेलल मु नेक्स्ट वीडियो रे बतेछ आउ यादरु जो को पहले सीरीज पैरेलल पिला माने बहुत करन खुशी हो जांति बट यादरु क्वेश्चन आसे नि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर मनो इच्छा सब सर्किट सॉल्व करन बहुत सिंपल सर्किट देखी पिले तुम से टाइम वेस्ट कर दबो सिंपल सर्किट भी ठीक जगह रे हबो ना तेन जिंस गडा को माइंडफुली सुनिबो
तुमको कौन कहली मार्क कल जदि पे पूरा नेटवर्क रे गोटे ही सेल अच्छी रजिस्टर बहुत अच्छा मेथड टा तुमको कि मेथड टा तुमको बहुत हेल्प कर ठीक। करंट डिवाइडर रूल कौन कहे बहुत सिंपल कथा पे कौन सी उपाय जो जानी गले जे ए दीटा रजिस्टर पिले पार्लर ले अछन आ यांको पकु करंट केते आछु जदि हमें जानी गले मार कर जदि पार्लर ले अछन ताले पिले यांको भितर पोटेंशियल डिफरेंस सेम थिवो किंतु यांको भितर पिले करंट आसला पर स्प्लिट हिजो तो हमहु दरकार कोथरे केते करंट फ्लो करछि केमथि कैलकुलेशन कर देखो पिले बहुत सिंपल कथा सिंपल आइडिया लगेबो बहुत इजीली आंसर भारियो पिले वर्किंग फार्मूला भाबि दे रजिस्टर रो वर्किंग फार्मूला हेगला v = ir हमहु डिमांड कोन करछि हमहु डिमांड करछि करंट केते जाउछ तले मु लिखि दे पिले i = v / r आ तमे देखो इनवर्सली रिलेटेड हेगला करंट आउ कारण v तो कांस्टेंट पैरेलल कनेक्शन है तले करंट आउ रजिस्टर इनवर्स रिलेटेड आसीला सिंपल कथा मन रखिता इनवर्स रिलेटेड हेथिबो जदि तले जोउतरे पचरेबो तरा उल्टा रु कैलकुलेशन हो जेमति से क्वेश्चन पचाला r1 रजिस्टर करंट केते फ्लो करियो देखो कैलकुलेशन r2 रो होइछ r1 ने करंट अगर i1 हेगला तले i1 रो वैल्यू केतेला देखो r2 बाय नेट रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट r2 बाय नेट रेजिस्टेंस माने मु पैरेलल करी की कर r2 बाय r1 प्लस r2 इनटू नेट करंट i1 बाय रियल समथिंग तो मु जदी पचला एठी करंट रो वैल्यू i2 रो वैल्यू केतो तो जदी एठू पचला तले तमे कैलकुलेशन सेटू करो तमे नामो फार्मूला आसी गला r1 बाय r1 प्लस r2 इनटू बहुत सिंपल हेगला जेंसोटा बहुत हेल्प करियो तुमको करंट डिवाइडर रूल वोल्टेज डिवाइडर रूल जितले पिले दीटा रजिस्टर पिले तमरो सीरीज रे अछन आ हम जानचे पिले सीरीज रे जितले थांति ना पिले तांको भीतर करंट रो वैल्यूटा कोन आइता ना सेम आइता तले तांकर पिले पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू अलग अलग आबो तो से क्वेश्चन पचार दबो तांकर ए रजिस्टर रे पोटेंशियल डिफरेंस केते कि ओटो वोल्टमीटर लगे दे पचार दबो पोटेंशियल डिफरेंस केते सो हाउ टू सॉल्व इट याकू सॉल्व केमथि करियो तो गोटे इनसम मन रखो पिले करंट रो वैल्यू तो सेम अछि वर्किंग फार्मूला पुट करियो वर्किंग फार्मूला कहला v = ir करंट रो वैल्यू सेम माने i टा कांस्टेंट हेगला तले पिले पोटेंशियल डिफरेंस पचार छि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भाई जोटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेइता है ना जो थ्रू पचरबो सेइ थ्रू कैलकुलेशन करबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हेइतले जो थ्रू पचरबो ता उल्टा रु कैलकुलेशन करबो तले एठी तमको वोल्टेज r1 रे पचला देखो r1 रु ही कैलकुलेशन हिच r1 बाय r1 प्लस r2 इनटू नेट पोटेंशियल डिफरेंस यूज बहुत होची एबे से की जाओ एग्जांपल रे बहुत दिन सब बतई छी तमको पचरबो याद रे पोटेंशियल डिफरेंस केते तले सेइ थ्रू कैलकुलेट कर दियो तले वैल्यू आसी गला r2 बाय r1 प्लस r2 इनटू नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ एठी जो मेथड टा मु बतेली इट विल आल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एगडा सब जतले पचारे त माने तंकर वर्किंग फार्मूला को चेक करके निजे ऑन द स्पॉट फार्मूला बाहर करके पुट कर पडो बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला मन रखिथिबो ए जेंसटा ओके नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा सर्किट सॉल्विंग रो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ शॉर्ट एंड ओपन पिले एटा बहुत इंपोर्टेंट तमे मार पर पत्र देखो पिले पूरा 12th रो मेजर मेजर जिंस गडा को लिखा है तो फर्स्ट जिंस हमको देखिवार अछि जे गोटे सर्किट रे शॉर्ट कहले हमें कोन बुझिबा आ ओपन कहले हमें कोन बुझिबा मन देखि सुनु ये तुम पाठ को पिले बहुत इजी कर दो बस खाली मन देखि सुनिवार अछि कोनोसी दीटा पॉइंट को गोटे नेटवर्क भितर कोनोसी दीटा पॉइंट को जदी गोटे नॉन रेजिस्टिव वायर द्वारा जॉइन करा गेला एमिति गोटे वायर नंबर जार रेजिस्टेंस नाही देखो r = 0 बोली लिखा आइ छ जदी हमें जॉइन कर देले तले पिल हमें कहबो से दीटा पॉइंट शॉर्ट हे गेला माने बाबो पिले एटा पिले गोटे पॉइंट अछि आ एटा आउट ऑफ पॉइंट अछि तांको मु सिंपली एमिति गोटे वायर रे जॉइन कर ले देन वी विल से दैट दीस टू पॉइंट्स आर शॉर्टेड बाबो पिले एटा गोटे पॉइंट अछि आ एटा आउट ऑफ पॉइंट अछि चलो एठी भी गोटे पॉइंट तमे नै परियो ए दीटा पॉइंट को एमिति गोटे वायर द्वारा जॉइन करली जार रेजिस्टेंस नाही बहुत इंपोर्टेंट कथा देन वी विल से दैट दीस टू पॉइंट्स आर शॉर्टेड क्लियर अछि फर्स्ट जिंस एटा थिला जे जितले शॉर्ट कथा पड़े ना ता माने तारो रेजिस्टेंस रो वैल्यूटा जीरो होइता आ जितले पिले रेजिस्टेंस जीरो हैला ना पिले तले करंटटा सबले से शॉर्ट दे की फ्लो करा पई चाहिबो आ जो पार्ट को शॉर्ट कराई छी करंट से पटे जीवा पई प्रेफर करिवो नाही मीनिंग ता बुझो ई बैटरी रो जो करंटटा आसीबो से बे कंफ्यूज हैला जे भाई एपटे जीवि ना एपटे जीवि से कंफ्यूज हबो ही नाही कारण से को मु एपटे काई जीवि भाई रेजिस्टेंस अछि मु आराम से एपटे सिंपल वे रे जाएंगे एमती पळेबे कथा बुझैला कथा कोन कहली करंट ऑलवेज प्रेफर फ्लो थ्रू द शॉर्ट करंट सबले शॉर्ट देकी जीवा पई चाहे तेनु जति की पार्ट को शॉर्ट करा है छी तमे तकु कनेक्शन नु काढ़ी देले किछ फरक पड़बो नै माने जदि पिले करंट एमती गला तले पिले ए जो पार्टा चकु काढ़ी के फुपाड़ देले किछ फरक पड़बो ए पॉइंटा मुंडर रखी थिबो ठीक जोटी जोटी शॉर्ट देखिबो मु तुम बतेबि कोटी कोटी शॉर्ट देखो शॉर्ट एमती लेखेनी एमती तो क्वेश्चन थाए शॉर्ट एक्चुअली लुची की थाए सेटा मार्क रछि पिला सेटा धरि परेन जोटी जोटी शॉर्ट देखिबो ना पिले तमे ना से जो एलिमेंट को शॉर्ट कराई चाहो ताको काढ़ी दबो ता बदल रे पिले सिंपल बिना रेजिस्टेंस वाला गोटे वायर जॉइन करो
तापर तुमको करंट ऑफ वोल्टेज बार के मेथड बते सारछि पके दबो तुमको तुम आंसर मिल जियो। तो आमो पाठर शॉर्ट को माने हे तांते पिले एमते क्वेश्चन हे परबो खाली वायर देखि शॉर्ट बहुत इंटरेस्टिंग कथा पिले आइडियल एमिटर शॉर्ट हेता क्वेश्चन एमिटर देखलो ना पिले काढ़ी दबो तार लगे दबो आंसर बारियो गारंटी मोर मु तुमको करके देखे देबे। ओके कैपेसिटर आरसी सर्किट जतले देखियो आरसी सर्किट रे दो प्रकार रो क्वेश्चन था आर टी इज इक्वल टू 0 आर टी इज इक्वल टू इनफिनिट टी इज इक्वल टू 0 बेले पिले गोटे कैपेसिटर शॉर्ट रो ही बिहेवियर देखाय मुंडे रे एटा रखी था कैपेसिटर पडला बेले 100% बतेबे। आरएल सर्किट इंडक्टर आर टी इज इक्वल टू इनफिनिट रे शॉर्ट बेले बिहेवियर देखाय त माने सेइनो तमे इंडक्टर टाकू काढी देकी खाली वायर लगे पारियो टी इज इक्वल टू 0 रे तमे कैपेसिटर काढी की खाली वायर लगे पारियो ठीक ए जिंस मुंडे रखी तो मु तमकु ठीक जागा रे बतेबे। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड पिले तमे समस्त सिखितबो जे आइडियल हा आइडियल तमे समस्त पिले प्लस 2 लेवल रे पढितबो जे जेतरो गोटे पीएन जंक्शन डायोड ता फॉरवर्ड बायस्ड से करंट को अलाउ करे रिवर्स बायस हेले करंट को अलाउ करे ने करंट को अलाउ करे तो भाई से चित्र काई की रखीबी ताको काढी देबी खाली गोटे वायर लगे देबी करंट को अलाउ करे तेनु सेठी तमको सब सिखा जिवो सब जगह रे एमिटर ता आज ही हमें देखि देबा इंडक्टर कैपेसिटर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड बिहेवियर केमती देखा एकरा सब हमें आगु आगु पढिबा एबे टिके आकु हमें एनालिसिस करबा। देखो पिले पॉइंट मन रखी थी भाव पे मुझे रेजिस्टर टाक सर्ट कर दी तुम रेजिस्टर भावनी तीन टाइम बल्ब अच्छे भाव तेज पे स्विच थी तुम स्विच ऑन कर तीन टाक बल्ब जल्दे समस्त पाखे किसी करंट जा तो समस्त जल्द एवं मुझे कौन कले ना या सर्ट कर दी पे बल्ब टा सांगे सांग बंद हो ठीक कहीं जो करेन्ट टा आसब सी तो पे एपटे प्रिफर कर फ्लो कर इंटरेस्टिंगली तुम ये काटदे पार तो मेन्टाली तुम तो यू काढ़ देख जो तो देख तुमको फिल हम जो ये भी शॉर्ट है कौन जदि मुझे मेन्टाली काढ़ी आउ फिगर को ड्र करने चेष्टा करी तेल पे फिगर टा तो एमती आस रजिस्टर तो ता जगह रहा ए रजिस्टर ता जगह रहा ए रजिस्टर टाक हटे देखिए शॉर्ट मार दे तो जिनस एमती तो मार्क कर ये भी तो शॉर्ट है ठीक अच्छे एवं या काढ़ देख ये भी शॉर्ट है सो बहुत इंपोर्टेंट कथा तुमको पचार सर्ट कले को बल्ब आउ इल्यूमिनेट हम ना पे तीन टाक बंद आम घर पे पैरेलल कॉम्बिनेशन था कौन जगह सर्ट जदि ना पे सबकि बंद हो जाए ठीक तेणु जो पे रजिस्टर पैरेलल थे जन को सर्ट कले समस्ते सर्ट हो मान है समस्त भितर करंट फ्लो बंद हो चल जदि पे गोटे एठी भाव गोटे रजिस्टर था पे ये सर्ट हो गला ये सर्ट हो जाता आउ हमें काढ़ी दबा तले पिले ये भी शॉर्ट है जीवो किंतु ये बंची जीवो ये तक बंचे दबो मार्क कर दबो नीचे जदि पिले एठी गोटे रजिस्टर लगी था तले पिले ये एमती कर था तले पिले ये शॉर्ट है गला किंतु ये बंची जाई था कारण पिले एपट रास्ता रे रेजिस्टेंस पळे आस्ता कथा बुझी पातो। ओके नेक्स्ट देखो तीनटा रजिस्टर पिले सीरीज रे अछंती एबे तमे मार्क करो तीनटा रजिस्टर पिले सीरीज रे अछंती बाबो कोनोसी गोटे रजिस्टर को मु शॉर्ट कर देली तले पिले करंट जो जीवना एमती देखिए आड़े पड़े याद रे जीवनी कौन शिखिले मैंने जदि तीन टा बल्ब जलुले जहाँ को शॉर्ट कले केवल सी शॉर्ट हम बाकी सब बंची पार्लर जड़े शॉर्ट हेल्ले समस्त शॉर्ट हमें सीरीज रे पे जड़े शॉर्ट हेल्ले जहाँ को शॉर्ट कल केवल सी ही शॉर्ट हो भाव तुम्हें ना एमती करदे था शॉर्टिंग पे ए दिटा को था ये बंची जाता मैंने करंट टा पे एपटे फ्लो कर था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रे भी क्वेश्चन पचार तो एमती गोटे चित्र कर देखिए पचार ए सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सिंपली आर थ्री कारण से पटे ही करंट फ्लो करो एम तुम काढ़ी पार तुमको एमती दे देखिए पचार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पे करंट एमती जा स्टार्ट कर आर टू प्लस आर थ्री ए छोटा कथ मन रखी थी आउ मेन मन रखार अच्छे सर्किट रे एटा एमिटर जो कहे आइडियल एमिटर क्या कह सर्किट रे जब भी तुम ए जिनस देख 100% एम को काढ़ सर्किट रू काढ़ी दबो तो बहुत इजी देखा एम को काढ़ बदले खाली गोटे वायर लगे कि करंट आउ वोल्टेज वाला मेथड पके करंट बाहर करो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करो नो टेंशन जो पे तुम से एमिटर पीएन जंक्शन डायोड को देखुव ना पे तुम कन्फ्यूज हो पे पाठ एमती बतेबी जो सर्किट रे जहाँ भी भर्ती करो समस्त काढ़ फोपाड़ी दिव खाली रजिस्टर और बैटरी को रख सर्किट सल्व हम काढ़ फोपाड़ी कौन कर जदि शॉर्ट देख लगे काढ़ फोपाड़ दे खाली वायर लगे दबो जदि ओपन देख लगे देखिए आम ओपन जिनसा कौन होता है। ओके नाउ यू सी ओपन माने पे गोटे जगह छिड़े आम कौन गोटे जगह छिड़े आदि पे कौन गोटे जगह को छिड़े दूचे करंट फ्लो करनी पे करंट फ्लो नकला तो मैंने रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा रेजिस्टेंस पे इनफिनिट है तुम आगुरी कही पे रेजिस्टेंस इनफिनिट माने नुहे करंट फ्लो करनी कंडक्टर केस रेजिस्टेंस इनफिनिट है माने करंट फ्लो कर
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ବତେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଥିରେ ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ୟା କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ୱେୟାର ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ୟା କେସ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଅଛି ତା ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁନି ଠିକ୍ ଓପନ୍ ମାନେ ହେଇଥାଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଫାନାଇଟ୍ ତାହେଲେ ମାର୍କ କରିବ ଭାବ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସ୍ନାପ୍ କରିଦେଲି କାଟିଦେଲି ତ କାଟିଦେଲି ମାନେ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଛିଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ମାରିଦେଲେ ଓପନ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ଓପନ୍ କଥା କୁହାଯିବ ନା ସେଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ତ ଆମ ପାଟରେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଓପନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ବହୁତ ଚାରିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଯୋଉଠି ଦେଖିବ କୋଉ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଭାଇ ଆଇଡଲ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଆଇଡଲ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଫାନାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ ତା ମାନେ କଣ ଯୋଉଠି ବି ତମକୁ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଆଇଡଲ କୁହାଇଥିବ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ ଦବ ବାସ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚଟାକୁ ସେମିତି ମେଲା କରି ରଖିଦବ ଆମିଟର ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆମିଟର ଲେଖାଟା ଫୋପାଡ଼ ଦବ ତାର ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିଦବ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଯଦି ଥାନ୍ତା ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଫୋପାଡ଼ ଦବ ସେମିତି ଓପନ୍ କରିକି ରଖିଦବ ଠିକ ଅଛି କଥା ବାର୍ତ୍ତା କାପାସିଟର ଆର୍ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ସର୍ଟ ହେଇଥାଏ କାପାସିଟର ଆର୍ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଥାଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ସର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ପିଲେ ଓପନ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ଡ ପିଏନ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ଡାଇଓଡ୍ ତମର ପିଲେ ପାଠ ମନ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ପିଏନ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ଡାଇଓଡ୍ଟା ରିଭର୍ସ ବାୟାସ୍ ହେଇଥାଏ ସେ କରେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରେ ହିଁ ନାହିଁ ତମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନଫାନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଭାଇ ଯଦି ଆଲାଉ କରୁନି ସେଟାକୁ ରଖିକି କଣ କରୁଛ ତାକୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ ଦିଅ ସେମିତି ମେଲା କରି ରଖିଦିଅ ଅସୁବିଧା କଣ ୟାଦରେ ବି ତ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁନି ତ ମେଲା କରିଦେଲ ଓପନ୍ ମାନେ ସେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିଲ ଯୋଉମାନେ ଓପନ୍ ର ବିହେଭିୟର ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ ଦବ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ କାଢିଲ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦବ ମେଲା କରିକି ରଖିଦବ କିଛି ଜଏନ୍ କରିବନି ସର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ ଦବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାୟାର ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ କରିଦବ ଅଫ୍ ଜିରୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓପନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ ଦବ ସେମିତି ମେଲା କରିକି ରଖିବ ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଗକୁ ୟୁଜ୍ ହବାର ଅଛି ସିରିୟସଲି ନବ ଏବେ ଦେଖ ଭାବ ମୁଁ ସିରିଜରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପିଲେ ଏଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ମାରିଦେଲି ଦେଖ ପିଲା ଆଉ କୋଉଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବନି କାରଣ ସର୍କିଟ ପୁରା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା କଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ତିନିଟା ରେଜିଷ୍ଟର ସିରିଜରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଯଦି ଓପନ୍ କଲ ନା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ସର୍ଟ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସର୍ଟ କରିବ କେବଳ ତା ଦେହରେ ଯିବନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଉଥିବ ସିରିଜରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରିଦବ ପିଲେ କାହା ଭିତରେ ବି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଭାବ ମୁଁ ଏଠି ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲି ତାହେଲେ ପିଲେ କଣ ୟା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବନି କରିବ ଠିକ ନା ୟା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବନି ପାର୍ଲାଲରେ ଜଣକୁ ସର୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ପାର୍ଲାଲରେ ଯଦି ତମେ ଜଣକୁ ଓପନ୍ କଲ କେବଳ ତା ଭିତରେ ହିଁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ହବ ବାକି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଥିବ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ ବତେଲି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟାକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ସର୍କିଟର ଯେ ଯଦି ସର୍କିଟ ଭିତରେ ଆମିଟର ଆଉ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ପଶିଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ହେଲା ରୋଲ ଅଫ୍ ଆମିଟର ଦେଖ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମିଟର ଆଉ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରିଦଉଛି ପିଲେ ଆମିଟର କାହାର କରେଣ୍ଟ ମାପେନି ଆମିଟର ନିଜ କରେଣ୍ଟ ମାପେ ତ ଯୋଉଠି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେପଟେ ଦେଇକି କରେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଯାଉଥିବ ଆମିଟର ରିଡିଂ ସେ ହବ ବହୁତ ପିଲା ଉଲ୍ଟା ଭାବନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ଲେବୁଲରୁ ହିଁ ଟେନ୍ଥ ଲେବୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖାଯାଏ ପିଲେ ଆମିଟର ସିରିଜରେ ଲାଗେ ଭାବ ଆମିଟର ଏମିତି ପାର୍ଲାଲି ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ପଚାରିବ ଆମିଟରରେ ରିଡିଂ କେତେ ପିଲା ଟ୍ରାପ୍ ପିଲେ ଆମିଟର ସିରିଜରେ ବି ଲାଗିପାରିବ ଭୁଲରେ ପାରାଲାଲି ବି ଲଗେଇ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତମକୁ ପଚାର ଆମିଟର ରିଡିଂ କେତେ ତ ଆଗତ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ ଯଦି ତମେ ଭାବିବ ଯେ ଆମିଟର କାହାର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ମାପୁଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ତମେ ଆମିଟରକୁ ସିରିଜରେ ଲଗେଇବ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଭୁଲ ଆମିଟର କାହାର କରେଣ୍ଟ ମାପେନି ଆମିଟର ନିଜର କରେଣ୍ଟ ମାପେ ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଇ ଯୋଉଠି ରଖ ଯଦି ତା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ମାପିବ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରିବନି ତାହେଲେ ସେ ମାପିବନି ସିମ୍ପଲ କଥା ହେଇଗଲା ଆମର ଠିକ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ଆମିଟର କାହାର କରେଣ୍ଟ ମାପେନି ନିଜ କରେଣ୍ଟ ମାପେ ସିମିଲାରଲି ଭୋଲ୍ଟମିଟର କାହାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମାପେନି ଭୋଲ୍ଟମିଟର ନିଜର ବି ଲେଖିକି ଦିଟା ଏଣ୍ଡ ଥାଏ ନା ଭୋଲ୍ଟମିଟର ନିଜର ଦିଟା ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମାପେ ତେଣୁ ଭୋଲ୍ଟମିଟରକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ପାରାଲାଲି ଲଗାଯାଏ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ପିଲେ ଭୋଲ୍ଟମିଟରକୁ ତମେ ସିରିଜରେ ବି ଲଗେଇକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯୋଉଠି ଫେମସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୁଚିକି ଥାଏ ବାଏ ଏରର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଏ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଇନ୍ ସିରିଜ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରିଡିଂ ତ ପିଲା ଭାବିବ ବୋଧେ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ପୋଡ଼ିଯିବ ଜଳିଯିବ କିଛି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହବନି ସମସ୍ତେ ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିଥିବେ ରିଡିଂ ପଚାରିବ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଥିବ ଆନ୍ସର ବି ବାହାରିବ ମେଥଡ ବତଉଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଲଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ପିଲା ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆମେ ଆମିଟରକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମିଟର ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ମନେକର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମିଟର ଦେଖିବା ଗୋଟେ କହିବ ପିଲା ଆଇଡଲ ଆମିଟର ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବ ସେଟା ସର୍ଟ ସର୍ଟ ମାନେ ଆମିଟର ଲେଖାଟାକୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ ଦବ ତାର ଲଗେଇଦବ ବାକି ସଲ୍ଭ କରିବାର ମେଥଡ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମିଟର ଦବ ଯୋଉଟା ପିଲେ ରିଅଲ ଆମିଟର ହେଇଥାଏ ନା ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ମଲ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଦବ ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମିଟର ନେଇକି 1 ohm ଲେଖିଦେଇଛି ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମିଟରଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 1 ohm ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲେ ସେ ଏ ଲେଖାଟାକୁ କାଢ
1 ओम टा सेठी थोई दियो तले पिले तो केवल रेजिस्टर और बैटरी रे लाओ हमें सॉल्व करया रो मेथड सिखिचे सरीला कथा वार्ता एमिटर निजो करंट मापे एमिटर सीरीज रे लगा जाय परो पैरेलली लगा जाय परो एमिटर आइडल हितबो रियल भी हितबो जदि आइडल हैला रेजिस्टेंस 0 एमिटर टा को काढी दबो ता जगह रे तार लगा दबो शॉर्ट रो बिहेवियर देखाय जदि रियल हैला ता रेजिस्टेंस टा को रखिबो ए लेखा टा को काढी दबो आ से रेजिस्टर रे करंट बाहर करबो जो करंट बाहरबो सेटा ही एमिटर रो रीडिंग हबो तीनटा एग्जांपल दिछि जोटा कि तमो पाठ को क्लियर कर दबो एबे देखो एटा पिले 3 ओम दिछि चला गोटे सीरीज रु देखि दबा एटा पिले 3 ओम दिछि एटा 2 ओम दिछि आ एटी पिले गोटे 1 ओम रो 1 ओम माने कोन हेगला चलो गोटे काम कर छी मु नीचे आगो गोटे क्वेश्चन बनाई दउ छी एटा पिले 3 ओम अछि एटा 2 ओम अछि आ एमिटर सीरीज रे लागि छी आ किछि लेखिनि त माने एटा पिले आइडल एमिटर हेगला आइडल एमिटर हेगला आ हमहु को पचारला ए एमिटर रो रीडिंग केते बाहर करो बहुत सिंपल कथा अछि एटा पिले 20 वोल्ट रो सेल लागितला ए रेजिस्टर रो वैल्यू टा आसीला पिले 3 ओम ए रेजिस्टर रो वैल्यू आसीला 2 ओम आ जेतु पिले एटा आइडल अछि तो सॉल्व करर मेथड कोन कहला जेतु एटा आइडल अछि पिले तो आगो तमे हटाओ तव हटेला पर कोन करिवा ना सी जदी कहला आइडियल सिंपली तार द्वारा जॉइन कर दियो माने शॉर्ट रो व्यू एबे तो तमे आराम से कह दो सिंगल लूप अछि नेट ईएमएफ रो वैल्यू केता आसी गला 20 वोल्ट सीरीज रे अछि नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू 5 ओम नेट करंट रो वैल्यू 4 एंपियर या भीतर केते 4 एंपियर या भीतर केते 4 एंपियर एपड देखी केते जाउ छी 4 एंपियर 8 एमीटर थिला मुंड रे भर्ती करतिबो त एमीटर रीडिंग केते आसी 4 एंपियर प्रॉब्लम सॉल्व किछ डिफिकल्ट नै नेक्स्ट क्वेश्चन एबे सही सीरीज रे लगेली किंतु रियल कर देली आ तार रेजिस्टेंस 1 ओम दे छी प्ले याटरू भी कम देता मते तो मु बुझवार अछि बोली मु 1 ओम गोटे मिनिमम वैल्यू नै छी किछि अड़बड़े बने प्ले ए लेखाटा काढ़ी दियो 1 ओम थोई दियो तले प्ले हमहु को जो सर्किटटा देखा जइबो प्ले तमहु को एग्जाम हॉल रे आउतरे रीड्रॉ करिया पे टाइम नथियो तमहु सेठी सेठी भाबिया को पड़िबो मु एबे करू छी तमे प्रैक्टिस करो बहुत तो तमहु सेठी सेठी ही जिंस होई जइबो तले प्ले एटा 3 ओम हे गेला एटा 2 ओम हे गेला एमीटर लेखाटा को काढ़ी देली 1 ओम टाकु रखी की पळे आसीली आउ 20 वोल्ट एटा पिले 3 ओम एटा 2 ओम एटा 1 ओम सर्किट रो नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू 6 ओम आसी गला नेट ईएमएफ रो वैल्यू 20 वोल्ट आसी गला तले करंट रो वैल्यू आसी गला पिले 20/6 जोटा को पिले मु 10/3 कोबी जोटा की या भीतर भी फ्लो करिवो या भीतर भी फ्लो करिवो या भीतर भी फ्लो करिवो ए डायमीटर टा एमीटर रो रीडिंग केते 10/3 एंपियर प्रॉब्लम सॉल्व डोंट बी कंफ्यूज्ड एबे देखो मन देखी देखिवो दीटा सिचुएशन दीचि गोटे आइडल गोटे रियल आउ एमिटर को पैरेलली लगे दीचि क्वेश्चन से पचारीबो जे गोटे पिला भूल रे एमिटर टा को पैरेलली लगाई देला फाइंड रीडिंग इन द एमिटर बिल्कुल कंफ्यूजन हो बने कांसेप्ट को स्टिक करिवो आंसर बारे भाई एटा को प्रकार एमिटर अछि आइडियल आइडल एमिटर को बिहेवियर देखाय शॉर्ट रो तले एमिटर लेखा काडो शॉर्ट मारो ताको देखो कोन होबो सो जदी एटा पिले 3 ओम हे गेला आउ जदी एटा पिले 2 ओम हे गेला आउ सेल रो ईएमएफ दे दे छी पिले तमकु 20 वोल्ट आउ एमिटर आइडल वाला ए जगह रे लगेई थिला भूल रे से ए लेखाटा को मुंडरो काडो एटी पिले सिंपली गोटे वायर कनेक्ट कर दियो तले शॉर्ट हे गला और शॉर्ट रो फंडा कोन जा को शॉर्ट कराई छी सेति की पार्ट ता तमे काढ़ी की पुपाड़ दी तल पिले नेट ईएमएफ रो वैल्यू 20 वोल्ट अछि नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू पिले 2 ओम आसी गला तले ए ब्रांच रे करंट रो वैल्यू केता आसी गला 10 एंपियर जो 10 एंपियर की पिले एमिति दे की पास करे आ जतो से एमिति दे की पास करिवो एटी तो पिले हम एमिटर टा थिला एमिटर रे रीडिंग केते 10 एंपियर सॉल्व तो पैरेलल सीरीज संगे किछि रिलेशन नै ठीक एबे देखो एटा ठीक से मार्क करिवो कोन कोले एबे देखो नेक्स्ट तरफ जो क्वेश्चन पचली नाउ दिस इज अ रियल एमिटर से पई यार गोटे रेजिस्टेंस दे दे छि पिले 1 ओम किछि और पड़े बनी ए काडो त रेजिस्टर टा को थोई दे की पळे आसे देखो हबो कोन तल पिले आमे कहबा एटा पिले 3 ओम आउ एटा आसीला पिले हमरो 2 ओम आउ एटी पिले गोटे रेजिस्टर अछि जारो रेजिस्टेंस रो वैल्यू 1 ओम डोंट थिंक ऑफ ए भी एगरो सब किछि भाबियोनि समस्त को मु गोटे जगह नै आसी टेंशन नै होने बस तमको प्रैक्टिस करार अछि एग्जाम हॉल रे जेकि उड़े देबार अछि नीचे उड़ीबार नै आउ एटा आसीला पिले 1 ओम आउ एटा आसीला पिले तमरो 20 वोल्ट सिंपल कथा भाई कोन सिखैथिली देखो खाली रेजिस्टर अछि गोटे बैटरी अछि भाई डिवाइडर रूल तुमको हेल्प करार अछि ठीक तो तापे आगो तमे नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दियो नाउ दिस टू आर इन पैरेलल तो R1 R2 / R1 + R2 तले यार वैल्यू आसी गला 3/4 जोटा कि पिले 2 ओम संगे सीरीज रे अछि तले 3/4 + 2 एटा 8 11/4 आसी गला पिले नेट रेजिस्टेंस ता और नेट ईएमएफ रो वैल्यू केते अछि ना 20 वोल्ट तले बैटरी रो करंट केते जाउतबो तले दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 11/4 तले नेट करंट रो वैल्यू ता आसी गला 80/11
ता माने बैटरी रु जो करंट ता बाहरिबो दैट बिकम्स 80/11 आउ 80/11 आसीला पर पले स्प्लिट हेजो एई जगह एमीटर थिला मुंडर रखी तो हमें याद रे करंट केते फ्लो करछ जदि बाहर कर दो तले पले एमीटर रीडिंग आछो तो करंट केते आछ पले 80/11 जोटा कि पले स्प्लिट हो देखो मु तो मु बते दे आर1 बाबा आर2 बाबा जदि पचला आर1 रे करंट केते तले पले उल्टा रु कैलकुलेशन हो आर2 रु प्रॉब्लम सॉल्व तले पले हमें लिखिबा R2 ता जगह लिखी देले पहले 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ता जगह लिखी देले 4 इनटू नेट करंट जोटा कि ऑलरेडी बाहर से आछी दैट इज 80/11 4 के आंसर आउट एगले ता पहले 20 आसी गला तले या भीतर करंट रो वैल्यू ता आसी गला पहले 60/11 एंपियर एंड हियर इज द एमीटर 18 थिला तो एमीटर भीतर करंट रो वैल्यू केते गला 60/11 एंपियर सो एमीटर रीडिंग पचर थिला आंसर बार गला 60/11 आई थिंक की आईडिया क्लियर हो जाई थियो इतनीटा एग्जांपल रु बारंबार देखिबो ओके एबे देखिबा पहिले गेम वोल्ट मीटर केम दिखले चलो एबे हमें रोल ऑफ वोल्ट मीटर देखियो फर्स्ट कथा वोल्ट मीटर रो बिहेवियर पहिले ओपन रहिते जदि सेटा आइडल हेतियो ठीक सेकंड कथा वोल्टमीटर पिले कारो पोटेंशियल डिफरेंस मापे नि वोल्टमीटर निजरो दीटा एंड भीतर पोटेंशियल डिफरेंस मापे तमे कोन करियो जदी पिले आइडियल देखिलो पूरा वोल्टमीटर टाकू काढी दबो पूरा एकत्र डायरेक्ट काढी दबो आ वोल्टमीटर दीटा एंड किंतु मन रखितिबो करंट बाहर करिवो थेवेनिन पके कि वोल्टेज डिवाइडर रूल पके कि से दीटा पॉइंट रो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करो दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर जदी रियल दला रियल वोल्टमीटर पिले रेजिस्टेंस थाए टिके हाई थाए मु बेसी नहीं नहीं 10 ओम नहीं छे किंतु तुमको बेले बेले पले किलो ओम भी दे दे पारेबो ठीक अछि ना तो जेते तो समत्या देला पले ता रेजिस्टर टाकू थोई देकी पळे आसो वी लेखाटा काढी दियो सेही रेजिस्टर रो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर कर दियो सेटा ही वोल्टमीटर रीडिंग हो बस कथा है ठीक ठीक सॉल्व कले ही जिंसोटा क्लियर हो हैला एबे देखो एटी पले गोटे वोल्टमीटर लागि छि पैरेलल ले वोल्टमीटर जनरली पिलांगु सिखा छै पैरेलल ले लागे मु जानि सुनु कि सीरीज भी कर छी जानि सुनु सीरीज भी कर छी तो देखो से क्वेश्चन को सॉल्व केमती कर तो फर्स्ट क्वेश्चन ना देखिबा किछि देनी माने पले एटा आइडल वोल्टमीटर एकला स्ट्रेट ताकू छिड़े दियो तो छिड़े देले तो आउ तो किछि रहलाई नै त माने तम मुंड रे चालिबो एटा पिले 3 ओम ठीक एटा पिले 2 ओम ठीक आ तमे ताकू छिड़े देलो किंतु बस को दिटा एंड रे लागि छि सेटा भूलिबोनी ए दिटा एंड रे लागि छि एई एंड रे वोल्टमीटर एमती लागि छि ठीक तापरे 20 वोल्ट लिखि देलो पिले से जो पन जे ए आउ भी तुमको देखा हो तो ना तुम कंफ्यूज हो तो हटाओ तो ए हटाओ तारो लगाओ वी हटाओ हटे ही दियो एतरे तो एटी पिले 20 वोल्ट रो सेल वोल्ट लागि छे एबे कोन करिया पिले पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करे पे बारंबार कहि छी करंट बाहर करिबा को तले पिले नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू 5 आसी गला ईएमएफ रो वैल्यू 20 आसी गला तले पिले जो करंट आ फ्लो करतो सेटा पिले 4 एंपियर रो करंट फ्लो करतो एमते 4 एंपियर ठीक एबे देखो मते ए दिटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करछ कारण वोल्टमीटर तो ए दिटा पॉइंट भीतर लागितला त माने मु जदी से दिटा पॉइंट रो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करछ त माने मु वोल्टमीटर रो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करछ ठीक बाय चांस सेटअप यार भी तो पोटेंशियल डिफरेंस तले ए दिटा यार रेजिस्टेंस 2 ओम करंट जाउछ 4 एंपियर तले यार पोटेंशियल ए दिटा एंड भीतर पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीला 8 वोल्ट जोटा कि यार भी हबो आ वोल्टमीटर भी हबो कारण पैरेलल थिले पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही थाए तले पले वोल्टमीटर रीडिंग केते 8 वोल्ट प्रॉब्लम सॉल्व काम खत्म आउ एटा पिले गोटे पूरा पढिला बळिया क्वेश्चन कहि कि पिला याद रे कंफ्यूज होंती तणु ए सेकंड क्वेश्चन टा बहुत भलो कि मार्क करियो देख पिला को सिखा जाए जे भाई वोल्टमीटर अछि आइडल दी छि एटा छिड़े दे फुपाड़ देला करंट नाही बिल्कुल कारण देखो एबे सर्किट टा केमती देखा जो सर्किट टा तो पिले एमती देखा जो करंट नाही बिल्कुल कारण मु से जगह टा छिड़े कि फुपाड़ देली ओपन कर देली ताको करंट तो बिल्कुल नाही पिला को पचालो वोल्टमीटर रीडिंग केते पिला डायरेक्ट लेके जीरो पिला एमीटर रीडिंग केते सेटा जीरो वोल्टमीटर रीडिंग जीरो न होय पिला कारण वोल्टमीटर रा दीटा को एंड हैला एटा ओ एटा हमकु ए दीटा एंड भितरे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करियार अछि पिले तमे त हटे देला करंट नाही त माने पिले रेजिस्टर रे पोटेंशियल डिफरेंस नाही किंतु बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस थिबो ना तेनु मते ए दीटा पॉइंट रो पोटेंशियल डिफरेंस बार करय अछि तले पिले ए रु बार कि बी रे पहुंचो थेवेनिन पकाओ तले ए रु बाहर ली तो वीए लिखिली रास्ता रे रजिस्टर देखिली करंट तो नहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तापर एठी के आसीले -20 लिखिली तापर पुनी एमिति कले करंट भी नहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं इज इक्वल टू वी भी लिखि देले तले पिले ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू तमरा आसीगला पिले 20 वोल्ट आ जोटा ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस हेतबो सेटा ही वोल्टमीटर रीडिंग हेतबो इंटरेस्टिंगली आंसर वारला 20 वोल्ट
एटा निहाती मुंड रखिब पडिला बलिया क्वेश्चन एटा पिला याद रे संगाति कंफ्यूज होंती हाफ मिनिट रे किंतु आंसर बाहर नेक्स्ट कांसेप्ट आमे देखिबा नेक्स्ट कांसेप्ट रे एतरक मु रियल वोल्टमीटर नै छि रेजिस्टेंस ओटे दे दे छि हड़बड़ेर नै किछि आउ पचाची आधार रीडिंग के तब आ तको जानि छुनी सीरीज रे भी लगे दे छि हला तो कि जने तको हटे दियो पिला को तो हटे दे कि तमे ओटे काम करो आगो रेजिस्टेंस टकु रखि दे कि पळे आस रेजिस्टेंस टकु रखि दे कि पळे आस सो एटा पिले तमोर 20 वोल्ट आसी गला एटा पिले तमोर 3 ओम आसी गला एटा पिले तमोर 2 ओम आसी गला या रेजिस्टेंस टा तुमको 10 ओम दे सरला भाई पटक खत्म अब वोल्टमीटर एटा माने ए दिटा एंड भीतर त माने तार रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस टा मार्क कर सरला खत्म 10 2 3 तो नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू पिले 15 आसी गला तले करंट रो वैल्यू टा आसी गला पिले 20 डिवाइडेड बाय 15 जोटा को पिले मु 4/3 एंपियर बोली कह परबी जोटा की या भीतर पिले एमितिया फ्लो करतो 4/3 तले ए दिटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस केते सॉल्व 40/3 तो वोल्टमीटर रीडिंग केते आसीबो 40/3 फिनिश तो वोल्टमीटर को भी देखि के संभालिबो एमीटर को भी देखि संभालो नेक्स्ट गेम लास्ट गेम जोटा खेले सेटा के खेले नेक्स्ट स्लाइड रे हमें देखिबा सेटा को नेक्स्ट कांसेप्ट वाइज जदी हमें देखिबा तले पिले नेक्स्ट दिन से हमहु जोटा बुझिबार अछि सेटा ला पिले सेल ठीक तो सेल विषय रे अगर टिके किछटा बतौ छी तापर आगु जो सेल हेता कोन ना जतले पिले हमें सेल कंसीडर करू मन देखि छुनी एटा पिले इनिशियली जा कोची सेटा पिले केमिस्ट्री रो पाटोटा तमे समस्त टिके टिके आइडिया भी थिबो तम मानकर जे भाबो पिले हमें कोनोसी गोटे कंटेनर रे पिले छोटो कंटेनर रे पिले हमें इलेक्ट्रोलाइट नै छे ठीक मन देखि देखिबो तो जतले पिले हमें इलेक्ट्रोलाइट नउ छे आ या भीतर हमें दीटा इलेक्ट्रोड को डिप कर छे दीटा इलेक्ट्रोड को सेल भीतर जतले हमें डिप कर छे तो पिले किस्टा केमिकल रिएक्शन हेता जोतर को जणकर इलेक्ट्रॉन लॉस है कि आ जो पकर इलेक्ट्रॉन नो डिपोजिशन है जोटा पिले इलेक्ट्रॉन नो लॉस हबो सेटा पिले हाई पोटेंशियल डेवलप करबो पॉजिटिव माने पॉजिटिव पोटेंशियल नो पॉजिटिव माने हाई पोटेंशियल हेता आ जा पकर पिले इलेक्ट्रॉन नो कंसंट्रेशन बढी जबो सेटा को हमें पिले लो पोटेंशियल बोली कहो ताले यांको भीतर जो पोटेंशियल रो डिफरेंस रहबो बस एटा पिले केमिस्ट्री जिंस हेता फिजिक्स रे एई जिंसटा को हमें एमिति इंडिकेट करिथाउ ठीक अछे ताले सेते बले ए दीटा इलेक्ट्रोड भीतर जो पोटेंशियल रो डिफरेंस टा रहबो दैट इज नोन एज योर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस टा को हमें ईएमएफ बोलिंगो तो पूरा सर्किट पाठन पिले पोटेंशियल डिफरेंस को ही नै कि हेता v q c v ir हां v ldidt इस पूरा सर्किट पाठ पिले v को ही नै कि हेता v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस हां तो ए दीटा को भीतर जो पोटेंशियल डिफरेंस टा रहबो दैट इज अदरवाइज नोन एज योर ईएमएफ ताकु ईएमएफ बोली कहा जाए एबे देखो आउ जतल मु ए जिंसटा कहू छी एटा पिले गोटे आइडियल सेल को इंडिकेट करू छी एटा गोटे आइडियल सेल को इंडिकेट करू छी हैला रियल सेल भी था पिले रियल सेल ले हुए कोन ना एक्चुअली जतल पिले एटा हाई पोटेंशियल एटा लो पोटेंशियल आउ याको हमें कोन करे ना गोटे रेजिस्टर द्वारा कनेक्ट कर दबा तल पिले ए पोटेंशियल डिफरेंस टा पिले एठी डेवलप होई जिवो जापर की चार्ज रो फ्लो टा हवा स्टार्ट करिवो मन देखि छन तो चार्ज पिले फ्लो हाई रु लो पॉजिटिव चार्ज तो निजे निजे पळेगो किंतु लो रो हाय को तो से जाय परिबो ना ठीक अछि ना सेत पे पिले बैटरी कोन करे ना निजर एनर्जी को वेस्ट करे आ से एनर्जी दिए पॉजिटिव चार्ज को जा पर कि से लो रो हाय को जाय सेत पे पिले बैटरी रो एनर्जी सरु था किंतु आमे आमो सिलेबस रो जो बैटरी टा अछि तार ईएमएफ टा को पिले आमे कांस्टेंट बोली भाबु छे किंतु रियली आमे जतले बैटरी टा यूज करू किस दिन पर बैटरी नष्ट हो जाय ता माने तार एनर्जी सरी जाय ठीक छाडो तो जतले पिले एनर्जी को यूज करे कि से पॉजिटिव चार्ज टा को लो पोटेंशियल रो हाई पोटेंशियल को नै थाए से पॉजिटिव चार्ज गला बेले ना पिले से इलेक्ट्रोलाइट संगर भी तारो कोलिजन है था तो कोलिजन माने तो पिले रेजिस्टेंस बुझाए तो सेत पई ए इलेक्ट्रोलाइट भीतर चार्ज जत बले मूव करची जो कोलिजन टा है था सेटा पिले इंटरनल रेजिस्टेंस बोली कहा जाए आइडियल सेल विषय रे कथा वार्ता हले हमें इंटरनल रेजिस्टेंस टा को नेग्लेक्ट करथो बेले बेले तमे देखिबो क्वेश्चन रे एमितिया देकी चित्र कर देइथिबो आउ लिखि देइथिबो एटा हला सेल ता माने एटा सेल रो ईएमएफ टा आउ एटा से सेल रो इंटरनल रेजिस्टेंस टा बेले बेले या न करी कि से एमितिया नले लेखि ही दबो जे 10 वोल्ट 2 ओम ता माने तमे मेंटली भाबियो यार ईएमएफ 10 वोल्ट किंतु यार इंटरनल रेजिस्टेंस टा 2 सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट अ बिग थिंग बस मन रखि तो एटा भी गोटे अलगा टाइप रो रेजिस्टेंस ही हेता तो जतो भी इंटरनल रेजिस्टेंस देथिबो बेटर हैला तमे से रजिस्टर टकु बाहर देखो तमो इच्छा एपर देखो सेपर देखो ता संगरे कोनो से प्रकार रोल नाही क्लियर अछि कथा वार्ता एबे सुनिबो
जदि पिले एटा गोटे सेल हो गला मुनेची आइडियल सेल तले सेतबे तार दुटा टर्मिनल भीतर जो पोटेंशियल डिफरेंस टा थिबो ताकू पिले ईएमएफ बोली कुआ जाए। किंतु जदि पिले सर्किट टा तुमको एम्प्टी देछि, एम्प्टी रो मीनिंग टा तुम बुझिबो, ता माने टा हला ओपन सर्किट, माने बैटरी टा खाली थुआ है। तो बैटरी जदि थुआला रेजिस्टर तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस होबोनी, कारण ता इंटरनल रेजिस्टेंस रे तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस होबोनी, कारण पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड इफ देयर इज अ करंट। किंतु मु ओपन रखले सही दिन भी पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू टा कोन आसीबो ना ईएमएफ संगरे सेम ही हेतिबो, दो इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर बट एज इट इज ओपन सो इट विल नॉट प्ले एनी रोल। बट इंटरनल रेजिस्टेंस गेम से दिन खेलिबा स्टार्ट करिवो जो दिन आमे सेल टाकु गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टर संगरे कनेक्ट करिवो, तल पिले याद रे करंट फ्लो करिवा स्टार्ट करिवो, तले सेल रो पोटेंशियल डिफरेंस कहिले ली ईएमएफ बुझेबोनी, इंटरनल रेजिस्टेंस रो पोटेंशियल डिफरेंस आउ सेल रो ईएमएफ मिसी की नेट पोटेंशियल डिफरेंस हबो, जोटा को आमे टीपीडी बा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोली कहितो। व्हाट इज टीपीडी ऑफ एन आइडल सेल, सिंपल ईएमएफ। व्हाट इज टीपीडी ऑफ ए सेल, ऑफ ए रियल सेल बट ओपन, एबे भी ईएमएफ। किंतु जतले पिले टीपीडी पचारिबो अलगा लोड संगरे लगे की तले से तबे सेटा बैटरी रो ईएमएफ आउ रजिस्टर रो पोटेंशियल डिफरेंस रो कॉम्बिनेशन हेतु एटा मुंडर रखिथिबो। एबे आमे जिबा आम पाठ भितर को मार्क करो। तो जेतबे पिले एटु मार्क कर परथो पिले एटा ओटा रियल सेल देखाई छि किंतु एटा पिले ओपन अछि चारियाटे, तले पिले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू केते हो ना केवल ता ईएमएफ संगरे सेम हेबो। ओके भाबो कोनसे ऊपर करंट फ्लो कला, एटा ओपन अछि कोनसे ऊपर करंट फ्लो कला, तो बहुत पिलां को मुंडरे थाए जे पिले सेल रु खाली करंट बाहर, बिल्कुल न पिले सेल को करंट आसी भी परियो। सेल रु जेतबे करंट बाहर है ताकु पिले सेल इन डिस्चार्जिंग मोड बोली कहा जाए, डिस्चार्जिंग मोड बोली कहा जाए। सेल को जदि करंट आसीला ताले पिले ताकु चार्जिंग मोड बोली कहा जाए, और सेल को करंट सेतबेले आसीबो जेतबेले याठारु अधिका ईएमएफ वाला गोटे सेल या संगरे कनेक्ट हेकी थी, ताले याठारु जदि अधिका ईएमएफ हेगला ताले तादरु करंट बारिबो किंतु या भितर को करंट एंट्री करिवो, ताले सेतबेले पिले सेल ताकु चार्जिंग मोड रे अछि बोली कहा जाए। कथा बुझियाला, आमे मोबाइल रे कथा वार्ता होचे, मोबाइल रो गोटे सेल अछि, ताले पिले जेतबेले कथा वार्ता होचे सेल इज इन डिस्चार्जिंग मोड, किंतु जेतबेले पिले चार्ज सरी जाउचे आमे ताकु कोन करचे गोटे चार्जर द्वारा कनेक्ट करचे। सोर्स रो ईएमएफ ए सेल रो ईएमएफ थारु बेसी अछि, तनु सेदिन पिले सोर्स पाकुरु ए सेल पाकु को करंट आसीबो, ताले सेतबेले तमे देखियो मोबाइल रे लेखा होचे चार्जिंग 10% 15%, ताले सेतबेले चार्जिंग मोड रे थिबो। बहुत इंपोर्टेंट कथा होची, सेल जतबे पिले डिस्चार्जिंग मोड रे थिबो माने तादरु करंट बाहर थो, एठी कोन थिला ओपन, तनु तो करंट बारिबो ही ने, किंतु एटा क्लोज अछि तो एगडा को मु देखो ने एठी किछि भी लागि पार, किंतु जदि करंट बाहर ला यादरु तले हम कहबा सेल डिस्चार्जिंग मोड रे अछि, तले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू ई माइनस आईआर हे जीवो, तमे एठी अति के भीतर थेवेनिन पुट करि पारिबो। ठीक, आ जतबे पिले सेल पाकु करंट आस्तुबो तले पिले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू ई प्लस आईआर हे जीवो। बहुत इंपोर्टेंट कथा मुंडर एटा रखिथिबो। नेक्स्ट कांसेप्ट सेल रो केटा कांसेप्ट अछि जोटा कि पिले सर्किट सॉल्व करया पे हमकु इजी करतो, से पे तरो टिके सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लिखि दो। सेल जतो पिले सीरीज रे थाए एगडा देखो पिले एटा गोटे गोटे सेल गोडा को सब E1 तार इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एमते हे गिथि। आ तमे देखो पिले डिफरेंट पोलैरिटीज टुगेदर यार पॉजिटिव या नेगेटिव संगे या पॉजिटिव या नेगेटिव संगे तले एटा पिले सीरीज कनेक्शन हे दिबो, तले पूरा ए जिंसटा को हम एमते कर परिबा जोटि कि पिले एते सेल को गोटे सेल देखे परे जो ईएमएफ रो वैल्यू हो E1 + E2 + डॉटेड आउ इट इंटरनल रेजिस्टेंस वडा को सीरीज रे अछन त नेट इंटरनल रेजिस्टेंस टा R1 + R2 + डॉटेड हे गला, आ ताकु पिले गोटे एक्सटर्नल लोड संगे लगाई छि तले पिले ब्रांच रो नेट रेजिस्टेंस कहले R + R1 + R2 + R3 जोटा कि मु R + R बोली लिखि दै छि, तले पिले सर्किट रे करंट रो वैल्यू टा आजिवो नेट ईएमएफ बार छि, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बार छि, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जानि छि, तले करंट रो वैल्यू आजिवो E / R + R। बहुत इंपोर्टेंट कथा गोटे सुनबे याद रे, जदि ए सबु सेल गोटा को पिले सेम ही था माने ईएमएफ भी सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, ऑब्वियसली एटा पिले एनी हे जाई था, और ए जो वैल्यू टा छ एटा पिले एनआर हे जाई था, तले करंट रो वैल्यू आस्तान था एनी बाय एनआर प्लस आर। क्लियर, ओके, एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा। इफ पोलैरिटी ऑफ एन सेल्स आर चेंज देन 2n नंबर ऑफ सेल्स आर रिमूव्ड, यार पोलैरिटी चेंज कर देली, जदु पिले गोटे सेल रो पोलैरिटी तमे चेंज करबो तले पिले दीटा सेल रो ईएमएफ कैंसिल आउट हे जबो, जदी
ईएमएफ समानकर सेम थिबो तो एटा मु सेतले कहूची जतबेले सेल मानकर ईएमएफ सेम थिबो जदी एनटा सेल रो पोलारिटी तमे चेंज कर दउ छ तल पले 2n नंबर ऑफ सेल्स कैन बी रिमूव्ड किंतु तंकर रेजिस्टेंस उल्टा आइ जाय रेजिस्टेंस जातिला से जगह रहि थिबो याकु नै कि मु क्वेश्चन बनै छी बट इंपोर्टेंट कथा एनटा सेल रो पोलारिटी चेंज करले 2n नंबर ऑफ सेल गडा को तमे डायरेक्ट सेल रो ईएमएफ टा डायरेक्ट कैंसिल आउट हि जइबो तमे काडी परिबो इंटरनल रेजिस्टेंस रखि दे कि पळाइस्तो से हिसाब रे सॉल्व कर मनकर भाबो दीटा सेल हमरो पोलारिटी चेंज हो जाए तले एन जगह रे जो एन ही लिखा है ना ता जगह लिखो एन माइनस फोर ई किंतु इंटरनल रेजिस्टेंस एबे भी एन आर ही थिबो ताकु एन माइनस फोर करो प्लस आर कर दबो तुम करंट वैल्यू मिल जइबो एग्जांपल दे छि नेक्स्ट जिंस जो हमको देखिवार अछि सेटा ला पिले सेल मानकर पैरेलल अरेंजमेंट ठीक तो पैरेलल अरेंजमेंट बहुत इंपोर्टेंट हेते जोटा कि पिले तुमको सर्किट सॉल्व करिवारे निहाती हेल्प करिवो तो मार्क करिवो तो इनिशियली मु देछि आम पाखे पिले दीटा सेल अच्छा जो मानकर ईएमएफ आम कौन कर सेम कर दे तो जदि ईएमएफ सेम हो गला मार्क करो ईएमएफ सेम हो गला ताले ई पैरेलल अच्छा नेट ईएमएफ रो वैल्यू तो ई ही हम ठीक आउ जो इंटरनल रेजिस्टेंस आउ एमटा पिले जदि गुड़ाई भी था एनटा धर था ईएमएफ सेम रखी सब जाक जिन भल कि मार्क कर ईएमएफ सेम रखी पिले भी सेल रफ ई था इक्विवेलेंट सेल रु रजिस्टर गुडाक पैरेलल अच्छा तो 1 by r plus 1 by r plus 1 by r plus 1 by r n टा थिले n by r उल्टे देले पिले r by n नै जीव त या बदल रे एटा कली नेट ईएमएफ जगह रे ई लिखली आ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जगह रे r by n लिखली आ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल r छै तले करंट रो वैल्यू टा आसी गेला e by कैपिटल नेट रेजिस्टेंस r plus r by n ठीक एबे थ्रू मेन गेम गोडा को तमे भलो कि मार्क करबो ए जिंसो ही तुमको सर्किट सॉल्व करे हेल्प करो टू सेल्स विथ सेम पोलैरिटीज टुगेदर मार्क करो एटा पिले गोटे सेल अछि एटा आउट अ सेल अछि और पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हेकि अछि यार इंटरनल रेजिस्टेंस आर1 यार इंटरनल रेजिस्टेंस आर2 याकु लगे छि मु आउट एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर संग रे तल पिले दिटा को जेतु पैरेलल अछि याकु आमे इक्विवेलेंट एठी रिप्रेजेंट कर परबा ठीक तले याकर इंटरनल रेजिस्टेंस बदले इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करली जारो फार्मूला आ गेला आर1 आर2 बाय आर1 प्लस आर2 काई केला नै दिटा को तो पैरेलल अछि ओके ताको बदल जो ईएमएफ टा यूज करबे एटा टिके मन रखिदबो तमे जदि सेम पोलारिटीज टुगेदर थिबे पिले उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करबो आ ऐड कर दबो e1 r2 plus e2 r1 by r1 plus r2 सर्किट रे ई हमकु बहुत हेल्प करबो e1 r2 plus e2 r1 by r1 plus r2 आ जदि पिले आमे डेसिमिलर पोलारिटीज टुगेदर करू छै आमे नेक्स्ट पॉइंट देखो डेसिमिलर पोलारिटीज टुगेदर अछि ताल भी माने पिले पैरेलल अछि तेनु इंटरनल रेजिस्टेंस r1 r2 by r1 plus r2 ही हबो किंतु जो सेल रो ईएमएफ टा हबो सेडा हबो e1 r2 minus c2 r1 by r1 plus r2 एटा मुंडर रखिथिबो आ जदि वैल्यू पिले प्लस आसीला जदि यार वैल्यू टा प्लस आसीला तले ई स्टाइल देखाओ जदि यार वैल्यू माइनस आसीला तले पिले पोलारिटी चेंज कर दियो सेही हिसाब रे चालिबो तो टू सेल्स डिफरेंट पोलारिटीज टुगेदर टिके मार्क करबे टि फिगर टा टिके एरर अछि दुटा सेम पोलारिटीज देखाय जाय छि एटा पिले एमटी हो छि डिफरेंट पोलारिटीज टुगेदर हैला एटा जनरली तमरो पढे ही नै तो याकु स्टिल मु बतई दे छि किंतु एमटा क्वेश्चन आसीबो नै डिफरेंट सेल्स ऑल कनेक्टेड पैरेलली तल ताकु पिले गोटे को आनि परबा हम तल सेतबे तमे फार्मूलाटा मन रखि देता जो नेट ईएमएफ रो वैल्यू हो ई1 बाय आर1 प्लस ई2 बाय आर2 प्लस डॉटेड बाय 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 डॉटेड आ जेतु एमन समस्त पैरेलल अछन त 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 करकी तमे स्मॉल आर रो वैल्यू बाहर कर परबो ई बारी गला स्मॉल आर रो वैल्यू बाहर गला कैपिटल आर इज गला नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ता करंट रो वैल्यू आजो ई बाय आर प्लस आर स्मॉल आर ए2 कैलकुलेट हो ई ए2 कैलकुलेट हो आ तमे चाहिले जो दीटा सेल को नहीं कि मु फार्मूला डिराइव कर छी सेटा एठू भी बाहर परबो तो तमे निजे भी चेक कर परबो देखो दीटा पई एठ तो बाहर जीव ई1 आर2 प्लस ई2 आर1 बाय आर1 आर2 आ एटा जो आर1 प्लस आर2 बाय आर1 आर2 कैंसिल आउट हो गेला ई1 आर2 प्लस ई2 आर1 बाय आर1 प्लस आर2 एठू भी प्रूफ कराई परबो अदरवाइज ए जो दीटा जिंस कहली एटा निहाती मन रखिबो कोटा ना सेल्स विथ डिफरेंट पोलारिटीज टुगेदर बाय जिंस हेल्प करबो आ सेल टू सेल्स विथ सेम पोलारिटीज टुगेदर ए मेंचा मेंचा जिंस दिएनी तो एबे आमे पिले क्वेश्चन करया पे सेट हे गेले सर्किट रो जो जो जिंस गडा कहली से गडा मुंडर रखिबो नोडल एनालिसिस भलो की क्लियर हबो शॉर्ट ओपन जानिबो पोटेंशियल डिफरेंस थेवेनिन ने केमती किरचॉफ साइन कन्वेंशन यूज करा जाय देखिबो सेल विषय बहुत किछि कथा कहली किंतु इंपोर्टेंट जिंस होला सेम पोलारिटीज टुगेदर डिफरेंट पोलारिटीज टुगेदर टू सेल वाला जिंस मन रखि जिवो ये भी तुमको बहुत हेल्प करियो एतिक जिंस जानिले आमे बे रेडी अछि सर्किट को सॉल्व करया पे गुडा खंडे एग्जांपल दैछि बस एग्जांपल गुडा को तुमको भलो की मार्क करछि से कहि छि कोन ए इज अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट 1 ओम बी इज अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट 2 ओम तो से पचाछि फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल ए एंड बी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करे पे आगो तो पिले करंट बाहर करे पड़ो
এই বাহানায় সিঙ্গল লুপ কু কেমতি ডিল করতে সেটা বতাই দিয়েছি। দেখো পিলে এটা পিলে গোটে হি লুপ আছে, এগুলা মুন্ডর কাড়াও, এই যে সব ডটেড হয়েছে এগুলা কাকে মুন্ডর কাড়াও। তো যদি তাকে মুন্ডর কাড়ো, 4 ভোল্ট 1 ওম 10 ভোল্ট 2 ওম 3 ওম এমতি হয়ে গেছে, তুমি মার কর কারেন্ট তো পিলে গোটে রে হি এমতি ফ্লো করিব। তাল পিলে 10 ভোল্ট রু এমতি আর 4 ভোল্ট রু এমতি বাহিরিব। তাল পিলে নেট ইএমএফ র ভ্যালু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন নে কেতে আসিগলা পিলে 14, আর নেট রেজিস্ট্যান্স র ভ্যালু কেতে আসিগলা পিলে 6। তালে এ ব্রাঞ্চ রে কারেন্ট র ভ্যালু আসিগলা পিলে 14/6, যোটা কু কু মি 7/3 অ্যাম্পিয়ার বলি কই পারিবি। আর ইয়াদ রে পুরা ইজি থাই, সিঙ্গল লুপ রে কারেন্ট তো ডাইরেক্ট দেখাই যায়, টেনশন নবার নাই। তালে পিলে কারেন্টটা এমিতি হি ফ্লো করতো, 7/3 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। আমগো পচালা ফাইন টার্মিনাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অফ দা সেল এন্ড বি, এটি সেল কলে পিলে 4 ভোল্ট নয়, 4 ভোল্ট আর 1 ওম দুইটা কো বতাউছি। তাহলে ইয়ার টার্মিনাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কেতে, তা মানে ইনডাইরেক্টলি সে পচারলা এ দুইটা পয়েন্ট ভিতরে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কেতে। সিম্পল কথা, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স মানে থেভেনিন ইউজ করিব। তাহলে এঠু বাহারলি, তাহলে মু লিখিবি পিলে ভিএ পজিটিভ ফেস কলি লিখিলি -4, কারেন্ট র অপোজিট ডাইরেকশন নে গলে, কারেন্ট র অপোজিট ডাইরেকশন নে গলে প্লাস আই আর লেখা যায়। তাহলে পিলে আই তো 7/3 আর এটা 1 আছে, তাহলে পিলে +7/3 ইজ ইকুয়াল টু ভিবি। তাহলে এ দুইটা টার্মিনাল ভিতরে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স র ভ্যালু আসি গলা 4-7/3, তো আনসার আসি গলা 5/3 ভোল্ট। ক্লিয়ার আছে কথাবার্তা? তাহলে এটা হলো ইয়ার টার্মিনাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। সে পচালা ইয়ার টার্মিনাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কেতে, সিম্পল কথা, তাহলে পিলে এ দুইটা পয়েন্ট ভিতরে আমি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বার করে পুনি থেভেনিন ইউজ করিব। তাহলে তাকু লিখিবা আমি ভি পজিটিভ ফেস কলি, তাহলে পিলে -10 লিখিলি, কারেন্ট র অপোজিট ডাইরেকশন নে গলি প্লাস আই আর লিখিবি। তাহলে এটা আসি গলা পিলে +14/3 ইজ ইকুয়াল টু ভিবি। আমাকু টার্মিনাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পচার থিলা, তা মানে ভি এবি র ভ্যালু আসি গলা 10-14/3, 30-14, তো আনসার বারি গলা পিলে 16/3 ভোল্ট। পড়িলা বলিয়া কোশ্চেন, এমিতা হি কোশ্চেন তুমি এক্সাম রে এক্সপেক্ট কর, বহুত ক্রিটিক্যাল কিছি আসে হি নাই, ক্রিটিক্যাল আসিলে বি থিম তোমাকে বতাইছি তুমি সলভ করে পারিব। উই উইল গো টু দা নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন সেজ দ্যাট এমতিয়া দেলা তোমাকে ফাইন্ড পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন এ এন্ড বি, এডি তোমাকে টিকে চালাক হবাকু পড়িব। দেখো এই কোশ্চেন না বহুত ওয়েরে সলভ হই পারিব, কোন এটা পিলে আমি নোডাল পকি সলভ করে পারি আসে কল 100%। আউ কিছি রাস্তা আছে, সে কল আউরি বি রাস্তা আছে, যদি এ দুইটা সেল তুমি মার্ক কর সেম পোলারিটিস টুগেদার আছেন, ইয়াকু আমি পিলে গোটে সেল কু বি কনভার্ট করি করে পারে। তো মু দুইটা কো মেথড বতাই দউছি, যোটা তোমাকে কমফর্টেবল লাগিব তুমি সেটা ইউজ করিব, আর তোমার আনসার বাজো। মেথড 1 মাই ফেভারিট নোডাল ওয়ালা মেথড পকাও, তো ইয়া ভিতর কোনসি গোটে নোড টা কু পিলে 0 ভোল্ট নেই যাও, আর গোটে কোনসি নোড টা কু পিলে ভি ভোল্ট নেই যাও। ভি এটা হাই এটা লো, তাহলে পিলে কারেন্ট আমি আজুম কলে যে এমিতি এমতি আও এমতি ফ্লো করতব। তাহলে পিলে সবু ব্রাঞ্চ পাই ইকুয়েশন লিখি দেবা। তো আমাকে পচাচ্ছে ফাইন পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন এ এন্ড বি, এ আও বি ভিতরে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বার করছি। আগে আমি ইকুয়েশন লিখে দেবো, তাহলে পিলে এ রাস্তায় গেলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স র ভ্যালু বাহার যাব ভি -5/2, এ রাস্তায় গেলে বাহার যাব পিলে ভি -10/3, আর যদি মু এ রাস্তায় যাবি তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স র ভ্যালু বাহার যাব ভি -5/2 अगेन, আর সবু যাক মিশলে পিলে 0 নেই যাও বলি মু কইলি। ভি -5/2, ভি -10/3, ভি -5/2, তাহলে এ দুইটাকে যদি আড হয়ে গেল তাহলে এটা আসি গেল পিলে ভি -5/ভি -10/3 হুইচ উইল বি ইকুয়াল টু 0, তো 3 ডিনোমিনেটর আসিব সেপটে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাব। তাহলে আমার আনসার বাহিব 3 ভি -15/ভি -10 ইজ ইকুয়াল টু 0, সো ডাইরেক্টলি আই ক্যান সে দ্যাট এটা পিলে 4 ভি, 4 ভি র ভ্যালু সেপটে চার্জ গুলে 25, তো ভি র ভ্যালুটা বাহির গেল পিলে 25/4 ভোল্ট। প্রবলেম সলভ, তার মানে এ দুইটা পয়েন্ট ভিতরে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পচারছে। কারেন্ট পচার থাকে তাহলে পিলে আউট স্টেপ কু যাই থাকে, কিন্তু এ দুইটা পয়েন্ট ভিতরে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তো ভি এ থাকে, আর যে ভি র ভ্যালুটা আমরা 25/4 বাহির হলো। তো এটা মু নোডাল পকে সলভ করি, যেটা কি বহুত ফাস্ট হয়ে গেল। তুমি চাইলে পিলে সেল ওয়ালা মেথড পকে কি বি সলভ করি থাকে, করি পারি থাকে। কেমতি দেখো, এ আর বি ভিতরে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পচারছে, ছুঁ নি, তার মানে তা জায়গায় মু লিখি দেলি এটা কু 10 রখিলি, আর এটা কু 3 রখিলি, এটা 10 ভোল্ট, এটা 3 ওম, আর সে এ আর বি ভিতরে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা পচারছি। ঠিক, এবে দেখো এটি যে সেলটা আছে আর এটি যে সেলটা আছে, এ দুইটা সেল তো পিলে প্যারালালে আছেন, আর সেম পোলারিটিস টুগেদার আছেন, তাকে গোটে করি হবো। মু কইদিলি কেমতি করিব না, ইয়াক বদলরে যে ইএমএফ টা লিখিব সেটা হেই গলা ই1 আর 2, তার মানে 10 আসি গলা প্লাস ই2 আর 1, তার মানে বি 10 আসি গলা, ই1 আর 1 প্লাস ই2 আর 2 ডিভাইডেড বাই আর 1 প্লাস আর 2, তাহলে এটা 20 আসি গেল, আর 1 প্লাস আর 2 পিলে 4 আসি গেল। তাহলে পিলে এ দুই জনক বদলরে মু 5 ভোল্ট লিখি পারিবি। এমতি বি দেখো দুইটা তো সেম অছন্তি, 5 ই লেখা হবো।
आउ ए दिटा को पिले पार्लर ले अछन 2 2 ताले पिले दिटा जदी पार्लर ले अछन ताले तांको बेदल रे मु 1 ओम लेके दिल एबे देखो एटा एटे की कन्वर्ट हे गेल ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस पचाछ आ ए आउ बी मुंडरु काडी दबा जदी ताले हमको पिले एटा सिंगल लूप देखाउ आउ तमे टिके ढाबा ठीक से मारिवो देखो पिले यार जो करंट आछ एटा तो पिले एंटी क्लॉकवाइज छ 10 वोल्ट वाला यार जो करंट आछ तले पिले एटा 5 वोल्ट वाला आछ तले पिले एंटी क्लॉकवाइज वाला जितिबो तले हमें क्लियर हे गेले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे करंट फ्लो करिवार आछ आउ नेट ईएमएफ रो वैल्यू केते आसीबो ना 5 कारण ये 10 देतला ये 5 देतला नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ईएमएफ बारी गला 5 आउ नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते आसीगला 4 तले पिले सर्किट रे नेट करंट रो वैल्यू ता आसीगला 5/4 किंतु हमको ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस पचा छि एबे तमे थेवेनिन यूज कर परबो तले जदी मु ए रु बाहर लित ए फर्स्ट क्वेश्चन अछि बोली दीटा मेथड रे कहली मु तमको किंतु पिले तमे निजे निजे करबा चेष्टा करो जो मेथड तमको ठीक लागु छि से हिसाब रे करो तले जदी पिले एठु बाहर लित तले मु लिखि वी ए पॉजिटिव एंड को फेस करली तले पिले -10 आसी गेल आउ 3 मल्टीप्लाई कर दिले करंट रो अपोजिट डायरेक्शन हे जाउ तले +15/4 को मु लिखि देली इज इक्वल टू वी बी लिखि देली तले आमे लिखि परबा वी ए बी रो वैल्यू ता हला 10-15/4 40-15 तो 25/4 वोल्ट जोटा के पिला हमरो नोडल एनालिसिस मेथड रे भी बाहर दिला बाकी इच्छा तमरो तमे को मेथड को यूज करछो बस एग्जाम हॉल रे तमको गोटे मिनट भीतर करके आसीबार छ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो एबे मु खाली गुडा क्वेश्चन प्रैक्टिस करै छी फटाफट सारिबा एगडा को खाली मुंडो खटार छ तमको एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लागि छी थ्रू व्हिच करंट इज आई तो पिले 12 टा आइडेंटिकल सेल अछंत तले पिले नेट ईएमएफ रो वैल्यू टम को लेखि परि पिले 12 भी ठीक आउ किछि तो देइनी तमे चाहेले स्मॉल आर नै परबो नो बि नेले चलिबो एक्सटर्नल लोड टा आर हेगला तले पिले करंट रो वैल्यू आई दिछि तो याको एमति पुट कर देले या काम सरी गेलो इफ पोलारिटी ऑफ एन सेल्स आर रिवर्स तो मु कहली जदी एन सेल रो पोलारिटी रिवर्स हला 2n टा सेल नष्ट होइ जइबो आगुरु 12 टा थिला तले एबे केते टा रहइबो 12-2n * e किंतु रेजिस्टेंस तो जा थिला से आथिबो ना तुम एटी इंटरनल रेजिस्टेंस टाकु 12 बार आउ एटी 12 बार लेखो कोन फरक पड़छि लास्ट को तो कटिं जिवो आ सेते बेले करंट रा वैल्यू टा केते हिचिना पिले 2i/3 सला हमकु पचछि n रो वैल्यू केतो बार करो सिंपली यू डिवाइड तो जतला हम डिवाइड कर देबा i बाय 2i/3 तले एटा पिले 3/2 आसी गला आ याकु जतला हम डिवाइड करबा e बाय r तो कैंसिल आउट होई जिवो तले एटा जो पिले 12/12-2n तले याकु जदि पिले क्रॉस मल्टीप्लाई करबा हमें so this becomes 36-6n is equal to 24 tale pile 6n ro value ta bartan kete bari gala 12 n ro value kete bari gala 2 ta mane dui ta cell ro polarity ko change karai thila okay next question dekhiba bas concept jaha batai chi sabu concept ko nei question banai chi dekho find potential difference between a and b a au b bhitare potential difference keta hobo bahar kara to pile mu tumko aguru koi chi potential difference bahar kara pai you have to calculate current first current bahar kara pai ko method ta use kara tike dimag lagao a au b mundru kar dio tal tumko dekha jo pile khali resistor gote hi cell achi tal pile tumi eti divider wala formula use kar paribo dekho eba thik se upare dui ta ko resistor kemti achanti series re 4 he gala tale dui ta ko resistor kemti achanti series re ye bhi 4 he gala tal pile net resistance ro value ta keta asigala 2 तले नेट रेजिस्टेंस यदि 2 आसीला तमे दिटा को पैरेलल ले अछन तले पिले याद रु करंट रो वैल्यू टा को बाहर कर दियो सेल केते करंट प्रोवाइड कला ई बाय आर तले 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देले 5 एंपियर रो करंट याद रु बाहरला आउ एटी के आसीला किंतु मार्क करो याद रे नेट रेजिस्टेंस 4 थिला यार भी नेट रेजिस्टेंस 4 थिला त माने करंट इक्वली स्प्लिट होबो त माने ए जो ब्रांच टा अछि याद रे करंट रो वैल्यू होबो 2.5 एंपियर आउ ए जो ब्रांच टा अछि याद रे भी करंट रो वैल्यू आसीबो तमरो 2.5 एंपियर हमरो सेटिंग हे गेला करंट भी बाहर करले करंट रो डायरेक्शन भी बाहर करले ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस पचार छि तले ए रु बाहरिबा बी रे पहुचिबा आउ साइन कन्वेंशन पुट करि करि जिवो सेटा तमे एमती भी आस परिबो सेटा तमे एमती भी आस परिबो तो लेट्स से मु एमती आस छि जा भी गले दीटा ही रजिस्टर फेस करिवो एठी गले तले मु लिखि देले पिले वी ए अब करंट जुआर जाउ छी मो कैलकुलेशन से आ रही छी तो पिले माइनस लिखिबा 3 2.5 तले एटा आसी गला -7.5 एतो एपटा आसीले करंट रो अपोजिट डायरेक्शन आसीले करंट रो अपोजिट डायरेक्शन आसीले प्लस आयर रहिता त प्लस आयर जदी कहबी तले एटा आसी गला +2.5 आउ ताको कर देली भीबी संगरे सेम कल पिले -7.5 +2.5 त आसी गला पिले -5 तले से दीटा पॉइंट भितरे पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू टा केते आसी गला 5 वोल्ट सो इज इट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एबे भी सेम पचार छी ए आउ बी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करो एटा मु काई बतै छी ना थेवेनिन टा को आउट के स्ट्रांग करा पे अदरवाइज
এটা 10 ভোল্ট এটা পিলে 2.5 ওহম এটা 5 ভোল্ট এটা 2.5 ওহম মেন্টালি ভাবো এটি দুইটা রেজিস্টর আছন্তি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স গড়া কো এগড়া হেলা তুমি দেখো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 10 ভোল্ট वाला करंट और 5 ভোল্ট वाला ক্লকওয়াইজ वाला करंट लास्ट কো জিতিবো কি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ वाला কারণ যেটা 10 ভোল্ট রে আছে তাহলে গোটা জিনিস আমি শিওর হইলে সিঙ্গেল লুপ কো এমতি হি অ্যানালাইসিস করে তো গোটা জিনিস আমি শিওর হইলে কারেন্ট আপিলে এমতি ফ্লো করতো আও কাজ গো ফ্লো করতো সে ফ্লো করতো 5 ভোল্ট জো अब करंट जदि पिले पूरा एमिटी फ्लो करिकी गला तले नेट रेजिस्टेंस 25 प्लस 15 40 आसी गला 2.5 प्लस 2.5 5 आसी गला तले नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू पिले 45 आसी गला तले तमु जने पचला भाई करंट रो वैल्यू केतब करंट तो हला नेट पोटेंशियल डिफरेंस जोटा कि पिले 5 थिला और नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यूटा केतब आरी गला 45 तले करंट रो वैल्यूटा केते आसी गला 1/9 एंपियर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्लियर एबे पचला एबी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करो ए रु बारी भी बी रे पहुंची भी साइन कन्वेंशन पुट करबी प्रॉब्लम हैला एमिति जदि मु आसी भी तले पले चारटा कंपोनेंट फेस करे पड़िबो बैटरी रेजिस्टर रेजिस्टर बैटरी तापर पहुंच किन जदि एमिति आसिल केवल दीटा रेजिस्टर रही गेम हिजो तो बस तुम पुट कर दियो आंसर बारी होला ए रु बारली तो पले फर्स्ट द करंट रो डायरेक्शन ने जाई छे तो -25/9 माने आईआर पुट करली तापरे भी करंट रो डायरेक्शन ने आछी तले पले माइनस आईआर माने -15/9 पुट करली आउ बी रे पहुंची गले एटा पले पूरा पढला हुआ क्वेश्चन तले पले बी एबी रो वैल्यूटा वर्तमान केते बारी गला 40/9 वोल्ट मुंडरे ए जिनसटा रखि दी ओके नेक्स्ट आउट क्वेश्चन देखिबा हमें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे छि पिला वोल्टमीटर को लगे गोटे क्वेश्चन दे छि पचार छि फाइंड रीडिंग इन द वोल्टमीटर चालक पिला कोन करबो आगो वोल्टमीटर टा को काट दबो कारण मु कहि एमीटर वोल्टमीटर जाबि थने तंको आगो काट दबो तल पिल चालक पिला आगो वोल्टमीटर टा को काट दबो आ जदि काढी देलो मार्क र तमको केवल एमिति हि गोटे जिंस देखा जिवो ठीक जोटी कोन कोन अछि सेटा तमको देखा हो ठीक तल तो पिला सिंगल लूप को कन्वर्ट देखो 8 वोल्ट क्लॉकवाइज दबा पई चेष्टा करबो सिंगल लूप हे गेला आ 6 वोल्ट बिले एंटी क्लॉकवाइज दबा पई चेष्टा करबो तले जितिबो के 2 वोल्ट जोटा कि को डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करबो पिले एमिति प्रोवाइड करबो करंट कारण 2 वोल्ट आ पिले क्लॉकवाइज जो आसे तले ए ब्रांच रे पूरा ए नेटवर्क रे करंट केते फ्लो कला नेट ईएमएफ रो वैल्यू केते बारी गेला पिले 2 आसी गेला नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते आसी गेला पिले 10 आसी गेला तले करंट रो वैल्यू आसी गेला 1/5 एंपियर इन क्लॉकवाइज सेंस करंट रो वैल्यू बारी गेला एबे देखो पचारिला वोल्टमीटर रीडिंग देते ता माने सिंपल कथा ए दीटा वोल्टमीटर तो एठी लागी छ ओ एठी लागी छ ता माने ए दीटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस जाबो वोल्टमीटर रीडिंग से हम बाकी तमो इच्छा आइदर तमे एपटे बारी एठी पहुंच और एपटे बारी एठी पहुंच पोटेंशियल डिफरेंस तो कैलकुलेट कर छ मु एठू बारले पर करंट ता क्लॉकवाइज जाई छ ता माने पहिले करंट एमटी चलथिला ओके मु एठू बारली एठी पहुंचली तो देखो केते आ जइबो VA लिखि देली आगो सेठी करंट रो डायरेक्शन गली तले पले सेटा हे गला -7/5 कारण IR आई तो बाहर सरची अब पूनी पॉजिटिव एंटा फेस करली -6 लिखि देली जोटा कि पले VB संगे रे सेम हे गला हम पचारतला दीटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस केते तो VAB रो वैल्यूटा आसी गला पले 37/5 वोल्ट जोटा कि पले रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर रहिथि आउट पडला बलिया क्वेश्चन ठीक एबे देखो एटा पिला आगुरु एमटा क्वेश्चन जेई मेन मागी सारछी मु टिके तादरे ट्विस्ट मारी की क्वेश्चन टा बनेई छे क्वेश्चन पचारछी एटा पिला उटे लूप अछि एटा उटे लूप अछि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी चलो एटा को बी लिखि दउ छी ए एंड बी ए दिटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस केते हेतो बाहर करो तो पिला पोटेंशियल डिफरेंस माने त आगो हमकु करंट और करंट रो डायरेक्शन बाहर कर छी मन रखियो जति को लूप पिले इंडिपेंडेंट हेइथिबो आ जति गोटे लूप पिले इंडिपेंडेंट हेइथिबो ताले ए जो कनेक्टर थिवो ना याद रे बिल्कुल करंट किछि फ्लो करिवो नै तमको सर काहेकि बाबा एटा पिले इंडिपेंडेंट लूप ता याद रु पिले जदि करंट आई बाहरला आ जदि किछि करंट या भीतर पसी गला ताले पिले जति कि बाहर थिला कोन सेति कि पहुंचो बिल्कुल सेल पकरु जति कि बाहर थिला सेति कि पहुंचबा दरकार आउट अ प्रॉब्लम मार्क करो याद रु जदि करंट पिले किछि ता स्प्लिट हे कि याडु को आसिला याद रु भी ताले पिले करंट ता किछि स्प्लिट हे कि याडु को आसे तो करंट कोन भेटा भेटी हेबे सो मन रखी था पिले जदि इंडिपेंडेंट लूप देइथिबो कनेक्टर भीतर करंट फ्लो करेनि सेटा एठी देइ तो बेबल क्वेश्चन जे मैंने जोडा देइथिला से कनेक्टर ता एठी लगैथिला करंट फ्लो करिवो ना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट दबो ठीक तले आगो ए लूप रे करंट हमें बाहर करतो जोडा कि क्लियरली देखाउ छी नेट ईएमएफ 4 वोल्ट अछि रेजिस्टेंस 1 ओम अछि तले पिले या भीतर करंट ता एमितिया फ्लो करिवो आई इज इक्वल टू वी बाय आर जोडा कि पिले 4 एंपियर रा करंट एमितिया फ्लो करथु ता भीतर एठी देखो एठी भी तो गोटे सेल अछि तनु याद रे भी जो करंट ता फ्लो करिवो सेटा पिले एमटी सेंस रही है तो नेट ईएमएफ 8 वोल्ट नेट रेजिस्टेंस 4 ओम तले पिले यार जो 4 ओम यार जो करंट रो वैल्यू टा आस्तो सेटा पिले 2 एंपियर
आमको पचारे भितर पोटेंशियल डिफरेंस बाहर कर तुम इच्छा बर्तमान आम पे जब ए रास्ता सिलेक्ट करवा देख कम जिन फेस करता सिलेक्ट करदे तेज़े कम जिन फेस करमे जेकोसी रास्ता भी सिलेक्ट कर पार किए कह सर मुझे काल्कुलेट करी किए कह सर मुझे एमती पहुंची तुम इच्छा भाई किसी टेनसन ना मुझे बाहर पिले फास्ट तो भिए लिखीदे बाटर नेगेटिव एंडटा फेस कली पिले प्लस फोर लिखीदे ए रेजिस्टर करेन्ट ना तो हटाओ तापर एटी आसली पुणी पॉजिटिव एंडटा फेस करदे पॉजिटिव एंड फेस कले पिले माइनस एट वोल्ट लिखीदे आउ बी रे पहुंची गले बी बी पिले भी एबी वैल्यूटा के पिले फोर वोल्ट बाहर कि बुझल पिले ताने जदि आम टे स्टार्ट रु चिंता भी करते ना पिले तेल करेन्ट भी बाहर करा दरकार न था कारण आम ए रास्त जो गले जानते करेन्ट फ्लो कर ही ना तो ए रास्त गले खाली बैटेरी को देखिकी भी आम आंसर बाहर करते जी एमती जीव ताप रेजिस्टर सी बेटी तेज करेन्ट दरकार तेनाली चलाक हो गले बहुत कम टाइम आंसर भी बाहर क्लियर अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फाइंड करंट इन द सर्किट सोन भाई एमतिया क्वेश्चन बारंबार कर सला खाली लास्ट प्रैक्टिस देचे बेस्ट मेथड करंट आई इन द सर्किट तुमने याद रे करंट पचार कौन डायरेक्शन देखिए तुम टेंशन ना दरकार नहीं तुम जो बाहर से ठीक से तुमको एमती देखिए फसल दब नोडल जीवा पे एटा को जीरो मार दियो आटा को वि मार दियो पे ए रास्त गले नेट ईएमएफ आसीगला पे वि माइनस फोर नेट रेजिस्टेंस पे थ्री आसीगला ए रास्त गले आम आसो पे वि माइनस फोर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय वन चलो वन ही लिखी दिली आउ जदि ए रास्त जीवा पुणे आसो पे गोटे वि माइनस फोर डिवाइडेड बाय थ्री ताले एटा को पिले टू टाइम्स कर देले एमती लिखी दिले एटा ठीक आउ इज इक्वल टू जीरो मार देले ठीक ताले पिले एठी डिनोमिनेटर थ्री आसो जोटा कि सेपटे कटी गला ताले आमे कहबा वर्तमान टू वि माइनस एट एपटे ब्राकेट खोल देली प्लस थ्री वि माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ताले एटा पिले फाइव वि बाहरी गला आउ फाइव वि वैल्यूटा पिले ट्वेंटी आसीगला तो वि वैल्यूटा आसीगला आमर फोर वोल्ट तले पॉइंटर पोटेंशियल डिफरेंस बाहर आमको पचारा ए ब्रांच रे करंट के ए ब्रांच रे करंट तो पे वि माइनस फोर कही वि माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन किंतु वि तो निजे पिले फोर वोल्ट बाहर ठीक तले तुमको पचारा ए ब्रांच रे करंट के जदि मु जगह नहीं कि फोर पुट कर दूसरी करंट वैल्यू जीरो मिलू आम क्वेश्चन पचारा ए ब्रांच रे करंट के तो आमर आंसर बाहर पे जीरो माइंडफुली शुणी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा आई था एटा पिले पूरा चक्रव्यूह वाला तुमको देखा जो टेंशन नहीं आराम से ही जो क्वेश्चन पचार सब रजिस्टर रे करंट रो वैल्यू केते बाहर करो तुमने पूरा बेसिक को स्टिक करो बेसिक कौन कहला बहुत रजिस्टर अच्छे गोटे ही सेल अच्छे डिवाइडर आमको हेल्प कर देख आराम से ये तीन टा केमती अच्छा पे सीरीज रे फोर टू टू जो एटा एट सांगे केमती अच्छा पे पार्लाल सी फोर हो गला कारण एटा एट पार्लाल रही फोर हम 242 केमती अछंदे पिले सीरीज रे तले एटा केते आसी गेला 8 जो एटा 8 संगे केमती अछि पार्लल ले तले एटा पुनी केते हो गेला 4 एटा 3 एटा 4 एटा 2 नेट रेजिस्टेंस रो वैल्यू बाहरी गेला पिले 9 आउथरे कहू छी 242 8 8 8 संगे पार्लल 4 242 8 8 8 संगे पार्लल 4 342 सीरीज रे 9 नेट ईएमएफ 9 वोल्ट नेट रेजिस्टेंस 9 बारला तले पिले याद रु जो करंटा बाहरी वो 9 वोल्ट बाय 9 ओम सेटा तो पिले 1 एम्पियर हे गला ठीक एबे देखो जो 1 एम्पियर ता एपटे देखि फ्लो करियो करंट रो वैल्यू बारे गला जो 1 एम्पियर ता एंती जाई छे कोन 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 हला तापर लास्ट तो 1 एम्पियर हे कि फेरियो तले याद रे भी हमर करंट रो वैल्यू बारे गला केते आसी गला 1 एम्पियर मुंडरे रखो इट तापर जो 1 ता जीवो तापर से पिले स्प्लिट हबो जदी तमरो मन थिबो एटा 8 ओम करथिली आ सब मिसे कि भी तो पिले 8 ओम लिखिथिले आमे कारण एटा 84 कहिथिली मु तले जदि 8 अछि आउ 8 अछि तले ए 1 टा पिले इक्वली स्प्लिट हबो माने एपटु को केते करंट जीवो 0.5 0.5 आउ यारु को केते करंट जीवो 0.5 एबे टिके निज आइडिया लगाओ जदि एपटु 0.5 आउ एपटे 1 जाउ छि तले ऑबवियसली याद रे भी केते जाउ तो पिले 0.5 एम्पियर करंट फटाफट बाहर जीवो आंसर टेंशन नबार ने एबे देखो जो 0.5 एठी आसीला से पुनी या भितरा आउ या भितरे भी स्प्लिट हबो एटा को 8 कहितलो याकु भी तो 8 कहितलो 4228 आसीला तले पिले पुनी इक्वल स्प्लिट हबो तो पिले जदि 0.5 अछि तले या भितर को करंट केते फ्लो करबो 0.25 एबे दिमाग लगा आ बाकी 0.25 पूरा एमिति फ्लो करबो आंसर बारी गला हमर किछ टेंशन नै तले याद रे करंट केते आसीला 0.25 जोटा कि याद रे भी फ्लो करतबो जोटा कि याद रे भी फ्लो करतबो एबे देखो
इफ दिस इज 0.25 दिस इज 0.25 0.5 हो गला और दिस इज 0.5 दिस इज 0.1 है कि कर गला सिंपल आंसर बारी के हमर घर तो आज भाई मेथड तो मु बते दे तमे केते तकु यूज कर परछो सेटा तमो स्पेशलिटी लास्ट क्वेश्चन गोटे करेबा आउ हमें ए वीडियो टाकु वाइंड अप करेबा क्लियर लास्ट क्वेश्चन टा देखो ये भी सेम स्टाइल रो क्वेश्चन क्वेश्चन पचाची रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ईच ऑफ 60 ओम तो ए दिटा का रेजिस्टेंस 60 ओम अछि आर कनेक्टेड इन सीरीज आर शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज केप्ट 120 वोल्ट ए दिटा पॉइंट भीतर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट अछि ताले भाई एते डिफिकल्ट काई करबा काई कि चलो एटा को 120 वोल्ट न लिखि देबा काम खत्म ओटे सेल भाभी जो 120 वोल्ट वाला रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वोल्टमीटर रीडिंग केते हबो जोटा कि सी आउ डी भीतर लागिछि इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज 120 ओम कोन सिखिले एटा गोटे रियल वोल्टमीटर जार रेजिस्टेंस केते देछि 120 वोल्ट त माने ए रेजिस्टर रे पोटेंशियल डिफरेंस जा हबो आंसर से हबो तमे चाहला को रीड्रॉ करि परिबो मु रीड्रॉ करूछि किंतु चेष्टा करो मेंटली करिया पे एबे देखो एटा पिले 120 वोल्ट आसीगला देखो एटा पिले 120 वोल्ट आसीगला एपटे गोटे रेजिस्टेंस अछि जोटा कि पिले 60 ओम दे दीजि हमको ठीक एपटे आउटर रेजिस्टेंस अछि जोटा कि पिले 60 ओम दे दीजि कारण सी भी कहिछि दीटा को रेजिस्टेंस सेम अछि आउ वोल्टमीटर बदल रे सॉरी दिस इज 120 ओम वोल्टमीटर बदल रे मु आउटर रेजिस्टर नै जेछि जोटा कि पिले 120 ओम रो रेजिस्टेंस दोछि हमको आउ फिगर एमपी अछि आ मते बार कर अछि एठी पोटेंशियल डिफरेंस केते कारण एटा ही वोल्टमीटर अछि सॉरी होला भाई पाठ खत्म देखो केमदि बार करया ए दिटा तो पिले पैरेलल अछि नंबर ऑफ रजिस्टर सिंगल सेल ताले पिले डिवाइडर रूल पके त धडा धडा आंसर बारियो ताले 120 इनटू 60 ताले सेट तो पिले 7200 हो गेला डिवाइडेड बाय 120 प्लस 60 180 हो गेला ताले पिले एटा तो पिले 40 ओम रो बारी गेला रेजिस्टेंस आ एटा 40 ओम एटा 60 ओम सीरीज रो अछि नेट रेजिस्टेंस 100 ओम ताले पिले याद रु करंट केते बारतो त याद रु करंट बारतो 120 डिवाइडेड बाय 100 जोटा कि पिले मु लिख परबी कटि गेला परे 1.2 एम्पियर रा करंट एठू बाहर थो एबे देखो जदी पिले याद रु 1.2 एम्पियर रा करंट बाहरला तले पिले या भीतर देखि भी 1.2 एम्पियर जाउ थो जोटा कि हमर दरकार ही नै से 1.2 एम्पियर ता से पिले स्प्लिट हिजो मते याद रे करंट दरकार अछि करंट डिवाइडर रूल कहला जोथरे करंट दरकार अछि तार उल्टा रु कैलकुलेशन करो तले पिले याद रे करंट केते बारिबो सेटा 60 ओम रु बारिबो 60 डिवाइडेड बाय 180 इनटू जति की करंट आस्तेला जोटा के पिला में 1.2 बोली कहितले बा तकु मोटी 2 ठीक तल पिले 00 तो कैंसिल आउट हेगला तो 6 रे बेटा कैंसिल आउट केटा पिले 3 हेगला ठीक अछि और 3 कैंसिल आउट हेगले एटा तो ता भीतर करंट रो वैल्यू बाहर गेला हमरो 0.4 क्लियर हमहु को पचारतिला यारो पोटेंशियल डिफरेंस केते करंट बाय 0.4 रेजिस्टेंस 120 ओम अछि पहले तार पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू बाहर जो 0.4 इनटू 120 48 वोल्ट हम तो मु बारंबार कहि छी गोटे वोल्ट मीटर निजरो पोटेंशियल डिफरेंस मापे आ यार पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीला 48 वोल्ट सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर आंसर इज 48 वोल्ट एग्जांपल गोटा को भलो की मार्क करिवो टेक्निक बहुत बताइ छी तमे सेटा निजो प्रैक्टिस रे यूज करो मो काम कांसेप्ट बतेबा इट्स नॉट ए थ्योरी क्लास इट इज अ न्यूमेरिकल क्लास तो मु तुमको वैरायटी बते भी नीट केमितिया मागीबो टेक्निक भी बते देले बाकी तमे केते यूज करछो पिले वीडियोटा टिके बडो थिला कारण बहुत जिंस पढे आथिला करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 जो वीडियोटा हो सेटा पिले छोटा हो जोथि हमको मेजर कोन कोन पढे रछि हमको पढे रछि पिले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर बडा बडा क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर पचर छि आउ सेकंड जिंस हमको सिखिवार अछि पावर वाला क्वेश्चन जो बल्ब वाला इल्यूमिनेशन वाला जो क्वेश्चन था ताकू देखे रहछि आ किस्ट स्पेशल क्वेश्चन मु आ तमरो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पई बते देबे क्लियर अछि ए वीडियो पले बहुत किछि तमकू बतौछि निश्चित आगु लाइक करो आ निज संग मनंग संगरे शेयर करो जो माने फर्स्ट टाइम पई देखु छ चैनल को तो 100% सब्सक्राइब करो ठीक बेनिफिट तमरो ही हेबार अछि थैंक यू।